रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ليخرج
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ऐ अहले ईमान, अल्लाह का बहुत जिक्र किया करो और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहा करो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। और अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। जिस रोज वो उनसे मिलेंगे, उनका तोहफा अल्लाह की तरफ से सलाम होगा और उसने उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। सदक अल्लाहुल अजीम। तमाम नाजरीन, तमाम व्यूअर्स, पीटीवी के तमाम देखने वाले जहां जहां भी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आपका आज का रोज़ा भी बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से इबादत करते हुए, अल्लाह को राज़ी करते हुए, रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करते हुए गुजरेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन गिरामी, ये रमज़ान का महीना ही बरकतों भरा होता है, चूँकि हम सब लोग मिलके इबादत में मशगूल हो जाते हैं। हम सब लोगों का ध्यान जो है वो रब ताला की तरफ जुड़ जाता है। कोशिश ये होती है कि दुनियावी कामों को छोड़कर कुछ ऐसा किया जाए कि अपने रब को राज़ी कर लिया जाए। ये महीना ही ऐसा है कि जिसमें मेरी, आपकी, हम सब की ये कोशिश होती है कि हम रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, दुनिया और आखिरत भी अच्छी करें, अपने पिछले गुनाह बख्शवाएं, क्योंकि रब रहमान और रहीम, गफूर और रहीम है। और अल्लाह का कहना ये है कि मुझे बहुत पसंद है कि मेरे गुनहगार बंदे मुझसे बार बार माफ़ी मांगते हैं। चूँकि हम सब इंसान हैं और इंसान गलती का पुतला है और इंसान गलती करता है, लेकिन जब तक हम अपने रब के सामने सजदा रेज होके माफ़ी मांगते रहेंगे, जब तक हम ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, जब तक अपनी अगली ज़िंदगी के सफ़र से पहले पहले अपने रब से माफ़ी मांगेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारा सबका अकीदा, हमारा ईमान है कि हमारा रब ज़रूर दरगुजर करेगा, माफ़ करेगा, क्योंकि वो तो है ही गफूर रहीम, क्योंकि हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, हम सबको करना ये है कि मिलजुल के दुआ करनी है कि रब ताला हम तमाम मुसलमानों
कि जिंदगियों में बरकत डाले, हमारे गुनाह बख्शे और दुनिया की और अगली आखिरत की जिंदगी बेहतर करें। नाज़रीन गिरामी, जब हम दीने इस्लाम को पढ़ते हैं, जब हम किताबें खोलते हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जब मैं इस शो की तैयारी करता हूं, तो बहुत सी बातें मेरे सामने आती हैं जिनको मैं चाहता हूं कि हमेशा हर रोज़ आपके साथ शेयर करूं। जब हम रमज़ान की बात करते हैं, रोज़ों की बात करते हैं, तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले तमाम अम्बिया कराम का तरीक़ा रहा कि उन्होंने रोज़े रखे अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए। अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आगाज़ करते हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में भेजे गए, तन्हा महसूस करते थे, तो अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। वो महीने में 3 रोज़े रखा करते थे, चांद की 13, 14 और 15वीं का रोज़ा, जिसको सयाम तौबा भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अगर ज़िक्र करें, तो आप भी रोज़े रखा करते थे, महीने में 3 ही रोज़े रखा करते थे, और ख़ास तौर से तूफ़ान जब ख़त्म हुआ, तूफ़ान जब थमा, तूफ़ान जब टला, उसके बाद आपने ये रोज़े रखे, तो उनको सयाम शुक्र कहा जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आप रोज़े रखते थे पूरा साल, एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे, यानी कि आपने साल में करीबन 182 रोज़े रखे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि महीने में 9 रोज़े रखा करते थे, पहले 10 दिन में 3, दूसरे 10 दिन में 3, और फिर तीसरे 10 दिन में 3 रोज़े रखा करते थे। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, तो उनके रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि चूंकि उनको अल्लाह से हम कलाम होना था, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम 30 रोज़े रखो, लगातार 30 रोज़े रखे, और उसके बाद 10 रोज़े मज़ीद बढ़ा दिए गए। नाज़रीन गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े से पहले भी रोज़े रखा करते थे, और ख़ास तौर पर तमाम सहाबा ने ये देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। इसीलिए आज भी सुन्नत के तौर पे बहुत से लोग पूरा साल पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं। रमज़ान का ये बाबरकत महीना मुसलमानों को नसीब हुआ, अल्लाह ताला का ख़ास करम, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी कि आज मैं और आप इस रमज़ान के बाबरकत महीने में मौजूद हैं, और मुझे आपको ये मौका दिया जा रहा है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें। तो नाज़रीन गिरामी, इस रमज़ान में हमें कोशिश ये करनी है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करें। ये जो फ़र्ज़ रमज़ान के रोज़े हैं, कोशिश करें रखें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रोज़े नहीं रखने, हमें देखना यह, सिर्फ भूखा रहना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़ात में कितना निखार आता है, हम कितना तब्दील होते हैं, हम कितना बेहतरी की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, और हम पे वाजिब है, हम पे लाजिम है, हम पे ये फ़र्ज़ है कि अपने रब की इबादत करें, रब का शुक्र बजा लाएँ, और जो रब का हुक्म है उसको पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान का ये बाबरकत महीना तो इंशाल्लाह जारी रहेगा, हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। ज़िक्र जो है वो बहुत ज़रूरी है, रब का ज़िक्र, रब का ज़िक्र करने में ही बरकत है, और रब की इबादत जो है वो ज़िक्र है, और ऐसा ज़िक्र जो मकबूल हो जाए, ऐसा ज़िक्र जो कबूल हो, ऐसा ज़िक्र जो रब को पसंद हो, ऐसा ज़िक्र जिससे अल्लाह का करम हम पे हो, ऐसा ज़िक्र जिससे अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, वो क्या ज़िक्र है, वो कौन सा ज़िक्र है, क्या हम अपने रब को किस तरह से राज़ी कर सकते हैं, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा हमारी जो साथी होस्ट हैं हमारे साथ, जो हमेशा एक ख़वातीन की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद होती हैं, तो आप जानते हैं जवेरिया साउद मौजूद हैं, उनको दावत है, आइए जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, कैसी आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, सबको दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, अशराए रहमत हमारे साथ है, और जितनी रहमत है हम समेट सकते हैं समेटें। और आप जिक्र कर रहे थे रमज़ान के और रोज़ों के हवाले से, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नाजिल होने से पहले हर साल एक माह के रोज़े रखा करते थे, और जब उनको नबुवत आई तो नबुवत के बाद उन्होंने हर पीर, हर हफ्ते पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना शुरू किया, और वो साहिबा कराम को भी तलकीन करते थे कि रोज़ा रखें ये पीर और जुमेरात का। लेकिन जब हिजरत उन्होंने की, तो हिजरत के दूसरे साल
हमारे रमज़ान अल मुबारक के रोज़े फ़र्ज किए गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले 9 साल रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखे। माशाल्लाह। और रोज़े सिर्फ ये नहीं है कि हम भूख प्यास सब जानते हैं ये तो, लेकिन अल्लाह का जिक्र, जैसे आपने जिक्र किया कि रोज़े में अल्लाह का जिक्र भी करते रहना चाहिए हमें। और अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र ये है कि हम अल्लाह की हमद व सना करें, यानी कि हम हर वक्त उठते बैठते अल्लाह पाक का नाम लें। जैसे हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहते हैं जी सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमकल्ला, इस तरह का जिक्र हम करते हैं, लेकिन हमारी नियत इबादत वाली होनी चाहिए। सही, यानी हम आदतन तो ये चीज़ें कहते हैं, लेकिन ये हमें इबादतन भी कहना चाहिए। बेशक, बहुत क्योंकि नियत हर चीज़ में आपकी बहुत अमलों का दारोमदार नियत पर है। अमलों का दारोमदार। और जिक्र ये है कि हम अल्लाह की बादशाही बयान करें, यानी कि उसके आगे झुकें कि सिर्फ वही है, उसकी इबादत करें। जिक्र ये है कि हम अल्लाह पे तवक्कल करें, यानी कि हम अल्लाह को ही अपने तमाम मामलात का जो है वो वकील बना लें, कि हमारा अच्छा बुरा, हमारी जितने भी मामलात हैं दुनियावी और रूहानी, वो सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही दूर कर सकता है, उनको अल्लाह ही ठीक कर सकता है। हमें अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम अपनी दुआओं को जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात तक महदूद रखें, क्योंकि हम अक्सर लोगों से कहते हैं यार आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, आप यकीनन वो आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन जो दुआ आपके दिल से निकलेगी अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने प्यारों के लिए, वो कोई और नहीं कर सकता। और दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जो तकदीरें बदल देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह से मांगो। और दुआ के लिए मैं आपको एक ऐसा एक बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी अरसे पहले की बात है, मेरी शादी से भी बहुत पहले की बात है, कि मैं बहुत सारी चीज़ें मामला दुनिया के होते हैं, आप परेशान होते हैं, तो मैं हमेशा ये दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे ये चाहिए, या अल्लाह मुझे ये चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहती थी, जो मुझे चाहिए होता था ना वो मैं कहती थी, अल्लाह मियाँ मुझे ये चाहिए, अल्लाह मियाँ मुझे ये चाहिए। फिर पता नहीं एक दफ़ा मैं एतिकाफ़ बैठी, तो मैंने एतिकाफ़ में मैं तफसीर पढ़ रही थी कुरान पाक की और कुछ किताबें पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी कि मैंने उस दिन से अपनी दुआ बदल दी। अच्छा, और क्या? मैंने अपनी दुआ बदली और मैंने ये कहा कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर हो, जिस पे तू राजी हो उस पे मैं राजी हूँ, जो तू मेरे लिए बेहतर समझता है बस वो मुझे अता कर, मैं तुझसे ज्यादा नहीं मांगती, जो तूने मेरे नसीब में लिखा है और जो तू चाहता है कि मुझे मिले वो मुझे मिल जाए। बस मैंने अपनी दुआएं बदली और अल्लाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। जवेरिया, मैंने एक और बात जो अपने तजर्बे के साथ देखी है कि शायद काम में, कमाने में, दौलत, इज्जत जो भी अल्लाह ने किसी के हिस्से में रखी है वो उसको मिलती है, और कई मर्तबा बहुत बराबर की मिल रही होती है, लेकिन किसी के पास बरकत होती है और किसी में बरकत नहीं होती। तो मैंने तो ये सीखा कि अपने रब से हर चीज़ में, अपनी ज़ात में, अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने जो भी मामला उसमें अल्लाह की बरकत शामिल होना बहुत जरूरी है। और अगर बरकत नहीं शामिल तो फिर उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मैं आपने क्योंकि जिक्र का की बात की तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत वाकया याद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा कराम आए और उन्होंने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी इस्तेआत नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मालो दौलत नहीं है, कुछ सदका करने के लिए नहीं है, कुछ खैरात देने के लिए नहीं है, हम किसी अल्लाह की राह में कुछ खर्च नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कुछ मौजूद ही नहीं है। तो जो लोग, जो आपके दूसरे सहाबा हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, जिनको अल्लाह ने माल और दौलत दिए, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, सदका और खैरात करते हैं, तो उनके आमाल, उनकी नेकियां, उनकी आखिरत तो सवरती जाएगी और हम जैसे गरीब जो हैं वो तो पीछे रह जाएंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना, तुम अल्लाह का जिक्र करो, तुम 33-33 मरतबा अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, उससे होगा ये कि तुम्हारे नेकियां, तुम्हारी जो भी सखावत जो करता है उसकी बराबरी तुम कर सकोगे। यानी कि अल्लाह के जिक्र में इस कदर बरकत डाल दी है कि क्योंकि अल्लाह नियतों को देखता है। अगर आपके पास इस्तेआत नहीं है जक़ात, सदका, खैरात करने की, तो अपने रब को याद कीजिए। कभी भी अपने आप को, खुद को किसी से कमतर मत समझिए। अल्लाह शायद आपका एक लफ्ज़ जो है, जिस तरह कहा जाता है कि मीज़ान में क़यामत के रोज़ जो बहुत भारी लफ्ज़ होगा, जो बहुत भारी अमल होगा, उसमें एक अमल है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। अगर आप इसका विर्द करते हैं, ये जिक्र करते हैं, तो ये एक भारी अमल है। वो तो रब जानता है कि आपको किस चीज़ से नवाजे कि आपका एक लफ्ज़
ऐसा कबूल व मंजूर हो, एक हर्फ कबूल व मंजूर हो कि रब जो है बाकी तमाम लोगों से आपकी इज्जतें, आपकी बरकतें और आपके जो आमाल हैं वो बढ़ा दें। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो हम जबेरिया हम हर मौके पे बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह इस तरह की जब चीज़ें कहते हैं तो इसको कभी भी खुद को ये ना सोचे कि ये बाय द वे हमने कह दिया, हो सकता है आपका रब, क्योंकि कुरान में भी है कि इंशाल्लाह कहो, तो ये लफ्ज़ जो हैं इनका मामूल बनाना चाहिए। तो यही रब का जिक्र है। और फिर रब का जिक्र जो है वो तीन तरह का होता है, आपका कल्बी जिक्र है जो आप दिल से करते हैं, आपका ज़हनी है, आपका जिस्मानी है जब आप किसी की मदद करते हैं अल्लाह का सोच के, तो वो आपका जिस्म जिक्र कर रहा है। जब आप अपना तस्बीह करते हैं या नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह से राबता आपका जुड़ गया, तो वो दिल से जिक्र है। तो इसी जिक्र का सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। बात हम कर रहे थे कि जिक्र करते हैं, सब्र और शुक्र के बाद मांगी हुई दुआएं तो फौरन कबूल होती हैं। जो लोग सब्र और शुक्र करते हैं, जैसे सब्र अय्यूब का जिक्र है कुरान मजीद में, हजरत अय्यूब अलैहि सलाम का, कि उन्होंने सब्र किया, शुक्र किया और हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहे। हजरत अय्यूब अलैहि सलाम के माल दौलत औलाद तक ना रही, लेकिन उनकी बस एक बीवी थी जो उनके साथ रहीं, और उनके दोस्त तक उनके साथ नहीं बैठते थे क्योंकि उनको जो एक स्किन डिजीज थी बीमारी की वजह से, उनको सब ने छोड़ दिया। तो उनकी बीवी ने उनसे एक दफ़ा कहा कि आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह आपके इन तकलीफ़ों से निजात दे। तो हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम ने कहा कि 70 साल अल्लाह पाक ने मुझे सेहतयाब सही सालिम रखा है, तो क्या मैं 70 साल सब्र नहीं कर सकता कि जो अल्लाह पाक ने उनको जो तकलीफ़ या जो इम्तहान दिया है। फिर एक बार उनके दो भाई उनसे मिलने के लिए आए और उन दोनों भाइयों ने उनकी इसी बीमारी की वजह से उनके करीब ना बैठे, और उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह पाक हज़रत अय्यूब में कोई भी भलाई या खैर देखता तो वो उसे इस तकलीफ़ में क्यों डालता। तो इस बात से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस कदर दुख हुआ कि उन्होंने आखिरकार दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ फ़ौरन कबूल की, उनकी बीमारी भी दफ़ा हो गई, उनको अल्लाह ताला ने औलाद भी दी और इसके अलावा मालो दौलत भी दिया। तो ये चीज़ अगर हम देखें कि एक तो हमें दुआएं मांगनी चाहिए, उनकी आजमाइश, दुआएं मांगनी चाहिए बिल्कुल, और कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि दूसरा अगर इस हाल में है तो उस पर कोई सजा मिली, उसकी आजमाइश हो सकती है और रब आपको भी आजमा सकता है। बेशक। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अल्लाह से मांगेंगे, लेकिन देखें अल्लाह ने लोगों को जरिया बनाया। बेशक बेशक, ये तो आप इस चीज से तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जरिया इंसान इंसान का ना बने तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप अपने किसी काम के लिए भी किसी के पास जा रहे हो कि आपको अल्लाह ने जरिया, तो आप ये नहीं सोचे कि आप उससे मांगने जा रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ करके जाएं कि या अल्लाह मैं इस वसीले तेरे वसीले के लिए जा रहा हूँ, बस मेरी दुआ कबूल करे, तो दुआएं जरूर कबूल होंगी इंशाल्लाह, दुआएं कबूल होगी। आज यही जिक्र जारी रहेगा और हमारे उलमा कराम आएंगे, उनसे भी यही बातचीत हम करेंगे, और इमरानुल हक कल्याणवी साहब आते हैं, उनसे भी हम जिक्र लेते हैं पढ़ने के लिए कि आपके मसाइल किस तरह हल होते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और आज के प्रोग्राम में आपके बहुत से मसाइल जो उनका हल हम आपको बताएंगे, अल्लाह के जिक्र से कैसे मसलों को दूर किया जाता है, अल्लाह के जिक्र से दुनिया और आखिरत को कैसे संवारा जाता है। जनाब आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जो हमारा ग्रुप है यशवीन और उनके साथ उनकी साथी हैं वो मौजूद हैं, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला रोज आपको कैसा गुजरा कल का? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अच्छा गुजर रहा है हमारे साथ, पीटीवी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या सुना रही हैं आज आप हमें? तलल बद्रु अलैना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। طلع البدر ولينا طلع البدر ولينا طلع البدر ولينا طلع البدر ولينا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم وہ سیر سالت گلو گلزار مدینہ ہے قدم وہ سیر سالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا
रोशनी हारे रागे मिल गई पर्दे शब को रोशनी हारे रागे मिल गई पर्दे शब को बारिश नजमों का पर है आज से उग में सहर है बारिश नजमों का पर है आज से उग में सहर है रात को रात ना कहना लेकिन हमें तो मालूम था आप ये करेंगी हमें ये मालूम था कि आप जब ये इतना खूबसूरत कलाम सुनेंगी और ये आपका पहला कलाम है जो आपने पीटीवी पेश किया तो आपसे रहा नहीं जाएगा तो हमने ये पूरा प्लान किया कि हम आपके सामने शुरू करेंगे और फिर आप जाके आपने क्या खूब रिहर्सल की थी ना उस दिन की थी रिहर्सल वेरी नाइस बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ ही रहेगा इंशाल्लाह आपसे मजीद कलाम सुनेंगे और जनाब एक ब्रेक का चुके वक्त है जवेरिया बहुत अच्छा आपने पढ़ा बहुत खूबसूरत पढ़ा मैं चाहूंगा कि आप कोई ना कोई हमें कलाम रोज सुनाया करें तो मैं तो हाजिर हूँ बस ठीक है ये मुझे खुश नसीबी होगी कि अगर अल्लाह पाक मुझे ये मौका दे इंशाल्लाह क्यों नहीं हम तो सना पेश करूं ये बिल्कुल हम लोग साथ साथ क्योंकि ये एक फैमिली की तरह हम सब हैं यहाँ पे तो जब भी मौका मिला तो हम आपसे मजीद सुनते हैं इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ आता हो या ना आता हो पढ़ना जरूरी है अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम लेना बिल्कुल बेशक जनाब एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे हमारी ये खूबसूरत जो महफिल है खूबसूरत जो प्रोग्राम पीटीवी का है रमजान पाकिस्तान ये आप लोगों का प्रोग्राम है आपकी वजह से ये मजीद खूबसूरत हो जाता है हमें कॉल कीजिएगा कोई भी आप कुछ पूछना चाहते हैं कुछ कहना चाहते हैं अपना फीडबैक देना चाहते हैं हमें बताइएगा ताकि हम आपके मुताबिक इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रमजान मुबारक पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान रोजे से हैं रोजा रखते हैं अगर आप फर्ज अदा कर रहे हैं तो वो सिर्फ भूखा प्यासा हमें देखना नहीं चाहता बल्कि वो ये चाहता है कि हम अपनी मामूली जिंदगी जो मामूल है हमारी जिंदगी का उसमें क्या बर्ताव करते हैं दूसरे लोगों के साथ चाहे वो अपने अजीज़ो अकारिब हो चाहे अपना खानदान हो चाहे आपके हमसाए हों या आपके आस पास के लोग तो नाज़रीन गिरामी एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि नेकी आपके दर पर अगर चल के आए दस्तक दे तो उससे फ़ायदा उठा लीजिए ये नेकियां जिन्हें हम छोटा छोटा समझते हैं शायद वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया हो शायद वो दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए हमारे लिए एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने भेजी हो जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं जवेरिया हमेशा ये कहा जाता है किसी साहिल को भी खाली हाथ ना भेजो और
इमाम जाफर सादिक तो यूँ करते थे कि जब उनका कहना ये है, मैंने कहीं पे पढ़ा कि आयमा का ये तरीका था कि जब किसी फ़कीर को या किसी मांगने वाले को कुछ दिया करते थे तो उस नोट को या उस रुपए को या उस सिक्के को पास लाते थे और साथ लगाते थे, यहाँ तक कि चुमा भी करते थे कि ये मेरे हाथ से किसी को जा रहा है, वो उसकी बड़ाई नहीं है, उसके लिए फ़ायदा नहीं है, मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं सदका खैरात अपने हाथ से किसी को दे सकता हूँ। और एहसन, सबसे आप ये अकल की बात भी है कि आप कहते हैं ना कि जो इंसान जो बोता है वही काटता है। जी हाँ जी हाँ, जो चीज़ आप दुनिया में लोगों को देंगे वही चीज़ आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगी। जब तक आप देने वाले नहीं बनेंगे तो फिर आप किस तरह सोच सकते हैं कि अल्लाह आपको वो सब देगा। सही है, बिल्कुल सही। आप लोगों के लिए करें तो अल्लाह आपके लिए करेगा। तो मैं यहाँ पे नाज़रीन, हमारी क्योंकि पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन है और वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में, दुनिया भर में, हर जगह हमें कांटेक्ट भी करते हैं और चाहते भी हैं कि वो टेलीविज़न पे आए, या उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे तब भी रابطہ करते हैं, इलाज की ज़रूरत हो। हमने कुछ लोग हम चुनते हैं, जितने भी हम आपके सामने ला सकते हैं। हमारा एक सेगमेंट छोटी सी नेकी, कहने को ये छोटी सी नेकी है लेकिन मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी नेकी क्या है। क्या पता ये नेकी क़यामत के दिन हमारी ढाल बन जाए। इंशाल्लाह। और जवेरिया, मैं और आप और पीटीवी के तमाम करता धरता इस नेकी का सबब बनते हैं। आप देखिए कि वसीला, हम अपनी जेब से अगर कुछ करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन लोगों तक ये पहुंचाना कि ख़ास ख़ानदान या ख़ास कोई बच्चा या कोई साहब या कोई साहिबा हैं जिनको मेरे आपकी मोहब्बत की, चंद पैसों की, किसी तरह की मदद दरकार है, तो आप मदद कीजिएगा। नंबर हम सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाएँगे। हमारे भाई एक हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि हम अपने भाई से बात करें और इनसे पूछे। अख्तर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अख्तर भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि आपको क्या आर्ज़ा है, क्या बीमारी है, और आप माशाल्लाह मुझे ऐसा लगा आपको देख के कि आप में हिम्मत भी है, हौसला भी है, और आप जो है वो अभी तक घबराए नहीं, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बीमारी क्या है ये बताइए। असल में मुझे जो है 2012 में या 11 के शुरू में या 12 के शुरू में मुझे 2000 के खून की उल्टी हुई थी। रात का टाइम था, 9 बजे का मैं वॉशरूम गया, चक्कर आने लगे, जैसे ही बाहर निकलो मैं गिर गया। तो उसके बाद जब उठाया मुझे घर वालों ने तो मुझे खून की उल्टियाँ हुई, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद अब्बासी वालों ने फॉरवर्ड कर दिया कि जी हमारे पास आईसीयू खाली नहीं है। हेल्थ केयर चले गए, वहाँ फिर कुछ मेरे कज़न थे, कुछ और थे, बहरहाल 3-4 दिन रखा वहाँ, उन्होंने इलाज किया, उन्होंने फिर भेज दिया कि भाई सही है, आप मैदे में ज़ख़म है। तकरीबन 1.5-2 साल के बाद दोबारा खून की उल्टियाँ हुई मुझे, फिर लेके गए अब्बासी, अब्बासी वालों ने फिर फॉरवर्ड कर दिया कि जी हमारे पास आईसीयू खाली नहीं है। यानी अख्तर भाई, आपकी सेहत आप खुद महसूस आप सही कर रहे थे उन दिनों में क्या? उन दिनों में मुझे इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, आपने चूँकि हमें एक पैगाम में पीटीवी की कोशिश होती है, एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हमेशा, मैं चाहता हूँ हम वीडियो भी देखें, लोगों तक ये पैगाम भी पहुँचे कि इनका असल मसला क्या है, फिर हम आपसे दोबारा बात करते हैं। वीडियो देखते हैं जनाब। मेरा नाम अख्तर परवेज है और मैं तकरीबन 2012 से मुझे पहली खून की उल्टियाँ हुई थी, उसके बाद से 1.5-2 साल में उल्टी होती रही। फिर मैं पहले यहाँ बासी गया था, वहाँ से भी कुछ इलाज किया लेकिन नहीं हुआ। फिर जिना गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने भी मेडिसिन वगैरह दिया, कुछ इलाज की, थोड़ी बहुत दाखिल भी किया था, 4 बोतलें खून की भी छुड़ाई थी। जिना वाले ने मुझे 2017 में कहा था कि आपको कैंसर हो गया। कार्डियो गया, वहाँ पर भी दिखलाया, उन्होंने भी जो है 4-5 दिन रखा। कार्डियो के बाद जो है फिर मुझे अभी कुछ अर्से पहले जो लोगों ने कहा कि भाई आप वहाँ चले जाएँ, क्या नाम है, इंडस हॉस्पिटल, इंडस वालों ने ये कहा कि भाई आपको जिगर में भी आपको कैंसर हो गया है, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया किरण हॉस्पिटल। किरण हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन का कहा। अब मेरे पास पैसे नहीं है, एक टेस्ट लिख के दिया था जो तकरीबन 45,000 के करीब करीब है, लेकिन बात वही है कि पैसे की जो है, चाहे वो हिकमत हो या डॉक्टरी की हो, ऐसे तो हर जगह ज़रूरत होती है। मैं 2008 से बेरोज़गार हूँ, तो मेरे बच्चों के टीचर्स हैं कुछ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा घर जो चल रहा है तकरीबन उनसे ही चल रहा है। अब पिछले 3 साल से मैं बिल्कुल बेड रेस्ट हूँ, घर पे बैठा हूँ,
कोई काम का नहीं हो रहा, घर भी किराए का है, बिजली का बिल ये पड़ा हुआ है, अभी भी 3,000, 2,500, 3,000 का बिजली का बिल आता है, इससे कम नहीं आता है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बस अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। नाज़े गिरामी, बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है कि आप जब ख़ुद मुख्तार हों, आप अपने हाथों से काम करते, ख़ुद भी कमाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और आप चलते फिरते हों, किसी की मोहताजी ना हो। और सबसे पहले तो रब ताला का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर हम आज मौजूद हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं, तो ये उसका बड़ा करम है हमारे ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के लोगों में जब किसी को आपकी ज़रूरत हो और उस तकलीफ़ के मौके पे वो आप ज़रूरतमंद जो है वो आपसे अपनी हाजत पूरी करना चाहे, ज़रूरत चाहे, तो एक मेरा आपका हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से उनकी मदद ज़रूर करें, जितना भी आपके साथ के मुताबिक हो। बिल्कुल, चाहे कम हो ज़्यादा हो। आप मेरे भाई बताएंगे, आप नौकरी कर रहे थे, आप जिस तरह आपने कहा कि अब आप जॉब भी नहीं कर पाते, नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं यहाँ से आपके गेट तक अगर पैदल जाऊँगा तो मेरे सीने में तकलीफ हो जाती है। सही, तो फिर मैं रुक जाता हूँ। खाने पीने में आपको तकलीफ होती है? खाने पीने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये कि अगर मिसाले वगैरह होते हैं तो फिर वो सही रात फिर सीना जलता रहता है। बाकी ये कि चलने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है, या सीढ़ी चढ़नी हो या पैदल चलना हो, वीकनेस होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। आप मेरे अख्तर भाई, आप चाहते क्या हैं, आप ये बताइए। भाई मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा इलाज हो जाए तो कम से कम इतना हो जाएगा कि मैं अपनी मजदूरी तो कर सकूँगा कामकाज में। अब भी किसी चीज़ से वो नहीं होता हूँ, मेरी हिम्मत इतनी है, अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप बोलेंगे ना कि ये सारा आप जो है समेट के एक साइड पे कर दो, मैं कोशिश करूँगा, हो या ना हो कोशिश पूरी करूँगा मैं। बिल्कुल, मैंने 2008 में जब जॉब छोड़ी उसके बाद से लेके मैंने जॉब करते थे जी, मैं अभी बैंक में एज ए कैशियर था। अच्छा, जॉब छोड़ने के बाद मैंने ट्रक में लोडिंग की, मैंने कबाड़ के जूते बेचे, मछलियाँ बेची, है ना, हर काम मैंने, वो नहीं किया कि यार मैंने बैंक में जॉब की थी मैं नहीं कर सकता, मैंने हर काम किया। अब भी अक्सर अवसर लोग पूछते हैं ना कि जी आप क्या करेंगे, आपके लिए कैसी जॉब देखें, मैं बोलता हूँ भाई अगर दुकान में झाड़ू लगाने का है तब भी करूँगा, क्योंकि मेहनत है ना। बिल्कुल, मेहनत में कैसी शर्म, सही बात। मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो बाहर बीवी को साथ बच्चे को साथ लेके जा रहे होते हैं और बोलते हैं जी मजदूरी नहीं लगी जी कुछ दे दें, मुझे अफसोस होता है। जी ज़ाहिर है, आज मुझे यहाँ पे भी आते हुए भी मुझे, आप यकीन करें मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। यही बात मैं जवेरिया, लेकिन मैं ये बात मैं हमारे भाई है नहीं, आप देखिए आप हमारे भाइयों की तरह हैं, और ये जो इंसान के अंदर ये सबसे मुश्किल काम है कि आप लोगों कहें कि हमारी हेल्प करें, लेकिन ये सब आपके ही लोग हैं और ये अपने ही लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आपकी बात सही है, हम पाकिस्तान में रहते हैं एक घर की तरह के, हम लोग फैमिली के लोग हैं, लेकिन जिसको जिस शख्स को कभी आदत ना हो ना जवेरिया, कभी आपको खुद कमाने की और खुद सब कुछ करने की आदत हो तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है। ना देने वाला हाथ जब लेने वाला बनता है तो उससे बड़ी तकलीफ दुनिया की कोई नहीं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान ही आपका यकीनन। बस यही चीज मेरा भी अकीदा इसी बात पर है, क्योंकि जब मुझे 2017 में डॉक्टरों ने कहा कि आपको कैंसर है तो आपको इलाज के कितना डॉक्टरों ने बताया, कितना आपके इलाज पे पैसा लगेगा? अभी तक तो डॉक्टरों को यही कन्फर्म नहीं हो रहा था कि कैंसर जो है वो किस स्टेज में है। जब मैं इंडस में गया हूँ तो उन्होंने फिर मेरी सारी चेकअप किया, क्योंकि जिन्ना में भी जाता हूँ वहाँ भी वो बोलते हैं कि जितने हज़ार दे दो ये टेस्ट करना है, इतने हज़ार दे दो ये टेस्ट करना है, तो मेरे पास अगर होते तो फिर मैं करवा लेता, प्राइवेट में करवा लेता। और ये आपको कौन सा स्टेज बताया डॉक्टर ने? अभी स्टेज नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि जो मैदे में कैंसर है वो ऐसा है कि वो खून आता रहेगा उससे, उसका एक ही इलाज है कि इसको ऑपरेशन करके वहाँ से काट के निकाल देना। हाँ जी, कैंसर बन गया। मैं अपनी फाइल नहीं लाया वरना उसमें दिखला, तो उसमें पिक्चर भी उन्होंने खींची थी 2015 में जब मैंने एंडोस्कोपी कराया, तो उस पर फिर उन्होंने सीटी स्कैन किया तो उससे पता चला कि जिगर में भी हो गया है। अल्लाह हू अकबर। अब वो जो डॉक्टर वहाँ पे इसमें किरण पे, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपको अपना इलाज कराना है तो इसका ऑपरेशन होगा और हो सकता है कि हमें एक ही ऑपरेशन में दोनों को जो है काट के निकालना पड़े। सही, किरण हॉस्पिटल में वैसे काफ़ी कम पैसे लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन बाहर करेंगे, ऑपरेशन बाहर, मसला ये आ गया ना। वो सारे जो कम पैसे भी हैं वो भी हमारे भाई के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एक जैसे उन्होंने कहा कि बिल था 2,500 का वो भी पड़ा है, वो नहीं दे सकते, यानी एक एक रुपया जो है वो बड़ा
तो आपके ऊपर जिम्मेदारी और भी है, कोई और जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अभी एक बेटी है मेरी, 13-14 साल की जी, और दो बेटियों की शादी मेरी जो है पिछले महीने हुई है। एक बेटी रह गई, तो वो भी जो है मेरे कुछ टीचरों ने और कुछ दूसरे जो लोग थे उन्होंने मिलके जो है वो किया। सही है जी, मेरे पास एक पैसा नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने लोगों से आगे पीछे लोगों से पैसे लिए हैं, तकरीबन 2.5-3 लाख का उस पर मैं अभी कर्जदार हो गया हूँ। लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह ताला का ये अदा करता हूँ कि इज्जत से शादी हो गई बेटियों की। अल्लाह ताला आपका बाकी काम भी बहुत इज्जत के साथ करें। हमारे राशन भी इनके लिए कुछ गिफ्ट है, जो किड का किकटा KIKDA वो भेजा है, जो कि किडनी सेंटर है, और हम डॉक्टर्स हमारे जो है उनसे हम रब्ता भी करेंगे कि किसी तरह भी हो सके इनका इलाज हो। अच्छा जनाब, नीचे आप देखते हैं कि एक नंबर अख्तर भाई जो हमारे सामने मौजूद है, इनके लिए एक नंबर चल रहा है। मैं चाहूँगा दोबारा से नंबर ये देखिए जी, ये नंबर है सामने। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि जो जो जहाँ जहाँ देख रहे हैं, ये नंबर मेरा या जवेरिया का नहीं है, क्योंकि कल भी जो यहाँ पर मौजूद थे उनको काम के फ़ोन शायद कम आए, लेकिन इस तरह के फ़ोन ज़्यादा आने लगे कि आप हमारी SM से बात करा दीजिए या जवेरिया का नंबर दे दीजिए या इस तरह। तो हमारा इन नंबर से या PTV का कोई ताल्लुक नहीं है, हम आपको इनका डायरेक्ट नंबर दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप छोटी बड़ी ज़्यादा कम जिस तरह की भी मदद कर सकें, तो प्लीज़ फोकस करके, एक तो कोई परेशान हो, दूसरा उसको मजीद परेशान करना किसी और चीज के लिए, तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है हमारे भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने डॉक्टर्स देख रहे हैं जी हाँ, जी हाँ, या जितने हॉस्पिटल्स के ताल्लुक बड़े बड़े अहदों पर जो लोग तैनात हैं वो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज करें, क्योंकि यही चीजें हैं, यही नेकियां हैं जो आखिरत में हमारे काम आ सकेंगी। बेशक बेशक अख्तर भाई, हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास आए और अपनी ये अर्ज आपने, तो आपका कि आपने मुझे इसका भी समझा कि आप नहीं नहीं हम चाहते हैं हम नहीं नहीं ये इतना कुछ किया आपने नहीं नहीं हम दिल से चाहते हैं। हम बस अब ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह जो लोग आपको कॉल करें और जैसे भी कोई डॉक्टर्स आपसे रब्ता करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि लोगों तक ये बात पहुँचा देना, ये पैगाम पहुँचाना कि एक नेकी आप सबका दरवाज़ा खटखटा रही है, किसी की मदद किसी तरह से भी कर देना, वो अपने बिल उतार लेंगे, खुराक का बंदोबस्त कर लेंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर लेंगे थोड़ा ज़्यादा। और स्पेशली रमज़ान का बाबरकत महीना ही ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से दे दिया जाए, अच्छे काम कर। तो ये एक मौका है और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर, यशफीन मैं चाहूँगा, यशफीन यहाँ पर सब बच्चियाँ मौजूद हैं, हमारी एक बहुत खूबसूरत हमारा कलाम है, इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए, तो अगर वो हम यहाँ पे पढ़ भी लेंगे सुनेंगे भी, उसके साथ साथ हम हमारे भाई जो है अख्तर भाई के लिए हम दुआगो भी हैं। और नंबर नाज़रीन गिरामी आप लोग देख रहे हैं कि नंबर जो है वो सामने मौजूद है, ये नीचे लिखा हुआ है, आप काइंडली इनको कॉल कीजिए अख्तर भाई को, इनकी मुश्किल जो है उसकी थोड़ी आसानी उसमें मेरा आपका एज अ ह्यूमन एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एज अ मुस्लिम एंड आप जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, शायद बाहर के मुल्क में बहुत लोग देखते हैं, तो अगर आप कहीं पे भी बैठे हुए अल्लाह ताला ऐसा बिल्कुल करे कि आप लोग चाहें इनकी मदद करना, तो ये नंबर इनका नीचे स्क्रीन पे है, इस नंबर से मेरा या PTV का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनका डायरेक्ट नंबर है, तो आप काइंडली इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे भाई को दिलासा दीजिए और बताइए कि आप इनकी मदद करेंगे। और मैं चाहूँगा कि कलाम की जानिब बढ़ते हैं, और जवेरिया मैं ये भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि हम सब बात शायद ज़्यादा करते रहते हैं कि हमें कोई नेकी का मौका मिले, कोई ऐसा सिलसिला चले, लेकिन आप यकीन करें कि अगर हम 30 दिन यहाँ पे बैठते हैं और 30 ऐसी मुस्तहिक फैमिलीज आती हैं, हम उन लोगों की ज़िंदगी संवारने में थोड़ी सी भी हेल्प कर लें तो अल्लाह ताला हमसे बड़ा राजी हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसा सिर्फ हमारे ही चैनल पे नहीं, जितने चैनल्स पे रमजान ट्रांसमिशन हो रही हैं वहाँ हर जगह पर ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है कि जिनको वाकई शदीद नीड है हेल्प। बिल्कुल बिल्कुल, तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी भी सुन ले। बिल्कुल सही, आमीन इंशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह करते हैं, कलाम की जानिब बढ़ते हैं जी। अश्विन कोई ऐसा
काम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। तेरे रसूल पे अपना, तेरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। बढ़कर आरजूए दिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर आरजूए दिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई, इलाही इससे बढ़कर मकसद साइल नहीं कोई, सदे साइल नहीं कोई। मोहम्मद सामने हो और मेरा दम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। निकल जाए, निकल जाए मुआले कोशिशें पे हम, निकल जाए, निकल जाए मुआले कोशिशें पे हम, निकल जाए हमारे दिल से यारब फिक्रो पेशो हम, निकल जाए हमारे दिल से यारब फिक्रो पेशो हम, निकल जाए। मोहम्मद या मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। तेरे रसूल पे अपना, तेरे रसूल पे अपना सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई इंतजाम हो जाए, हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह जनाब। एक ब्रेक का वक्त हुआ है और नाज़रीन गिरामी जाते जाते अख्तर भाई जो हमारे यहाँ मौजूद हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और इनका नंबर एक मरतबा फिर चाहूँगा कि स्क्रीन पे दिखा दिया जाए। ये वो नंबर है जिस पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कुछ फ़ोन भी आए और कोई ऐसे फ़ोन आए। स्क्रीन पे काइंडली जाते जाते नंबर दिखा दीजिएगा, हमें ब्रेक पे जाना है और जाते जाते इनका शुक्रिया अदा करना है। कुछ फ़ोन आ रहे हैं, अल्लाह ताला ये करे कि किसी ऐसे साहब या जो भी साहिबा का फ़ोन आए जो इनकी मदद करे और इनकी मुश्किल आसान करे। जनाब एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया और शामिल हुई हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आयशा की एनर्जी अलग ही होती है। हाँ, कुछ मैंने देखा जरा ज्यादा मुझे ऊपर वाली जरा नेक्स्ट लेवल है। क्या वजह है आयशा, क्या खाती हैं आप सहरी में पहले ये बताएं? मुझे एनर्जी ऐसे आती है कि जब मैं सोच रही होती हूँ खाने के बारे में, एक तो उस तरह से आती है और फिर जब मैं उस चीज के करीब आ जाती हूँ जो पकाने वाली होती है फिर आती है। अच्छा
आयशा मुझे सच बताइएगा, घर में कौन सबसे ज्यादा फरमाइश करता है आपसे कि मुझे ये खाना है, अब ये बना के दे? पहले मेरी फैमिली फरमाइश किया करती थी, अब मेरे एक अदद हस्बैंड है वो फरमाइश करते हैं। एक अदद ही हो सकते हैं आयशा, मगर आप ये जुमला सही नहीं है आपका। मैं समझी कोई भाई या बहन बोलने वाली, एक अदद भाई बहन तो अब यहाँ पे है नहीं, लेकिन वो फरमाइश करते हैं। मगर ये होता है कि हर वक्त मुझे मेरे सारे दोस्त बोल रहे होते हैं कि आप कुछ बनाती क्यों नहीं है, क्योंकि खाने में हर जगह बना रही होती हूँ। हस्बैंड को जिंदगी में शामिल हुई कितनी देर हुई है? एक साल हुआ है। एक साल हुआ है। आपको कहना चाहिए था आपको बना लिया बस काफी नहीं है, अब आपके लिए भी बनाऊं। अब आपके लिए भी बनाऊं, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि वो ज्यादातर फरमाइश क्या करते हैं? अच्छा उनको जो है ना वो एक चीज आप पूरे साल खिला दें तो वो खुश होंगे, और इस बात पे मैं बिल्कुल खुश नहीं होती कि उनको आप बस कोई भी अंडे से बनी हुई कोई भी चीज खिला दें तो वो जरा डाइट कॉन्शियस के डिमांडिंग नहीं है बिल्कुल भी। नहीं नहीं, ये तो आपको बड़ा फायदा हो गया, तो बहुत हो गया कभी ऐसा। लेकिन इनके होने का उनको क्या फायदा हुआ? वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों बाद, अभी आगे मजीद जब फैमिली बढ़ेगी तब होगा। अच्छा कभी उनको टेस्ट कराया कि मैंने आज ये बड़ा स्पेशल बना लिया, टेस्ट करो ये कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका रिएक्शन अगर आगे से जीरो हुआ तो आप डिसअपॉइंट हुई हो कभी? अच्छा एक मजे की बात बताऊं, क्योंकि उनको खुद थोड़ा बहुत खाना पकाना आता है तो आगे से रिएक्शन कभी जीरो नहीं होता। और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि कुकिंग एक आर्ट है। अगर आप खाना नहीं बनाते तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि कितनी मेहनत कितने दिल से कोई बनाता है। तो अगर नहीं भी कभी आपने खाना बनाया, कोई और बना रहा है, तो उसकी तारीफ जरूर करें। ये बात मैंने पता क्यों आपको कही, क्योंकि घरों में हमारे जितनी भी ख्वातीन घरों में मौजूद होती हैं, हमारी माएँ बहनें सारी जिंदगी ऑल देयर लाइफ दे वर्क सो हार्ड कि हर रोज पूरी टेबल को सजाना, हर रोज खाना बना के पेश करना, और इतना थैंकलेस जॉब हो जाता है कि मर्द हजरात जाहिर है हम सब लोग बैठ के आराम से खाते पीते हैं, बाहर से आते हैं, वो उनकी तारीफ करें और करते नहीं है नहीं। तो अब कितनी खुशी होती है जब कोई तारीफ करे, जब आप दो घंटे एक काम में लगाएं और उसको दो मिनट में खत्म कर दे, तो कोई तारीफ ना करे तो कितनी बुरी बात। मेरी अम्मी क्या करती है, मेरी अम्मी दावत करती है, अब हम गए, अब इतना मजे का खाना होता है कि हम लोग खाने में इतना बिजी जाते, फिर थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है सालन में नमक ज्यादा है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं इतना अच्छा है, ये मेरी का है, वो हमेशा यही करती है, ऐसा लग रहा है मिर्ची तेज हो गई, इसमें शायद मिर्ची नहीं नहीं बहुत अच्छा है, अम्मी बहुत जबरदस्त है, तो फिर वो उस पे खुश हो जाते। तो इसी जनाब खवातीन की तारीफ घरों में करना, ये खवातीन मेरा साथ देगी इस मामले में, अपने शोरों को अपने वालिदैन को सबको बोलें, अपने भाइयों को कि जब आराम से बैठ के खाते हैं ना दस्तरखान पे या टेबल पे, तो जरा तारीफ के दो बोल भी बोलें, अगर कुछ थोड़ा अच्छा नहीं भी लग रहा तो उसको बर्दाश्त करें और कहें कि बहुत अच्छा है, अगली बार और अच्छा बनेगा। इससे दिल बढ़ता है, अप्रिसिएशन बड़ी जरूरी जिंदगी के हर काम में, जब तक अप्रिशिएट आप बच्चे को भी नहीं करेंगे ना वो पढ़ाई में भी आगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ठीक है जी। अच्छा आज क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं काठियावाड़ी चाट, और ये चाट एक ऐसी कौन सी काठियावाड़ी, वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो जबरदस्त लग रही है। ये हमारे पाकिस्तान में कराची में खास जगह है, वहाँ की चाट है। मैंने जब पहली बार खाई थी तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि रमजान में भी बनेगी और वैसे भी बनेगी, बहुत मजे की है, बहुत हेल्दी होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं रेसिपी की जानेब आऊँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि सहर और अफ्तार में जब आप कुछ खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले क्या करते हैं जनाब? रेसिपी कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको बनाएंगे कैसे, बहुत आसान तरीका है। पहले क्योंकि रेसिपी कार्ड आ गया है तो मैं इसका मेथड बता देती हूँ कि इसमें आपने एक चम्मच तेल लेना है, थोड़े से हम उसमें चनों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, पहले से उबाल के रखा हुआ है, उसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और उसमें हम कॉर्नफ्लावर, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी चिली सॉस, इमली का पेस्ट शामिल करेंगे, चिकन पाउडर शामिल करेंगे, उसको अच्छी तरह से पका कर उसके बाद हम उसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे जिससे वो गाढ़ा हो जाएगा। इसको सर्व किया जाता है कटोरी में, तो एक कटोरी या फिर बड़े से बोल में हम इसको सर्व करेंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे उबले हुए आलू ऊपर से, इसमें प्याज शामिल करेंगे, टमाटर, हरी मिर्चें, बहुत सारी पापड़ी, बड़े मज़े की ये चाट बनती है। लेकिन पहली बात तो ये है कि किचन बिल्कुल साफ होना चाहिए। जो किचन किस तरह से साफ होगा मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि यहाँ पे लेमन मैक्स एक बड़ी अमेजिंग सी कैंपेन है, और कैंपेन है जनाब मैक्स विमेन के नाम से, कि जो भी खवातीन, आप फेसबुक पे देख भी सकते हैं इसकी डिटेल्स, कि जो भी खवातीन कोई भी काम करती हैं, ज़रूरी नहीं है खाना बनाना, कोई सा भी काम, उनको अप्रिशिएट करना, उनको सराहना, उनको एक जो है वो रीइंफोर्स करना कि वो ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहें, और सबसे बड़ी बात के रिकॉग्नाइज करना, ये बात सबको बताना कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, ये काम कर रहा है जनाब लेमन मैक्स। एक कॉल लेमन मैक्स की बात करेंगे, कॉल लेते हैं, कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं?
वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से अंबर साहिबा, लाहौर से बात, अस्सलाम वालेकुम। और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक आपको भी। आपके रोजे कैसे गुजरे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके प्रोग्राम के सारे सेगमेंट बहुत अच्छे हैं। मैं जवेरिया से बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? देखो आप बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। मैं आपके लिए दुआ कहना चाहूंगी। मेरा लफज दुआ दुआ मेरे आंसुओं से धुला हुआ, तुम्हें जिंदगी की सहर मिले, तुम्हें खुशियों का सफर मिले, दर्द गम तुम पर कभी ना आए, आप पर खुशियों की बरसात हो। और जवेरिया दीदी आपसे फिर कैसे है, मुझे ना आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए। ये देखा, मैं कहने लगा था कि वो जवेरिया भी थोड़ी देर बाद सूट मांगेंगे आपका। जवेरिया खुद तो नहीं मांग के लाएंगे इसे? ये सूट चाहिए आपको मेरा? जी जी ठीक है दे दूंगी आपको। अच्छा, पर एक मिनट रुकिएगा, ज्वेलरी कहाँ से, अपना है या किसी? मैं, मेरी अपनी है ना, जन्नत ज्वेलरिया ब्रांड है मेरा। तो ये ना असल बात है, उनको पता लग गया। मुझ तक पहुंचेगा भी ना, मुझ तक पहुंचेगा जी। आप अपना एड्रेस ऊपर लिखवा दें, मैं आपको भिजवा दूंगी। मुझे वेरिया रोजे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, ये जो बोलेंगी हाँ, वही होगा। भिजवा दूंगी, अगर कह रही है भिजवा, मतलब वैसे भी नहीं बोलती झूठ, मतलब मेरा ये यहीं से भिजवाऊंगी, और जिस दिन भिजवाऊंगी आपको बताऊंगी कि आप तक जा चुका है। वेरिया मेरे मुंह से निकला कि रोजे में झूठी, मुझे मालूम है। मैं वैसे भी नहीं बोलती, वैसे भी नहीं बोलती, तो आपको इंशाल्लाह सुनो। मैं वैसे भी नहीं बोलती, वैसे भी नहीं बोलती। आपको मिल जाएगा सूट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, और तारीफ करने का, दुआ करने का शुक्रिया। अच्छा वापस आते हैं आयशा, क्योंकि लेमन मैक्स की बात कर रही थी। लेमन मैक्स की बात मैं कर रही थी, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी कि कितना आसान हो जाता है सहरी और अफ्तार के बाद का काम, जब आपके बर्तन धुलने आसान हो तो जनाब तीन गुना ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ से निकालता है, जमी जली चिकनाई खुरचन को निकालता है। इसके साथ साथ जो ये इसकी जल है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और टब में ये जो पेस्ट आपको मिलता है, ये एक महीना आराम से चलता है बर्तनों के लिए। इसके साथ साथ इसका स्क्रब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली बार से मेरे घर पे बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया है जनाब, बर्तन धोने का। आई एम श्योर आपके घर पे भी आसान हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसका ये पाउडर फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल फॉर्म मेरी पर्सनल फेवरेट है, और बिल्कुल एक जो कतरा होता है ना, वो तमाम चिकनाई को निकालने में बहुत कारामद साबित होता है। तो ये तो है जनाब सफाई सुथराई का काम, जो कि हम कुकिंग से पहले भी कर रहे होते हैं, कुकिंग के बात भी कर रहे होती हैं, चाहे सहरी हो चाहे अफ्तार हो। और इसके साथ साथ फिर हम बनाएंगे यहाँ पर हमारी काठियावाड़ी चाट, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। हम हमेशा कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, इसलिए क्योंकि 80 साल से बहुत एतमाद है, भरोसा है माओं को डालडा पे। तो उसके साथ हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं कि मिक्सिंग हम इंग्रेडिएंट्स की करके दिखा देते हैं कि कौन कौन से अज्जा हम साथ में एक साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, लेकिन पकाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये काबली चने हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉइल्ड हैं और बहुत अच्छी तरह से बॉइल किए हुए हैं। एक टिप मैं देना चाहूंगी कि इसमें कोई बेकिंग पाउडर या सोडा इस्तेमाल नहीं किया हुआ, उससे टेस्ट चेंज हो जाता है ना? उससे टेस्ट चेंज हो जाता है, और वो बाजार वाले इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास वो वक्त और वो जो है ना टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली, कि वो क्यों उसको पूरी रात भिगोएंगे, तो जल्दी के काम के लिए हमने पूरी रात इन काबली चनों को भिगोया है। छोटे वाले इस्तेमाल करें, ज्यादा मजे के होते हैं वो, और नमक में मैंने इनको उबाल लिया। ये हेल्दी भी बहुत होते हैं, हेल्दी भी बहुत होते हैं, बहुत सारा इसमें प्रोटीन है, और अगर आप छिलके के समेत खाएं तो इसमें फाइबर भी बहुत सारा है। आपको पता है छिलके के साथ फाइबर होता है, छिलके के साथ फाइबर होता है, एब्सोल्युटली काले चनों में थोड़ा सा ज्यादा फाइबर होता है। और आपको पता है और फाइबर बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके स्टमक को बहुत बेहतरीन रखता है, क्लीनिंग के लिए हर चीज़ में फाइबर इज वेरी इम्पोर्टेंट। फाइबर इज वेरी इम्पोर्टेंट, फाइबर का पानी के साथ इस्तेमाल, और इसके साथ साथ जितने विटामिन बीज इसमें मौजूद होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को अलग से शॉर्ट्स लगवाते हुए देखा है विटामिन बी के, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा एक कॉल ले लें बिफोर आगे बढ़ने से, पहले कॉल शामिल कर लेते हैं। मैं चाहता हूं इतने लोग कॉल हमें कल से कर रहे हैं, तो शामिल कर ली जाए। पेशावर से एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सलमा साहिबा। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? जी खैरियत एहसन भाई, आप कैसे? अल्लाह का बड़ा करम, दुआ जी, रमजान मुबारक आपको भी मुबारक। खैरियत से हैं संगे? ठीक ठाक। रोजे कैसे गुजरे? रोजे बड़े अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बस ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, जब आप खासतौर पे इफ्तार का वक्त होता है, कहते हैं कि बहुत दुआएं कबूल होती हैं, तो हमें याद रखिएगा दुआ में। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे? जवेरिया भी हैं, आयशा भी हैं। जी जवेरिया आंटी को भी मेरा सलाम कहना। जी जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? रमजान मुबारक आंटी, ठीक हूं मैं, आप कैसी हैं? रमजान मुबारक हो आपको भी। जी खैर मुबारक। कुछ और, कोई और बात? ऐसा मैम ये रबिया आलम क्यों नहीं आई?
हाँ जी, वो लास्ट ईयर थी हमारे पास. आप जानते हैं हम हर साल ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ नया भी लेके आए, आप लोगों को, नए लोगों से मिलवाएं. तो ये सारा हमारा एक सब हमारी शोबिस की खूबसूरत लोग हैं, होस्ट हैं स्पेशली. ये तो जवेरिया हाँ. बहुत अच्छी होस्ट हैं, राबिया भी हैं, सनम भी अच्छा, हैं, शाइस्ता भी है. जी जी जी, तो इस तरह है. कुछ और कहना चाहेंगे आप? जी बस जब भी से मिलो मेरे सलाम कहना सबको. सलाम कर, ठीक है, बहुत शुक्रिया. चाट का हम करते हैं काम स्टार्ट. यहाँ पे हम ले लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल, जिसका 80 साल से माओ का भरोसा है इस पे. बचत चाहते हैं तो डालडा इस्तेमाल करें. बिल्कुल, बचत चाहते हैं, बचत चाहते हैं, ज्यादा बचत ज्यादा बरकत. क्योंकि रमजान क्या पूरे साल ही हम चाह रहे होते हैं, मगर खास तौर पर रमजान में जो बजट होता है, बहुत सारे लोगों को आपको एंटरटेन भी करना होता है, तो ज्यादा बरकत अफ्तार पार्टियां भी करनी होती है जनाब. बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे पहले कि मैं इसमें काबली चनों का इस्तेमाल करूँ, मैं बता दूँ कि इनके पास ऑलिव ऑयल भी है, जिसकी हाई कुकिंग टेम्परेचर की वजह से आप इस पर खाना भी पका सकते हैं, कॉन्ट्ररी टू जो हम यूजुअली बिलीव करते हैं. इसके साथ साथ वनस्पति है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बहुत ही कम ट्रांस फैट आपकी बॉडी में जाता है, 0.5% से भी कम. और उसको अगर हम कंपेयर करें बाकी वनस्पति से तो जनाब वो 20% है, और कहाँ 0.5% से भी कम फैट जा रहा है आपकी बॉडी में. और जैतून का जिक्र, तो जैतून जो है वो खास तौर पे जो है वो ऑलिव ऑयल, तो आपने अच्छा ये सुनना भी है, आप जानते हैं, बिल्कुल सुना था. लेकिन ट्रांस फैट इज द वर्स्ट थिंग फॉर योर बॉडी, वर्स्ट. एक कॉल शामिल करते हैं जी, कॉल ले लेते हैं एक और. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से कॉल है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कराची से हुदा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ. एहसन भाई आप कैसे हैं? दुआएं जी आपकी, बिल्कुल अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक का एहसान, आप बताइए. और बस मैं आप दोनों को बहुत ज्यादा वेलकम कहना चाहूंगी कि आप लोग पीटीवी पर आपने इतनी अच्छी ट्रांसमिशन सजाई, बहुत शुक्रिया. तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको और जवेरिया को स्क्रीन पर देख कर. तो मैं आप दोनों से ये कहूंगी कि बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं. कल मेरी कॉल नहीं मिल सकी थी, और आज आप लोग जी आज मिल गई. और जब आप मॉर्निंग एट होम पर आए थे, मैं तब भी कॉल ट्राई कर रही थी. अच्छा, अच्छा, जब तब पता चला था कि आप और जवेरिया एक साथ प्रोग्राम करेंगे पीटीवी का, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे ये सुन के. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. आप अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा. कुछ और कहना चाहेंगी तो आपकी कॉल मिल ही गई है, तो कुछ कह दीजिए अगर आप. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि पीटीवी ने हमेशा हमारी तरबियत में एक किरदार अदा किया है, और अब ये है कि अब हमारे बच्चों की तरबियत में भी हमारे साथ साथ पीटीवी भी एक रोल प्ले कर रहा है. बिल्कुल सही. कितने बच्चे हैं आपके, ये बताइए, बच्चों की एज? मेरे जो है दो बच्चे हैं, एक 4 साल के और बेटी मेरी 6 साल की. माशाल्लाह. अच्छा, हमारे यहाँ शो में एक प्रोग्राम सेगमेंट है खालिद अनम साहब का, वो तकरीबन 5:30 बजे तक वो सेगमेंट हम इन करते हैं, या 5 बजे. अब वो देखिए, वो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. खालिद अनम है, शीस एक बच्चा है उसमें शामिल, जो बड़ा एक पॉपुलर प्ले हुआ था मेरे पास, तो मैं उसका जो वो चाइल्ड स्टार वो उसमें शामिल है. फिर एक उसमें पपेट है. तो खालिद साहब तो एक काम करते हैं, तो पीटीवी ने बच्चों के लिए स्पेशली वो एक प्रोग्राम बनाया है, इसी शो में आएगा वो, आज देखिएगा जरूर, अपने बच्चों को दिखाएगा. जी जरूर, इंशाल्लाह मैं देखूंगी. खुश रहिए, आबाद रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, ये जी हमारी चाट जो है वो बन गई. जी चाट में अभी हमने ये किया, डालडा कुकिंग ऑयल शामिल किया, ठीक है. फिर हमने उसमें काबली चने शामिल करके थोड़ा सा उसको भूना, नमक में मैंने इसको भिगो के उबाल के रखा हुआ था. एक मैंने छोटी वाली लाल मिर्च शामिल कर दी है, मेरे पास ये थी ताजी, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कोई इसमें इशू नहीं है. इसमें आप शामिल कर सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च है, अगर आपके पास ये मौजूद ना हो, ठीक है. अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनाब, इसमें हम शामिल कर देंगे एक चिकन क्यूब, किसी भी ब्रांड का, MSG फ्री वाला. थोड़ा सा चिकन पाउडर शामिल करेंगे, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे इमली का पेस्ट, ये हम शामिल कर देंगे भर के 3 से 4 खाने के चमचे के बराबर. इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे जनाब थोड़ी सी चिली सॉस, ये हमने शामिल कर दी. इसको पकाएंगे और जब ये अच्छा खासा चाइनीज वाली है, हाँ चाइनीज वाली है. और पता है ये रेसिपी मैंने ऐसे ली थी कि वो जो छोटे छोटे से ढाबे टाइप जगह होती हैं, मेरी अम्मी बनाती हैं, बहुत ही ये मजे की बनती है. और इसका जो है ना, अम्मी मोटे चने बनाती हैं, अब मैं अम्मी से कहूंगी कि आप छोटे वाले में बना कर देखें. कभी आप छोटे वाले में बनाएंगे, क्योंकि छोटे वाले में लजीज ज्यादा होते हैं, बहुत मजे के चने होते हैं. अच्छा, अब सारी चीजें मिक्स करने के बाद, मैंने इसमें नमक इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि चिकन पाउडर और चिकन क्यूब जो शामिल किए ना, उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है. एक चीज बड़ी जरूरी है दिखाने वाली, हमने फुल जरा ठेले वाला काम किया है, हमने आलू को जर्दे के रंग में और थोड़े से चिकन पाउडर में उबाल के रखा है, तो इसमें चिकन की मजे की खुशबू आ जाती है, जायका आ जाता है, और इसमें खूबसूरत सा कलर भी आ जाता है.
अच्छा हम करेंगे ये कि अब हम थोड़े से कॉर्नफ्लावर को भिगो लेंगे, वो कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको शामिल कर देंगे चाट में। अच्छा आप जब चमचा चलाएं तो इसको तोड़ते भी रहिएगा, जो चने बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे वही टूट टूट के आधे से ज्यादा पल्प प्यूरे तो उसी की बन जाएगी। इसको हम कॉर्नफ्लावर को, ये बड़ा फायदा होता है ऐसी होस्ट का जो कि जिनको कुकिंग आती है मदद भी हो जाती है। हाँ, अच्छा जी यहाँ पे हमने 2 से 2.5 खाने के चमचे के बराबर शामिल करना है कॉर्नफ्लावर। इसमें हम शामिल करेंगे पानी, हमेशा कॉर्नफ्लावर को अलग से पहले डिसॉल्व करें पानी में, उसके बाद फिर आप शामिल करें ताकि गुठलियां ना डेवलप। अच्छा इसमें दही वगैरह नहीं डलता ना? बिल्कुल भी दही इसमें नहीं ऐड होता और इसको छोटी छोटी सी कटोरियों में सर्व किया जाता है। खुशबू तो अभी से आनी शुरू हो गई है, वो जो आपने चिली सॉस डाला है उसकी और जो लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च की, चिली पाउडर की, साथ में चिकन पाउडर, चिकन पाउडर की। अच्छा क्या चिकन पाउडर और क्यूब्स दोनों जरूरी है या एक भी डाल सकते हैं? नहीं बिल्कुल आप एक भी डाल सकते हैं। चिकन क्यूब आप देखिएगा कि लिखी हुई है रेसिपी कार्ड में, दो या तो वो दो ऐड कर दें या फिर सिर्फ चिकन पाउडर शामिल कर दें। और इसको अब हम चलाएंगे और मैं दिखाती हूँ कि कितना हमें इसको गाढ़ा रखना है। आई थिंक थोड़ा सा और हम शामिल करेंगे। जो लोग बिल्कुल नई नई जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है वो बस इस बात का ख्याल रखें कि कॉर्नफ्लावर को गाढ़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा ना हो कि आप जो है वो बेसब्री होके बहुत ज़्यादा शामिल कर दें और फिर वो एकदम से कुछ लंप बन जाए। और जी जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको हम बताते चले कि बन रहे हैं आज काठियावाड़ी छोले। बिल्कुल काठियावाड़ी चाट, काठियावाड़ी चाट, काठियावाड़ी चने, छोले, जो आप इसको कहना चाहें। लेकिन ये मुनफरिद इस तरह से कि ये हमेशा गर्म सर्व किए जाते हैं। अच्छा मैं दिखाती हूँ कि इसके ऊपर ना मैं जो पापड़ी सर्व करूंगी जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आप बची हुई रोटियों की भी बना सकते हैं। काठियावाड़ी आपने छोले, छोले क्या उर्दू का लफ्ज है या पंजाबी का? छोले, आई थिंक छोले भटूरे पंजाबी का लफ्ज है, चने उर्दू का लफ्ज है। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं शायद अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अभी हम पता करते हैं। समझ में आना चाहिए बात कर रहे हैं, जो है ये उर्दू का लफ्ज है कि पंजाबी का लफ्ज है, अभी पता चल जाएगा। उर्दू का लफ्ज है पंजाबी का, आप जानती है उर्दू का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है। और अगर उर्दू उर्दू में छोले बोले, चने बोले या कुछ भी बोले, टेस्ट उसका वही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा ये आप इसके ऊपर डाल देंगे? नहीं नहीं अभी नहीं ऐड करूंगी, हो गया बंद कर दो ये। बिल्कुल इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा इसको ना ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा हुआ है, बिकॉज ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखें कि इतना गाढ़ा अभी ये हुआ है, गरम गरम गिराएंगे होता है, ये देखें ऐसे करके। और हम इसको एक सर्व ही करके आपको दिखा देते हैं, बिकॉज ये हो चुकी है बिल्कुल तैयार। और इसको पहले हम सर्व करेंगे और उसके बाद तमाम लवाजमात इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे ये आ गई हमारा बेसिक जो काठियावाड़ी चमचे को आप इसका मिक्सचर आ गया। और अब इस मिक्सचर पे आएगा प्याज चॉप किया हुआ, ये हम शामिल कर देंगे। और टमाटर शामिल करेंगे, आलू शामिल करेंगे इस तरह से। और ये बहुत ही जो है ना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। Very nice. Thank you. अच्छा अब मुझे ये बताएंगे आलू शामिल करते हैं। अच्छा अब ये जिस तरह वो कुछ चनों का सालन बनता ना, ये देखने में उस तरह का लग रहा है। और इसको लोग कुछ कुछ जो है ना वो बंस के साथ भी खाते हैं। मैं यही सोच रहा था कि काठियावाड़ी लोग तो बंस के साथ ही खाते हैं। बंस ही नहीं होता, वो जो पाव सख्त वाली जो होती है, पाव डबल रोटी ब्रेड जो होती है उसको कहते हैं पाव डबल रोटी, पाव 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 के साथ पाव भाजी। अच्छा वो ये अगर पापड़ी के साथ भी आप इस्तेमाल करें बड़ा मजा आएगा। पापड़ी के साथ भी आप खा सकते हैं, पापड़ी तो डाल रहे हैं हम। अच्छा नहीं वो जो एक बड़ी वाली पापड़ी होती है ना, उसको साथ रख के उसको तोड़ तोड़ के आप खाएं तो वो भी कर सकते हैं, थिक वाली पापड़ी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये आपने क्या डाला ऊपर? अच्छा ये मैंने शामिल किया है आलू उबाल लिए मैंने, और इसको ना मैंने जर्दे के रंग में और चिकन पाउडर में उबाला है। बिल्कुल हमने वही काम किया जो वो करते हैं, बिल्कुल आपको वैसा इफेक्ट आएगा, लगेगा नहीं घर वाली चाट जबरदस्त। और छोटी वाली पापड़ी बिल्कुल ऊपर से आखिर में आपने शामिल करनी है जब आप इसको सर्व करने लगे, बिल्कुल जब अफ्तार का टाइम हो जाए। और मैं जरा इसको बीच बीच में इसलिए शामिल कर रही हूँ कि हर लेयर हर चीज जो आपने ऊपर शामिल किया है वो देखे। और अब हम
अच्छा, इसके बाद आखिर में आप चाहें तो उस पर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा नींबू उसमें शामिल किया जा सकता है, चाट मसाला बेहद चारे में और शामिल करूँ। इस स्टेज पे आप इसमें भुना कुटा जीरा भी शामिल कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक खूबसूरत सी लाल मिर्च लगाएंगे। कलर ब्रेकिंग के लिए हम थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चों से इसकी कर देंगे कलर ब्रेकिंग। लेकिन एक और भी चीज बन रही है मजेदार सी, वो क्या है? और वो बन रही है स्ट्रॉबेरी फिज। स्ट्रॉबेरी फिज को हम बनाएंगे सेवन अप के साथ। सेवन अप के साथ, बिल्कुल क्विकली बना लीजिए फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। इसमें ये है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो सीजन में आई हुई है। आई एम श्योर तमाम लोगों ने अपने घरों पे बहुत सारी लेके फ्रीज भी कर ली होंगी। ये मेरे पास फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज हैं जो मैंने फ्रेश लेके फ्रीज की है, धो के ये हमने शामिल कर दी एक ब्लेंडर में। साथ में हम इसमें नींबू का जूस शामिल करेंगे। थोड़े से पानी के साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी और उसके बाद मैं इसको ग्लास में निकालूंगी और सेवन अप शामिल कर दूंगी, क्योंकि दिल की बात हो तो स्ट्रॉबेरीज भी दिल को बड़ी पसंद होती हैं और साथ साथ जो है वो सेवन अप से हम कर सकते हैं इंजॉय स्ट्रॉबेरीज को इवन और ज़्यादा। तो इसको अच्छा सा कर लेंगे ब्लेंड और बस ब्लेंड करके फिर मैं इसको ग्लास में पोर कर दूंगी, उसके बाद मैं इसमें सेवन अप शामिल कर दूंगी। और ये हम ब्रेक से वापस आने के बाद भी कर सकते हैं। नहीं, आप अभी बनाएं, वो सामने रेसिपी कार्ड है, आप बता रही हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का बड़ा एक फायदा ये हो गया कि एक जमाने में आयशा इफ यू नो कि पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरीज नहीं उगाते थे लोग बहुत ज्यादा, बिल्कुल। लेकिन तकरीबन आई थिंक लास्ट डेकेड से, सिंस लास्ट 8-10 years 7 years बहुत ज्यादा इसकी फसल यहाँ पे होना शुरू हो गई और अब तो इतना ज्यादा अवेलेबल है स्ट्रॉबेरी कि यहाँ से बाहर जाने लगा है स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल, अच्छा और बड़ी आपको ना फ्रेश मिलती है और इकोनॉमिकल प्राइस में मिलती है। मुझे याद है स्ट्रॉबेरी भी और कीवी भी, बहुत कीवी भी पहले आपको बहुत नहीं महंगा होता था, अब लेकिन आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है जनाब। और स्ट्रॉबेरी का एक क्या पेस्ट नुमा चीज बनाया, प्यूरी क्या बनाया स्ट्रॉबेरी का? अच्छा मैंने अभी स्ट्रॉबेरी लेमन के साथ मैं करती ये हूँ कि आप स्ट्रॉबेरीज जैसे ही फ्रेश लाएं घर पे, आपने अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरीज धो ली, धोने के बाद आपने उनका टहनी वाला हिस्सा निकाल के बिल्कुल साबुत फ्रीज कर दें। उसके बाद फिर एक चीज होती है कि आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर प्यूरी बना के रखेंगे तो फिर आप सॉलिड सॉलिड इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने वो निकाली जो मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी, उनको मैंने ब्लेंडर में ऐड किया, प्यूरी बनाई लेमन जूस। काफी लोग मैंने देखा, काफी खवातीन घर में स्ट्रॉबेरीज का पैकेट्स बना के फ्रीज करते हैं गर्मियों में, उसका शेक या कुछ और बना के, जैसे आपने इतना मजेदार आप बना रही हैं। अब हम करेंगे इसमें जो कमी है उसको पूरा, जो कि है फिज की। तो पहले था ये स्ट्रॉबेरी की एक ड्रिंक और अब है ये स्ट्रॉबेरी फिज। इसमें हमने ठंडी ठंडी सेवन अप ऐड कर दी। और अच्छा, मुझे रेड कलर से बड़ा एक जो है ना वो फैसिनेशन होती है कि जब भी किसी को प्यार आपने शो करना हो ना, चाहे वो अफ्तार की टेबल हो या कोई भी दिल की बात हो, तो रेड कलर की कोई ड्रिंक खूबसूरत सी। और वाह जवेरिया, क्या बात है, यहाँ पे जो है वो आपने चार चांद लगा दिए इस ड्रिंक को। सेवन अप के साथ आप इसको कर सकती हैं इंजॉय अफ्तार में। और ये हमारी खूबसूरत लुकिंग ड्रिंक हो चुकी है बिल्कुल तैयार। इससे पहले कि इसकी फिज चली जाए, आपने पीनी है तो बिल्कुल अफ्तार से पहले बनाइएगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। चले जनाब, ये तो कमाल कर दिया। चने आपको रेड कलर पसंद है, कल आप रेड कलर पहन के आएंगे। रेड कलर पहन के आऊंगी, आप लोगों को आंखें नहीं वो देखे ना, अभी वक्त बहुत दूर है और ये वक्त ऐसा, इन्होंने खुशबूएं और चने और स्ट्रॉबेरी जो सेवन के साथ, वो ये मिड रोजा जो होता है ना, वो किसी के रोजे में और वो टेम्पटेशन शामिल करने वाली बात है ये। बट सब्र करेंगे हम, और क्योंकि हमारे सब्र का इम्तिहान है और रोजा इफ्तार होने का इंतजार करेंगे। लेकिन हमें जी जनाब सिद्दीक इस्माइल साहब हमारे बहुत प्यारे हमारे बहुत साथी हैं, बहुत हमारे पीटीवी का एक फेस है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, सामने मौजूद हैं। लेकिन हम उनसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आपकी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। Ramzan Pakistan, Ramzan Pakistan, La ilaha illa illa
इल्लल्ला। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्ला। और हुसैन पाक से पूछा के कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्ला। तेरी शाने करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है, तो बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला। अरे हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है, हाफिज ओ नासिर है अल्लाह। इल्लल्ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, ये जमीनो आसमां तेरे हैं, मौजूदो अदन तेरा, दुनिया में तेरा खाकर तेरे शिकवे करे या रब, ए बेनियाज फिर भी हम पर रहे लुत्फो करम तेरा, तो कहिए ला इलाहा इल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला। तो अगर चाहे तो कत
खतरे को समंदर कर दे, और तो अगर चाहे तो हर अश्क को गौहर कर दे, और तू नवाजे या अल्लाह, तू नवाजे तो गदाओं को शहंशाह बने, और तू अगर चाहे यतीमों को पयंबर दे ओ करम का क्या ठिकाना, और तू नवाजने पर आए तो नवाज दे जमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहसान भाई, हमने इस कलाम का इंतखाब इसलिए किया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साथ साथ मैं पीटीवी की पूरी इंतजामिया को, जीएम साहब, पीएम साहब और जितने अहबाब यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप हैं, जवेरिया हैं, हमारे उलमाए कराम यहाँ तशरीफ फरमा हैं, सबको रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। और सिद्दीक इस्माइल साहब, आप हमारे पीटीवी का फेस हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे प्यारे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसी तरह अल्लाह का नाम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते रहिए, आम करते रहिए। और बहुत शुक्रिया शमूलियत का। इमरान भाई, इमरान अतारी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखिए जनाब। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। मैं तारफ़ कराना चाहूँगा, हमारे उलमा कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये महफ़िल की रौनक, महफ़िल की जान और इस शो का असल मकसद, और ये जो हमारा प्रोग्राम है पीटीवी का रमज़ान पाकिस्तान, इसका असल मकसद ही ये है कि हम यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर सकें, उनका नाम ले सकें, उनका नाम आगे पहुँचा सकें, और उलमा कराम से दीन की बातें, इल्म की बातें सीख सकें और सिखा सकें। हम खुद भी सीखते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो काम है इसको आगे जारी और सारी करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इलामा हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम अलैकुम इलामा साहब। बहुत शुक्रिया आपकी शमूलियत का। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, इस ट्रांसमिशन को कामयाब करे, पाकिस्तान के तमाम मुस्लिमीन की इबादत को खुदा कबूल फरमाए। आमीन जज़ाकल्लाह। बहुत दूर से हमारे प्यारे भाई मौलाना इमरान बशीर साहब आते हैं सियालकोट से, आपका बहुत शुक्रिया इमरान भाई तशरीफ़ आवरी का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने साथ बैठने का मौका दिया और खिदमत का मौका दिया। आप खैरियत? और पीटीवी का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने आपको माशाल्लाह इस मुबारक खुशकिस्मत प्रोग्राम की मेज़बानी का मौका दिया। जी हाँ बिल्कुल, और आप लोगों से मिलने का मौका सबसे तो खुशकिस्मती है। अच्छा जी, मोहतरमा फरहाना वैस साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
स्कॉलर हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं। पीटीवी का एक खास फेस बहुत अरसा आप रह चुकी हैं, बहुत शुक्रिया आपकी शमूलियत का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जिक्र है, और रमज़ान का ये बाबरकत महीना हर मुसलमान की, हर इंसान की कोशिश होती है कि अपने तमाम कामों को तर्क करके या उनमें से ज़्यादा वक्त निकाल के अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे, अपने फ़राइज़ अंजाम दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाह बख्शवाए। कोशिश सब की है, अल्लाह गफुर रहीम रहमान रहीम है, बेशक अल्लाह हम सब के गुनाह बख्शता है और बेशक अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाता है। सवाल ये है अल्लामा साहब आपसे शुरू करूँगा कि जिक्र, ख़ास कोई ऐसा जिक्र इस माह रमज़ान में जो बहुत बरकतों वाला जिक्र हो, जो कि हम ये चाहते हों कि वक्त कम हो और अल्लाह की खुशनूदी हासिल हो जाए, वो क्या जिक्र होगा? أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطاهرين وأصحابه المتطهرين بسم الله الرحمن الرحيم ابھی جیسے کہ بات ہوئی ذکر ہے افضل ذکر تو بات ہو گئی کچھ بھی ذکر نہ کریں یا اللہ اس سے نہ مختصر ہو سکتا ہے نہ اس سے جامع کوئی ذکر ہو سکتا ہے لیکن خدا بند عالم نے اگر ہمیں اور آپ کو جب دعوت دی ہے تو یہ رمضان کے روزے خود کیا ہے اگر ہم روزے کے ہی حوالے سے دیکھ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ الصومو لی یہ روزہ میرے لیے اچھا اس میں ایک خاص بات صرف رمضان المبارک کے حوالے سے میں کہہ دوں کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ خود ذکر ہے بے شک روزہ ذکر ہے جو ہم جتنی سانسیں لیتے ہیں روایات کے مطابق کیا ہے کہ ہمارا ہر سانس لینا تسبیح الہی ہے یعنی ایک طرف لسانی ذکر ہوتا ہے ایک طرف کیا ہے عملی ذکر ہے ایک طرف وجودی ذکر ہے یعنی اگر انسان ان منزلوں کو سمجھ لے تو پھر وہ منزل آتی ہے کہ جس کے لیے کہا فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا لیکن یہاں پہ ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان کے لیے خداوند عالم نے کیا رکھا کہ فذکرونی اذکرکم آپ ہمارا ذکر کیجئے ہم آپ کا چرچہ عام کر دیں سبحان اللہ اور زمانے میں جن لوگوں کے چرچہ عام کو آپ دیکھیں تو سمجھ لیا کیجئے کہ یقیناً انہوں نے خداوند عالم کا اس بلندی پہ جا کر کے ذکر کیا کہ جس بلندی پہ ذکر کرنے کا حق ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ایک آواز آئی تھی کہ کیا ہے سر کٹا کے بھی لا الہ کی صدا بلند نہیں ہوئی یہ وجودی ذکر اور اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ جی ہاں ارے میرے رسول کے لیے کیا فرمایا ہم اور آپ ذکر کریں تو اللہ ہمارے ذکر کو بلند یاد رکھتا ہے کیا ہے فذکرونی اذکرکم تم ہمارا ذکر کرو ہم عرش پر تمہارا ذکر کر دیں گے لیکن عرش سے بھی کچھ بالا تر منزل ہے اور وہ کیا ہے رفعنا لک ذکر واہ 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 وہ جسے مقام محمود بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ وہ جسے سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے وہ جسے قابہ قوسین او ادنا کہا جاتا ہے یعنی رسول کے ذکر کے لیے نہیں ہے کہ آپ ہمارا ذکر کیجئے تو ہم آپ کا ذکر کے نہیں رفعنا لک ذکر آپ کے ذکر کو تو ہم سب سے سارے ذکروں سے بلندی عطا کریں گے کیوں کہ اس لیے کہ میرے رسول کا وہ ذکر ہے کہ پھر نماز یہ کیا ہے خود نماز ذکر ہے روزہ ذکر ہے اور رسول کے لیے ذکر کی منزل کہ قم اللیل الا قلیل اے حبیب آپ کچھ آرام بھی کیا کیجیے اللہ اکبر اسرا بے عبدہ یعنی یہ وجودی ذکر میں جب آ جائے جب انسان کا وجود ہی ذکر بن جائے تو پھر منزل کیا ہوتی ہے کہ پھر ہماری طلب نہیں ہوتی کہ ہم اوپر جائیں اوپر والے کی طلب ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پاس سبحان اللہ اللہ مصطفیٰ بہت خوب بہت خوب آگے بڑھتے ہیں جی 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 ذکر کی جیسے بات ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا تو کوئی وہی نہیں ہے نا اس کا ثانی کوئی نہیں ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے پاک نبیوں پیغمبران دین بزرگان دین اور جتنے بھی نیک بزرگ ہیں ان کے دین میں اور ان کے ذکر میں اور عام آدمی کے ذکر میں کیا فرق ہوتا ہے یا ہم اس طرح کے ذکر کی ان بلندیوں تک ہم اپنا ذکر کیسے پہنچا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خرد کہتے ہیں فلسفی کو سمجھدار کو دانا انسان کو خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ سبحان اللہ. عمران بھائی ایک کال ہم لینا چاہیں گے, آپ کا ذکر آپ کی بات بھی آگے بڑھتی رہے گی, ایک کال بھی شامل کریں گے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ یو اے ای سے. جی جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی جی فرمائیے, بولیے. جی جی ایسا بھائی, میں سکینہ ندیم بات کر رہی ہوں یو اے ای سے. جی السلام علیکم سکینہ صاحبہ, خیریت سے آپ؟ جویریا باجی سے بھی بات کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ سکینہ؟ اور الحمدللہ, میں ہمیشہ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, اور یہ جو مفتی صاحبان آئے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. جی جی آپ اپنا سوال کیجیے, آپ ٹی وی مت سنیے, آپ اپنی بات کیجیے. میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں اور میری اولاد نہیں ہے. مجھے یہ تمام مفتی صاحبان سے کچھ پوچھنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کر دیں. بالکل ٹھیک, پریشانی ہے اس کے لیے. بہت شکریہ میری بہن, انشاءاللہ آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا. ابھی انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کے لیے بھی وظائف کچھ دیا جائے گا. اور عمران بھائی خطا کلامی کی معافی چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. کوئی بات نہیں جی. اور بہت دعا کیجیے گا. اقبال صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بے شک. دیکھیے یہی کلمہ انبیاء نے پڑھا, یہی کلمہ صحابہ اہل بیت نے پڑھا, یہی کلمہ عبد الرحمن ابن ملجم نے پڑھا جو حضرت علی کا قاتل بنا, یہی کلمہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے پڑھا, اور یہی کلمہ فضیل بن عیاض نے پڑھا. فضیل بن عیاض احسن بھائی یہ وہ ہستی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے ڈائریکٹ استاد بھی ہیں, اور ان کے شاگردوں میں ایک لمبی فہرست ہے جس میں خواجہ معین الدین چشتی جیسی ہستی, بابا غلام فرید, وہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. یہ ایک وقت کے بہت بڑے راہزن تھے, ڈاکو تھے. ٹھیک ہے. راہزن سے رہبر کیسے بنے اور ڈاکو ہوتے ہوئے بھی کلمے کی لاج کیسے رکھ رہے ہیں؟ آج ہم روٹین میں مسلمان ہو کر اس کلمے کی لاج نہیں رکھ رہے. آپ فرما رہے تھے نا کہ کس طریقے سے ہمارا ذکر بھی ان کے قریب پہنچ جائے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا دل و نگاہ سے, ہم بھی اپنے عملی ترتیب کو تبدیل کریں کہ ہماری زبان بھی سچ بولنے والی ہو, غیبت کرنے والی نہ ہو, ہماری نگاہ کسی کی کمی کو نہ دیکھے, ہمارے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو, ہمارے اخلاق اچھے ہوں, تو واقعی پھر ہم نے دل سے کلمہ پڑھا. فضیل بن عیاض کا حسن بھائی بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے. جی, جی, جی. یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے ہوئے, راستے میں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا, تو وہ ایک شخص, اس کے پاس کافی ساری اشرفیاں تھیں, وہ تلاش کرتا رہا کہ میں کہاں دوں. مشہور تھا کہ فضیل نے آ کے لوٹ لینا سب کچھ. صحیح. تو وہ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک اللہ والے کپڑا لے کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہا یہ بڑے نیک آدمی ہیں, ان کو دے دیتا ہوں. تو وہ فضیل بن عیاض ہی تھے. اللہ. وہ پکڑایا ان کو, جب صبح جب ہوئی تو رات کو سارا قافلہ لوٹ گیا. وہ بندہ بڑا خوش کہ میری بچت ہوگی. جب وہ گیا تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں کے سردار جن کو رات میں دیکھ کے آیا تھا اللہ والا سمجھ کر, وہ تو کام میرا تو بالکل ہی گیا سرے سے. وہ جو ہی گیا تو جاتے اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا, کہا فلاں مسلح کے نیچے ہی جہاں تو نے مجھے دیا تھا وہ اشرفیوں کا تھیلا, وہ وہیں پر پڑا ہوا ہے. تو سارے اس کے جو ساتھی تھے حواریین, وہ کہنے لگے کہ ہم نے رات بھر پوری کوشش کر کے لوٹا ہے اور آپ نے اتنی ہزاروں اشرفیاں واپس کر دیں. کہا وہ مسلمانوں کا حلیہ اور مسلمانی پہ اعتبار کر کے آیا تھا, میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس کا دل مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی ایکچوئل حالت سے متنفر ہو. اللہ اور اللہ. یہی فضیل ابن عیاض ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو ایک بچی, چھوٹی سی بچی قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل گھبرا جائیں, دل اللہ متاثر ہو جائیں؟ اللہ. یہ سننا تھا کہ سن کر رہزن سے رہبر بن گئے اور امام ابو حنیفہ کے استاد. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ایک کال شامل کریں گے جی, پھر ہماری اسکالر بیٹھی ہیں محمد شکیل. جی محمد شکیل اکاڑا سے بات کریں. جی السلام علیکم شکیل صاحب, فرمائیے. ہیلو جی شکیل صاحب فرمائیے, کال پہ ہیں آپ. آپ جی کال ڈراپ ہوگی, کچھ دیر بعد کال لیں گے. اور آپ کے پاس میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں, خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں اور آج کل خاص طور پہ رمضان کی بہت تیاریاں ہوتی ہیں, ذکر کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک بحث چلتی ہے کہ جی آپ وضو میں اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کریں. ایک ہوتا ہے کچھ خواتین کچن میں چلتے پھرتے کام کرتی ہیں, گھروں میں کام کر رہی ہیں کہ اٹھ کے کچھ سلسلہ ہے جو روز کا چلتا ہے, تو ذکر کرتے ہوئے کیا کچھ خاص لوازمات ضروری ہیں یا عام روٹین میں بھی کیے جا سکتے ہیں؟ خواتین کے لیے سوال ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات کا ہر ذرہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے اور وہ اس پہ جھوم رہا ہے, خوش ہے.
और जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र या उसकी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे ये हुक्म दे दिया गया है कि इबादत करनी है, बल्कि वो इबादत के लायक है इसलिए मैं उनकी इबादत करता हूँ, यानी अल्लाह का जिक्र करता रहता हूँ। तो अल्लाह का जिक्र जो है उसके लिए यकीनन अगर हम बावजू हैं और अच्छे तरीके से अहतमाम के साथ जिक्र कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि हमें बहुत अच्छे तरीके से ही करना चाहिए, लेकिन ये कैद नहीं है। अगर आप वुजू की हालत में नहीं हैं या किसी वजह से नहीं कर सके हैं या आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, और ख़वातीन अक्सर ये काम कर रही होती हैं कि जब वो किचन में मसरूफ़ होती हैं तो वो अक्सर दुरूद पाक पढ़ रही होती हैं, और हमने अपने बड़ों को भी देखा है, माओं को, दादी नानी वगैरह को, वो कर रही होती हैं, और कोई ना कोई अल्लाह ताला का एक नाम जो है वो उनकी ज़ुबान पर होता है। और ज़िक्र का जो मैं आपको थोड़ा सा मफहूम भी बता दूँ सुनने वालों के लिए कि ज़िक्र का मतलब है याद करना, ठीक है, और याद से मुराद ये है कि दिल को गफलत से बाहर निकाल लेना। मौलाना रूम कहा करते थे कि असल में जो है दिल के में जिक्र करने का मुराद ये है कि आप अपने दिल को गफलत से बाहर निकाल लें, और उसका मकसद क्या है कि जब आप गफलत में होते हैं और अल्लाह ताला को याद नहीं कर रहे होते तो शैतान आपके दिल पर हमला करता है, और वो दिल पर कैसे हमला करता है कि आपके दिल में वसवसे डालता है, बुरे ख्यालात आएंगे, बुरी चीज़ें आएंगी, लेकिन चूंकि वो मोमिन का दिल सूंघ कर उसके पास आता है तो अगर वो जिक्र कर रहा होता है तो वो उससे दूर चला जाता है। तो वो लोग जो अल्लाह के जिक्र में हर वक्त रहते हैं, जिनकी ज़ुबानें अल्लाह के नाम से तर होती हैं, तो शैतान फिर उनके करीब नहीं आता है। और मौलाना रूम बड़े खूबसूरत इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को जिस्म दिया है ना, तो उस जिस्म के हर अज़्व का जिक्र अलग है, यानी आँखों का जिक्र अलग है, ज़ुबान का जिक्र अलग है, पैरों का अलग है, और वो उसको थोड़ा सा बयान करते हैं कि हम जो तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं वो हमारी ज़ुबान का जिक्र है, आँखें जो मुशाहिदा करती हैं और फिर दिमाग को पैगाम देती हैं, और जो वो तदब्बुर करता है और फ़िक्र करता है वो आँखों का जिक्र है, जब हमारे कदम दूसरों के काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे कदमों का जिक्र है, अच्छे काम करने के लिए, और जब हमारे हाथ अच्छे काम में मसरूफ होते हैं तो वो हमारे हाथों का जिक्र है। तो गोया हमारा पूरा जिस्म जो है ना वो जिक्र कर रहा है। और थोड़ा सा इसको और मैं बढ़ाऊँ आगे बात को कि वैसे भी हमारे लिए लाजिम है कि हमारे जिस्म में जो 360 जोड़ हैं हम उनका सदका करें रोज़ाना, और वो भी हम इसी तरह कर सकते हैं कि जब सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम किस तरह सदका करें, हमारे पास तो इतना माल नहीं है, और लोगों को जहनों में शायद ये था कि सदके से मुराद सिर्फ माल ही देना है, तो आपने फरमाया जिक्र किया करो, यानी तस्बीह हाथ पढ़ लिया करो तो वो तुम्हारे जोड़ों का सदका हो जाएगा। तो गोया ये जिक्र जो है ये हमें ही फ़ायदा पहुंचा रहा है, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं उसको राज़ी करने के लिए, लेकिन असल में ये हमको ही फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि बेशक अल्लाह का जिक्र जो है वो कसरत से करो कि ये तुम्हारे लिए ही फ़ायदेमंद है, ये तुम्हें बेशक, बेशक, तुम्हें फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। तो इसीलिए जब हम कोई जिक्र की महफिल से जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ ख़ास फरिश्ते हैं जो उन महफिलों को घेर लेते हैं, और फिर जब वो तमाम अल्लाह का जिक्र लेके अल्लाह के पास हाजिर होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि सब कुछ जानते हैं लेकिन उन फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो फरिश्ते कहते हैं कि हम एक ऐसी महफिल से आए हैं जहां आपका नाम लिया जा रहा था, आपका जिक्र हो रहा था। अल्लाह ताला पूछते हैं कि मेरे वो बंदे क्या कह रहे थे, क्या मांग रहे थे, तो वो फरिश्ते कहते हैं कि वो आपसे जन्नत का सवाल कर रहे थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि क्या, फरिश्तों से अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या उन्होंने जन्नत को देखा है, तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अगर वो देख लेते तो क्या होता, फिर वो कहते हैं अल्लाह ताला उनसे दोबारा पूछते हैं और क्या कह रहे थे, फरिश्ते कहते हैं वो दोजख से पनाह मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला पूछते हैं क्या उन्होंने दोजख को देखा है, जवाब मिलता है नहीं, अगर देख लेते तो क्या होता, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ मैंने उन सबको बख्श दिया। सुभानअल्लाह। फिर फरिश्ते कहते हैं उसमें चंद लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ दूसरों से मिलने आए थे, महफिल में शिरकत के लिए नहीं आए थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ मैंने उनको भी बख्श दिया। सुभानअल्लाह। फराना साहब इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने ये बात बयान की है, और मेरी दुआ है बल्कि सब मिलकर दुआ करते हैं कि इस महफिल में भी, क्योंकि रब का, रब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है जहां जहां ये आवाज जा रही है, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे, हम सबकी बख्शिश जो है वो भी करे, और यहाँ पे भी फरिश्ते मौजूद हो। एक कॉल शामिल करते हैं, वो जो खातून यूएई से जिन्होंने कॉल की उनका भी जवाब हम लेंगे। एक और सवाल है किसी ने मुझे पूछा है, लेकिन कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल पे कौन है जी? इम्तियाज, इम्तियाज बात कर रहा हूँ हरिपुर चंद्रजल से। जी इम्तियाज साहब फरमाइए, क्या पूछेंगे आप? एहसन भाई पहले तो जितने भी मेहमान आई हुए सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, और रमजान मुबारक आपको भी, मुबारक मुबारक। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सर के, ज्यादातर जेल में लोग कहते हैं कि जो ईद की नमाज है और क्या कहते हैं जुमा, जो जुमे की नमाज है ना, कह रहे वो जेल में नहीं होता, ठीक है, तो
मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं कि हमें पता चल जाए कि यार ये लोग सही कहते हैं कि नहीं, वैसे ही लगे हुए। अच्छा, आप क्यों जेल का पूछ रहे हैं, कोई खास? मैं रिपोर्ट सेंटर जेल में हूं ना, मैं 25 साल कैदी हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या किस जुर्म में आप जेल में हैं? वो मेरे ऊपर जो है ना वो 302 का इल्जाम लगाई हुए, उसमें अंदर आया हूं। ठीक है, चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। बहुत शुक्रिया आपका, दीन की तरफ ध्यान है, रुझान है, हमारा प्रोग्राम आप वहाँ देख रहे हैं, और हम सबकी दुआ है कि आपकी मुश्किल आसान हो। अब मुझे बताइए इमरान भाई, आप बताइए कि क्या कहा जाता है इसके बारे में कि जेल में जुम्मे की नमाज और ईद की नमाज का? जी, पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी नमाज हो जाएगी। ठीक है, अलबत्ता मैं कैदियों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि और कैदियों के साथ जो सलूक करने वाले उनके साथ भी, कि इस कायनात के सबसे बड़े मुजरिम, ये तो मुलज़म है ना, अभी उन्होंने कहा कि 302 का इल्ज़ाम है। जी जी, 302 का कन्फर्म जो केस था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलज़म के ऊपर, जो हज़रत अली का सबसे बड़ा मुजरिम गुनहगार, तो उसके लिए हज़रत अली को जब पानी पेश किया गया तो फरमाया पहले इसको पिलाओ, इसका सांस फूला हुआ है, और उसके बाद अपने बच्चों को बुला के फरमाया अतीबू तआमहु व अलीनु फिराशा। तो मैं जेल के हुक्मरान से हाथ जोड़ के दरख्वास्त अर्ज करूँगा कि सबसे बड़े मुजरिम जिसका जुर्म साबित हो चुका है और अल्लाह के महबूब कह चुके हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुजरिम है, और फैसला कौन कर रहा है, इस उम्मत के सबसे बड़े जजदार, बिल्कुल सबसे बड़े जज, जज सईना सिद्दीक अकबर के दौर में भी हज़रत अली जज, सईना उमर फारूक, सईना उस्मान गनी और खुद भी अक़ज़ा हुमाली। फैसला क्या फरमाया बच्चों, अतीबू तआमहु व अलीनु फिराशा, इसको खाना देना तो गरम देना, बिस्तर देना तो नरम देना। फइन आशफा अना औला बिही क़सासन व आफाफा, जिंदा रहा तो ज़्यादा हकदार हूँ कि इससे बदला लूँ, और अगर मैं दुनिया से चला गया तो उसको माफ़ कर देना, ये तकवे के ज़्यादा करीब है। हम असल में जिक्र की जो कैफियात में चलते हैं, दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलज़म भी बड़ा जिक्र किया करता था, यही शख्स सारी रात तहज्जुद पढ़ता था, सारा दिन कुरान पढ़ता था, कहीं हमारी तस्बीह भी वैसी तो नहीं चल रही, ये हमने थोड़ा सा सोचना है। हसन भाई, जैसे माशाल्लाह हर मुसलमान की कोशिश होती है कि रमज़ान में तस्बीह लेके चले, तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मुहासबा करें कि मेरी ज़ात से किसी को, हाँ लामा साहब ने भी तस्बीह पकड़ी हुई है, आपने भी पकड़ी हुई है माशाल्लाह, तो मैंने भी पकड़ी होती है अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर, लेकिन कहीं मुझे दे दें तो कहीं ये तस्बीह वैसी तो नहीं है, अस्तग़फिरुल्लाह। ये देखें, ये जो मुहासबा करेगा, जो सोचो विचार करेगा, रब्बे काबा की कसम, इस फिक्र के ऊपर अल्लाह की रहमत है। सब जिनको ज़्यादा इल्म है उनका ज़्यादा इम्तिहान भी है, जो ज़्यादा इल्म वाले उनका इम्तिहान भी ज़्यादा होगा जी, और अगर वो इल्म वाले कुछ ऐसी बात हो तो बात ये है कि आम आदमी के 70 गुना बख्श दिए जाएंगे, आलिम का एक मुश्किल होगा। ओहो, ये तो बहुत एक सबसे पहले आलिमों से ही सवाल होगा, सवाल होगा, लेकिन एक कॉल शामिल करते हैं जी। लेकिन जहाँ सवाल ज्यादा है वहाँ सवाब भी ज्यादा भी बेशक जी। कॉल शामिल करते हैं जी, आयशा साहिबा हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मुल्तान से जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत 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 रमजान की बहुत मुबारक हो आपको भी, और जो है बहुत अच्छा आप दोनों शो लेकर आए, जवेरिया भी और आप भी, बहुत शुक्रिया। आप तो हमेशा आते हैं, जवेरिया आई हैं तो इससे भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत शुक्रिया जी। और जो है इतनी अच्छी दीन गुफ्तगू हो रही है तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहूँगी। जी जरूर। जैसे जो बच्चे बाहर के ममालिक में पढ़ने जाते हैं तो उनके साथ ये होता है कि जैसे जमात के लिए पूरे लोग नहीं होते, तो उनके लिए क्या होगा? ठीक है, नमाज के लिए आप कह रही हैं कि जमात में अगर जी मतलब अगर नमाज की जुम्मे की, ठीक है, जुम्मे की नमाज अगर उनको नहीं वहाँ पे मस्जिद मिल रही या जमात नहीं मिली तो उनके लिए क्या हुक्म है? बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अच्छा जी, क्या जवाब इसका? अल्लाह मसल्ला ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, और अगर जुम्मे का वो सिलसिला नहीं है वहाँ पर तो यानी कि उसमें जमात कितने लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए? कम से कम एक इमाम और एक मुक्तदी तो हो, कम से कम दो लोग। अच्छा, यहाँ पे जैसे जुमे के हवाले से अहले तशी में कम से कम 5 आदमी होना शर्त। ठीक है, अच्छा ठीक है। अलामा साहब एक चीज़ और भी बोला, सवाल का भी जवाब ले लेना। जी जी, वो सवाल जो यूएई से उनकी औलाद मरियम का एहतमाम करें, अल्लाह ताला फजल जी, मैं चाहूँगा अगर वो जो भी हमारी बहन सुन रही हैं 14 साल से औलाद के लिए दुआ कर रही हैं तो हम सबसे इस सवाल का जवाब लेंगे। और दूसरा ये अर्ज करूंगा, मतलब दोबारा बोलिएगा, सूरह मरियम का एक तो एहतमाम करें, किस तरह मतलब रोजाना पड़े, रोजाना पड़े, ठीक है। और दूसरी गुजारिश ये है कि इसको सर पे सवार ना करें, अल्लाह की शान है जिसे चाहे बेटे दे, यहबुल लिमन यशाउ इनासा व यहबुल लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियाँ दे,
जिसे चाहे दोनों चीज़ों से माला माल फरमाए और जिसे चाहे कुछ भी ना दे। अब देखें इमामुल अंबिया जिनके सदके सारी कायनात बनाई गई, सजाई गई, चलाई गई और चल रही है, 11 अजवाज मुतहरात हैं, उनमें से सिर्फ 2 से औलाद होती है, बाकी 9 से औलाद ही नहीं है। सही सही। तो इसलिए परेशान ना हो, वहाँ पर किस चीज़ की कमी हो सकती है जिस जहाँ जिस घराने से जिस घर से सारी खैरात तकसीम हो रही है। बेशक बेशक। आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि दुआ करती रहें लेकिन ज़िद ना करें। कभी कभी अल्लाह ताला की बड़ी हिकमत होती है। वो कुरान पाक में वाक्य है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनको लेके चले थे, तो उसमें एक जगह पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक छोटा सा बच्चा था कोई 8-10 साल का, उसकी जान ले ली थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत नाराज़ होकर कहा था आपने बिला वजह इस बच्चे की जान ले ली, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से मैंने ऐसा किया क्योंकि इसके वालदैन इंतहाई नेक थे और इस शख्स ने मतलब इस बच्चे ने बड़े होकर बहुत बुरा इंसान बनना था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन वालदैन पर रहम किया कि औलाद तो दी लेकिन जल्दी वापस ले ली। ठीक है, आप क्या सलाह देंगे हमारी बहन को? जी ये पीरी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए खुदावंद आलम ने किसके लिए क्या रिस्क रखा है। सही। और रिस्क औलाद की सूरत भी है और औलाद से हट के भी है। यानी अगर खुदावंद आलम ने किसी के हिस्से में रिस्क नहीं रखा है तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ रखी है, और बिलखसूस दुनिया में जो नेमत अगर मिलनी थी और नहीं मिली, ठीक है, तो उसके बदले में आखरत में वो नेमत मिलेगी कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। जिक्र के हवाले से जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सूरह मरियम भी है, सूरह निसा की तिलावत भी है, और अगर दुआ मांगने के वक्त नमाज के बाद आप अगर रसूल और आले रसूल का वास्ता दे के उसमें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ की तिलावत करें और उसके बाद आप वहाँ आले रसूल के सदक़े से मांगें तो यकीनन उम्मीद है कि खुदा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और कलाम भी हमारे साथ सदीक इस्माइल साहब और इमरान भाई मौजूद है, कलाम भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, इंशाल्लाह वापस आते हैं और आपको कलाम भी सुनाते हैं और जिक्र भी जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आपकी हमारी अपनी लाइव ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। सुबह से औला आला हमारा नबी, सुबह से औला आला हमारा नबी, सुबह से आया हमारा नबी
सबसे आला आला और कौन देता है देने को मुझाइए खुश रहिए सलामत रहिए। फरहान साहब आपके लिए एक सवाल है कि आप ये बताइए कि हम जिक्र क्यों करते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि जैसे अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जिक्र तो बहुत से लोग करते रहे और फिर वो गुनाह भी करते रहे। बुनियादी मकसद जो जिक्र का है, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि गफलत से बाहर आना, लेकिन दूसरा इसका मकसद है अपने अजहान को और कुलूब को पाक और साफ करना। उलमाए किराम ये कहते हैं कि जब इंसान से कोई खता होती है तो उसके दिल पर एक निशान आ जाता है स्याह, और जब वो जिक्र करता रहता है तो वो निशान दूर हो जाता है। ठीक है। जैसे कि हम एक नमाज से दूसरी नमाज तक के, एक जुमे से दूसरे जुमे तक के, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक के दरमियान के गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं सिवाय कबीरा गुनाहों के, इसी तरह से जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे जो गुनाह होते हैं, हमारे दिल के ऊपर जो मैल आया होता है, गफलत आई होती है, वो तमाम चीज़ें दूर होना शुरू हो जाती हैं। और जब हम उसको कसरत से करते हैं तो उसका असर फिर ये होता है कि अगर हम अपने दिल को हसद से, बुग़्ज़ से, नफ़रत से और किसी से बदला लेने से पाक कर लेते हैं इस जिक्र के साथ साथ, यानी अपने दिल की, अपने आप की तरबियत कर रहे होते हैं, तो फिर हम असल में मोमिन कहलाते हैं। और उस शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कभी नहीं होती जिसके दिल में ये तमाम चीज़ें मौजूद हों कि किसी से बदला लेना है, किसी से हसद कोई कर रहा है, कीना परवर है। तो रसूल पाक उनको नजर आते हैं जिनका दिल साफ होता है, जो पाक होते हैं। तो गोया ये जो बुनियादी मकसद है ना जिक्र का, वो अपने आप को पाक करना है, अपने जहन को और अपने दिल को। और ये जिक्र करने वाले ही होते हैं जो फिर आला मकाम तक पहुंच जाते हैं। और मैं आपको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाक्या बताऊँ कि एक मरतबा फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आए और कहा कि आपके एक नबी का बड़ा चर्चा है और आप उनको अपना दोस्त भी कहते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो ऐसा क्या है कि आपने उनको दोस्त कहा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उन्होंने बंदगी के तमाम तकाजे पूरे किए और अगर तुम जानना चाहते हो तो खुद चले जाओ। तो फरिश्ते फिर ज़मीन पर आए, जब देखा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं और बकरियों के रेवड़ के साथ बैठे अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो वहाँ से वो फरिश्ता गुजरा और उसने अल्लाह ताला की हमद व सना बयान की। अच्छा, वो आशिक थे अल्लाह के नाम के, अल्लाह के हर जिक्र के, एकदम से चौंक के उठ के बैठे और कहा इतना खूबसूरत जिक्र, तो रोक के कहा कि क्या कह रहे हो? तो फरिश्ते ने दोबारा कह दिया, कहा कि बहुत खूबसूरत है, फिर से कहो। तो उसने कहा कि एक मरतबा तो कह दिया, अब दोबारा कहूँगा तो क्या दोगे, मुझे कोई उजरत चाहिए। तो आपने फरमाया कि मेरे पास तो सिर्फ बकरियों का रेवड़ है, आधा रेवड़ तुम्हें दे दूँगा।
उसने कहा ठीक है, फरिश्ते ने दोबारा अल्लाह का नाम लिया, वो खुश हो गए, कहने लगे एक बार और पढ़ दो। तो उसने कहा आप क्या दोगे, तो कहा पूरा रेवर दे दूंगा। उन्होंने फिर पढ़ दिया अल्लाह का नाम, फिर कहा एक दफ़ा और, तो कहने लगे आप क्या दोगे, अब तो सब ख़त्म हो गया। कहने लगे अब तुमने जो बकरियाँ ली हैं इसको चलाने के लिए, रेवड़ को रखने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना, तो मैं अपना आप पेश करता हूँ। तो आप सोचिए कि कितने बड़े आशिक हैं वो अल्लाह का, जो सिर्फ जिक्र कर रहा है उसके लिए वो इतनी जान दे रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं। तो फिर वो जिक्र करने वाले जो अल्लाह के साथ उस मोहब्बत के साथ जिक्र कर रहे होते हैं, उनका मकाम फिर कहाँ होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात। ब्रेक पे जाने का वक्त है। इमरान भाई आपसे भी, अलामा साहब आपसे भी ये सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि एक गुनहगार आदमी जो कि गलत तरीके अख्तियार कर रहा है, वो जिक्र भी कर रहा है और गलत काम भी कर रहा है, और एक नेक आदमी भी जिक्र कर रहा है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे हो सकता है, खुद को कैसे आप देख सकते हैं कि आप बेहतर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुरान पाक ने इसको खुद ही बयान फरमा दिया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जो मेरे लिए खालिस जिक्र करते हैं उनकी खाली तस्बीह नहीं चलती बल्कि उनका दिल भी कांप उठता है। ठीक है, उनका दिल भी कांप उठता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जो मेरे लिए तिलावत करते हैं वो खाली कुरान नहीं पढ़ते बल्कि उनके ईमान में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे फरमाया वआला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही भरोसा करते हैं। ये तीन निशानियां बयान फरमाई हैं कि अगर ये मौजूद हैं तो समझ लें कि आप सही जिक्र कर रहे हैं। जी अल्लामा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मुख्तसर सी बात अगर हम करेंगे कि जिक्र के हवाले से, जैसे कि बहन ने अभी बयान किया कि इसके फैज़ व बरकात, एक तो ये कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, हमें आज बीमारियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, ये शन की बीमारी जिसे कहते हैं, जिसके आखिर में शन आता है, टेंशन है, ये है वगैरह, ये सारी बीमारियों का इलाज कहाँ है? अला बिज़िक्रिल्लाह है। हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं किसको? सुकून को। ये सुबह से निकलते हैं कि सुकून खरीद के लाएंगे, बेसुकूनी खरीद के लाते हैं। खुदा ने जिक्र में सुकून और इत्मीनान कल्ब रखा है। और यहाँ मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ कहूँगा कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा है, एक हाथ से चक्की चला रही हैं, एक हाथ से हसनैन के झूले को झुला रही हैं, ज़बां से जिक्र इलाही जारी है। इस हालत में ओंग आ जाती है, नींद आती है, शहजादी सो जाती है। लोगों ने देखा इस वाक़े को, तो देखा कि झूला भी चल रहा है और चक्की भी घूम रही है, तो पूछने वालों ने पूछा कि ये क्या माजरा है कि सोने वाला सो रहा है, जबान जिक्र में जारी है, चक्की अपनी जगह चल रही है, झूला अपनी जगह हिल रहा है, सबब क्या? तो बताने वालों ने बताया और मेरे रसूल ने फरमाया कि हाँ, खुदा बंदे आलम जब किसी के जिक्र को पसंद करता है तो फिर उसकी अदा को भी जारी रखता है, यानी आप सोते में। और यहाँ पे मैं कह दूँ कि जी हाँ, अगर रात भर आपको इबादत में रहना है, वजू करके सो जाइए, सारी रात आपकी जबान आपकी सांस जिक्र करती है। और वजू की जो बात उन्होंने की, एक तो वजू इंसान को पाक करता है, दूसरा मैं ये सोच रही थी कि शैतान जो है वो आग है, और वजू का कहा जाता है कि पानी से वजू करें और अगर पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करें, तो मिट्टी जो है और पानी जो है वो आग को बुझाता है, तो बुझा देती है। शैतान हमसे दूर रहता है इंशाल्लाह जब हम वजू करते हैं पानी से। इंशाल्लाह जी, जिक्र से मुराद ना जो आयत पढ़ी है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यहाँ मुफस्सिर ने लिखा कि जिक्र से मुराद खाली तस्बीह नहीं है बल्कि जिक्र से मुराद अल्लाह के अहकामात को हुजूर की गुलामी के मुताबिक लेके चलना, ये असल जिक्र है। और आप रमज़ान में पूरे अकाबरीन का मामूल देखेंगे कि तमाम अज़कार को कम कर देते थे और कुरान को सबसे ज्यादा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी, बहुत ही खूबसूरत महफिल जी। अलामा साहब, ब्रेक की जाने का तो तरीका और वतीरा भी ये रहा कि हम और आप तो पूरे महीने में एक कुरान ख़त्म करते हुए हमारे लिए मुश्किल हो रही होती है, वो हर रोज़ एक कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी बात, जी जी जवेरिया, प्लीज़, अगर आपको इबादत से सुकून नहीं मिलता तो सकून से इबादत कीजिए। क्या बात। अच्छा जनाब, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। इतनी खूबसूरत महफिल, इतनी खूबसूरत बातें जारी हैं और बेहद बेहतरीन लोग हमारे साथ। अल्लाह ताला इस महफिल में जो भी हमने नेक अमल किया है, जो भी अल्लाह का नाम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तमाम अम्बिया का नाम लिया, अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए और हमारी ये महफिल बरकतों वाली हो, और हम सब लोगों की जो जो सुन रहे हैं, जो जो देख रहे हैं, सबकी दुआएँ भी कबूल हों। आप सबका
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सदीक इस्माइल साहब, अलामा साहब आपका, मौलाना साहब आपका, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया, फरहान साहब बहुत जजाकल्ला। इसी तरह आप लोग हमारे पी टी वी के इस प्रोग्राम में शामिल रहिए और खूबसूरत गुफ्तगू करते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आपकी अपनी ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक, कहता हूँ कोई रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। ये महफिल, खूबसूरत तरीन महफिल आपके लिए सजाई गई है। आपकी शमूलियत के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं और इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं वो आपके, जब एक फीडबैक हमें मिलता है तभी वो सेगमेंट्स खूबसूरत होते हैं। और आज का ये सेगमेंट तो इंतहाई फेवरेट, इंतहाई खूबसूरत सेगमेंट है, बल्कि बेहतरीन हमारे तमाम सेगमेंट से सबसे बेहतरीन सेगमेंट है। जी हाँ, चूँकि नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम कहना, तो नाज़े गिरामी आप समझ गए होंगे ये नातिया एक मुकाबला है। और जवेरी आप समझती हैं नात कहना और नात पढ़ना एक बड़ी सादत की बात है, और ये किसी किसी को नसीब होती है। और फिर उस नात को बैठ कर सुनना, और इसका मकसद ये है कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में चंद अशार कहें। हमारी इतनी मजाल कहाँ, अपनी मोहब्बत का इजहार इजहार। और अल्लाह ताला हमारी ये कोशिश, पी टी वी की ये कोशिश कबूल करे। जनाब इसमें सेगमेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रमज़ान का जितने भी दिन हम आपके साथ हैं, एक दिन हमारा क्विज़ का सेगमेंट होगा और एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा सलाम कहने का सेगमेंट है। और जिस तरह से बच्चों की सिलेक्शन होती है उसके बाद हम क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल, फिर फाइनल की जानिब बढ़ते हैं। काफ़ी सारे बच्चों में इनको सेलेक्ट किया गया है, ऑडिशंस, बहुत से ऑडिशंस लेने के बाद। यहाँ पे आज जो हमारे तीन पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे तो मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये तीन पार्टिसिपेंट्स हमारे बहुत प्यारे बच्चे, इनका नाम मैं लेता चलूँ। इनका नाम है जी, पहली पार्टिसिपेंट है नूर नदीम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तैयारी आपकी सही है? जी ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे मौजूद हैं, फैज़याब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फैज़याब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से बेटा आप? अच्छा, ये 16 साल की हैं, ये 17 साल के हैं। ठीक है, और वो भी 16 साल के, ये कितना फर्क लग रहा है जबकि वो कितने बड़े लग रहे हैं, लेकिन वो 16 के हैं अभी। कद काट में बड़े। मोहम्मद मसब, मोहम्मद भाई हमारे, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी आपकी मुकम्मल है। बहुत से जनाब आपको बताते चलूँ, ऑडिशंस हुए यहाँ पे और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स, खुद कुछ बच्चे जो बहुत, तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट्स से तमाम बच्चे बहुत प्यारा पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमें आगे बढ़ना है, सिलेक्शन करनी है, कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज से पढ़ रहा है वो हमने चूज़ करना है, तो हमारे जज यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान अतारी साहब, शेख इमरान अतारी साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी तबीयत? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी तशरीफ आवरी का, आपकी शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये बताते चलें कि इसमें हमेशा की तरह चार राउंड होंगे, एक सिलेक्शन राउंड होगा, फिर क्वार्टर राउंड होगा, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल, इंशाल्लाह। ठीक है जी, और पहली बार ये बच्चे आए हैं और यकीनन एक घबराहट और नर्वसनेस तो होती है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और सबसे पहले कलाम पेश करेंगे, इमरान भाई इजाज़त है आपकी, शुरू करें कंपटीशन। सबसे पहले कलाम पेश करेंगी हमारी बहुत प्यारी पार्टिसिपेंट है नूर। आइए नूर, तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिसने जो काई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई। आती है महकता
सांस लेता सरकार से आई होगी ये हवा को चाहे सरकार से आई माशाल्लाह बहुत खूब जजाकल्ला। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं फैजयाब हुसैन। आइए जी फैजयाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। ए रसूले अमीन खातमुल मुर्सलीन तुझसा कोई नगे तुझसा कोई नगे है अकीदा ये अपना बस दे को यकीन तुझसा कोई नगे तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे जुमलों साफ से खुद सजाया तुझे ए अज़ल के हसीन ए अबद के हसीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। बहुत खूब और क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या खूबसूरत कलाम है। इस कलाम को आप जब भी सुनते हैं बहुत भारी आवाज तो है इनकी, बहुत बहुत प्यार, बहुत प्यार देखने में नहीं लगता। नहीं लगता। अच्छा जी हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट मोहम्मद मसब, आइए प्लीज। बिस्मिल्लाह। हुदूद ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं वो सकते हैं और वो बुला भी सकते हैं वो आ भी सकते हैं और वो बुला भी सकते हैं के दूरी
कि दूरियों को मिटाना हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। तशरीफ तशरीफ जी जी। इमरान भाई, ये बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है। हमारे जो टेलीविज़न पे नाज़रीन देख रहे हैं, अगर वो कोई फीडबैक देना चाहते हैं और ज़रूर हमें दीजिए। लेकिन जवेरिया, ये एक ऐसा मरहला है क्योंकि तीनों बच्चे जो हैं बड़े अच्छे, वेल सिलेक्टेड और बड़ा खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब वो सब मेहनत इतनी करके आते हैं कि किसी एक की तारीफ ज्यादा हो जाए तो बहुत मुश्किल। देख के पता है क्या हुआ है, मुझे अपना वक्त याद आ गया। 1993 में यही PTV स्टेशन में मैं जब ऑडिशन के लिए आई थी, तो कारी वहीद जफर कासमी ने मेरा ऑडिशन लिया था। बहुत सारे लोग थे, 50-60 लड़कियां थी, और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि कारी वही जफर कासमी मेरे चचा ससुर होंगे आगे चल के कभी जिंदगी में।, तो मैंने उन्हीं की नात पढ़ी थी, फासलों को तकल्लुफ हम से अगर। और जब 50 लड़कियों में 6 लड़कियों का सिलेक्शन होना था तो उसमें मेरा हुआ था, तो मुझे यकीन नहीं आया था। सच बता रही हूँ कि मुझे नहीं लग रहा था, कि मुझे लग रहा था कि मुझसे अच्छे और लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो जज होता है वो अपने अंदाज से देख रहा होता है, लफ्ज़ों की अदायगी, और इसके अलावा कहाँ वो बेसुर होते हैं, कहाँ ऊंच नीच होती है, वो उनको ज़्यादा पता होता है। हम तो सिर्फ सुनने वाले लोग हैं, तो हम अपने हिसाब से देखते हैं। बिल्कुल सही। इमरान भाई हमारे जो इस वक्त जज कर रहे हैं, उनकी जानेब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इमरान भाई ने क्या फैसला किया है। और फैसला ज़रा मुश्किल है। इमरान भाई, कुछ हमें भी दिखा दीजिए और हम सस्पेंस जो है वो रखना चाहते हैं। तो ठीक है, ठीक है। तो आप की नज़र में ये इन दोनों में से मुकाबला सख्त है? 2-3 का मुकाबला ज़रा सख्त है। अच्छा। जवेरिया, क्या कहेंगी आप? बताइए। ठीक है, ठीक है जी। इमरान भाई, आप रिज़ल्ट जो है अनाउंस कर दीजिए कि आज के विनर जो दो, इमरान भाई ने सोचा है कि दोनों में एक कंपटीशन टफ है, लेकिन जाहिर है तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन दो में ज़रा टफ कंपटीशन है। इमरान भाई, आप ख़ुद बताइए जनाब। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी थी और अच्छा लगा। हमारी जो नूर नदीम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा, और फैज़ियाब हुसैन और मोहम्मद मसब ने भी। लेकिन जो मैंने जो डिसीज़न लिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, ये जो बच्ची इसने बहुत अच्छा नूर जीती हैं। अरे नूर, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत आगे तशरीफ लाइए नूर। लेकिन मैं समझता हूँ बच्चा भी बहुत 19 के करीब इनका। ठीक है, आइए आइए नूर, तशरीफ यहाँ पे इधर इधर लेके आइए। अच्छा, जो सिलसिला ऐसा है कि फैज़ियाब को भी तकरीबन सेम आपके मार्क्स हैं, और इमरान भाई कहना ये कि आगे कॉम्पिटिशन में फैज़ियाब को भी चांस दोबारा दिया जाए, एक मतलब फिर पार्टिसिपेट करने का, बहुत अच्छा पढ़ा, ताकि वो पहली बार में ही डिसहार्टेंड होकर यहाँ से ना जाए। वैसे तो मोहम्मद मसद ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन फैज़ियाब के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है इमरान भाई की कि इनको भी आगे लेके जाया करें। तो आई थिंक आज के 2 विनर्स ही हुए एक तरह से। लेकिन नूर को गिफ्ट हैम्पर दीजिए प्लीज जवेरिया। ये नूर आपके लिए प्योरीफाई फ्लेयर की तरफ से जी गिफ्ट हैम्पर। बिल्कुल सही, माशाल्लाह जी। और भी हैं जी गिफ्ट हैम्पर, इनको पकड़ा दीजिए, यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और फैज़ियाब, आपके लिए भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, आपको भी मुबारक हो फैज़ियाब। गिफ्ट हैम्पर्स लाइए जी, लाइए दीजिए, इनको भी दे दें। जामे शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और इमरान भाई, मैं ये आपसे चाहूँगा कि जब आप यहाँ मौजूद हैं, बेटा आप वहाँ पे जा सकती हैं, आप इंशाल्लाह आगे, अब हमारे सिलेक्शन हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे इस कंपटीशन में। चूंकि ये पहला आज कंपटीशन है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि पहले दिन ही इतने ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट्स आए हैं। इंशाल्लाह ग्रेजुअली जब मजीद प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो टफ होता चला जाएगा कंपटीशन, और बहुत से ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट्स शामिल होंगे। आप लोग हमारा साथ देते रहिएगा। इमरान भाई ब्रेक के जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम चाहेंगे कि सब मिलके कलाम पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सब मिलकर मेरे साथ दीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। कि तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से
जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, कहिए भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर तो झोली मेरी जाने आलम, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का, कुछ नवासों का सदका अता हो, सब कहिए कुछ नवासों सदका अता हो मेरे आका, कुछ नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बन कर सवाले, अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। खुद देते हैं खुद कहते हैं मंगतों का भला हो, खुद देते हैं खुद कहते हैं मंगतों का भला हो, ऐसा सखी दरबार तो देखा नहीं कोई। भर दो झोली मेरे आका, भर दो झोली सल्लल्ला, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्शी थी बंदगी को, अरे आप रू दीन हक की बचा ली, आप रू दीन हक की बचा ली, हाँ चाली। अरे वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, सब कहिए वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा तो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाले। है मुखालिफ जमाना किधर जाए हम, हाल दिल किसको सरकार दिखलाए हम, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली मेरे आका, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आशिके मुस्तफा की अजामे, अल्लाह 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 अल्लाह, हाँ कितना असर था, अल्लाह अल्लाह हाँ कितना असर था। अरश वाले
सुभान अल्लाह अरिश वाले 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 भी सुनते थे जिसको अरिश वाले भी सुनते थे जिसको क्या आजादी आजाने बिलादी तो भर दो झोली मेरी जाने आलम लौट कर मैं बल्कि हम सब लौट कर हम ना जाएंगे आदी माशाल्लाह इमरान भाई सलामत रहिए खुश रहिए खुश रहिए बहुत खूब जनाब एक ब्रेक का वक्त है इमरान भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करेंगे महफिल को चार चांद लगाए हैं आपने ऐसी मकबूल खूबसूरत रूहानी महफिल आपके आने से हो गई क्या बात है जनाब क्या बात है बहुत अल्लाह ताला कबूल फरमाए आमीन इंशाल्लाह आमीन जनाब एक ब्रेक का वक्त हुआ हम छोटी सी ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए आपकी हमारी सबकी लाइव ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वेलकम बैक कहते हैं रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन रंगारंग ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और ये ट्रांसमिशन बड़ी स्पेशल हो जाती है जब आयशा तो है ही इसमें लेकिन बिल्कीस साहिबा जब आती हैं तब बिल्कीस साहिबा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कीस साहिबा आपने जो वो चीजें बताई थी काफी लोगों ने कल की हैं अच्छा किन लोगों ने किए हाँ, इसलिए मेरे कुछ जानने वाले ने बोला कि हम फौरन हाँ, अच्छा मेरे भी कुछ जानने वाले ने फौरन से खुबानी की ना खुबानी क्या था हाँ, खुबानी उसकी वैल्यू बढ़ गई है हाँ, उन सबने बोला खुबानियां लेके आओ कहाँ है ढूंढो और हाँ, जब वो वैल्यू बढ़ा दी आपने खुबानी एक दोस्त ने कहा कि मेरे यहाँ इतने दिनों से रखी हुई थी नहीं खा रहे थे हम लेकिन ये उन्होंने बताया तो फौरन से शरबत बना के पी लिया जबरदस्त चले अच्छी बात है अच्छा आज हम बता रहे हैं कि देखिये नहीं आप वापस सॉरी छोड़ दें वापस आ जाएं आप खुश नहीं हुई ज्यादा इस बात नहीं, नहीं, बहुत ताली क्यों आपने बात हमारी एकदम तारीफ कर टाल के आगे चलो ये ना इनको बीच में अगर बोल दो ना कुछ बताते फिर एकदम सेकंड के लिए भूल जाएंगी और फिर टोको अभी खुद बात को छोड़ के ना कह रही बस आगे बढ़ जाओ अच्छा भाई आप कर ले हम जाते हैं नहीं 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 ये वाली बात नहीं है मैं ये चाह रही थी कि आज की रेसिपी कंप्लीट हो जाए जैसे कभी कभार टाइम हमारे पास बहुत टाइम है फिक्र आपके लिए बहुत टाइम है कोई कॉल है तो हमें कॉल भी दीजिए आप बोलिए क्या बोलेंगे आज क्योंकि बच्चे भी जो है ना रोजे रखते हैं गर्मियों के रोजे हैं थोड़े लंबे रोजे हैं तो उनमें एनर्जी कैसे रहे वो सहरी में ऐसा क्या खाएं तो आज एक एनर्जी ड्रिंक है बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी और जो नकाहत कमज़ोरी महसूस करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं ये इन चीज़ों को जिस तरह मैं बताऊँ इस तरह बना कर रखिएगा और ये आप दूध में डाल के पीजिएगा तो इंशाल्लाह इससे आपको भूख का एहसास कम होगा कल हमने बात की थी प्यास पर आज है भूख पर भूख के एहसास कम होने से ज़्यादा आप अब तवज्जो दें आप एनर्जी पर जी बिल्कुल ये एनर्जी बरकरार है क्योंकि जैसे जब रोजे बढ़ते जाएंगे एनर्जी मैं इसलिए ये सोच रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा आज बताने वाली मेरे आज तीनों बच्चों का माशाल्लाह तीनों का आज रोजा है तो वो घर में अगर सुन रहे हैं तो प्लीज ये गौर कर लीजिए कॉल शामिल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे मैं कॉल लेंगे पहले लाइए जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है अहसन भाई जी मेरे भाई बिल्कुल खैरियत से आप खैरियत से अहसन भाई मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी जी जरूर बताइए आप मुझे ना इस ट्रांसमिशन में रिप्लाई कर नाम लेकर अली हसन मेरा नाम है रहीम यार खान से हूँ अली हसन फ्रॉम रहीम यार खान अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान जी हैं आप खुश रहिए ठीक है आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं सही है बात होगी मुझे लगता है मुझे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई वाह यार क्या बात है थैंक यू बहुत शुक्रिया हमारे शहर में आए कौन से वाले शहर रहीम यार खान में जी जी इंशाल्लाह ये रहीम यार खान
कट गई कॉल ना, देखा बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना जबरदस्त मेरा फैन था ये मेरा भाई। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत शहर है ये रहीम यार खान, पंजाब का बहुत, साउथ पंजाब का, हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा पॉपुलर शहर है। ठीक है जी, बिल्कीस साहिबा जी। जी, इसके लिए क्या करना है, आपने लेना है बादाम। बादाम आप लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब, इसको हल्का सा आपने रोस्ट करना है, उसके बाद इसमें डालेंगे अखरोट। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर अखरोट नहीं डालना चाहे आप नहीं डालें, बादाम भी ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरे पास थे तो मैं ले आई हूँ। दोनों आपने हल्का सा इसको रोस्ट करना है। इसमें मैं डालूँगी, ये भुने हुए चने मिल जाते हैं, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसको मैंने पहले से ही यहाँ पे जो है ना ब्लेंड कर लिया, सिंघाड़े पाउडर मिल जाता है, कैल्शियम का खजाना है। ठीक है, ये मैं इसमें डाल दूँगी, इसको हल्का सा हमें भूनना है। ठीक है, हल्की सी जब ये खुशबू आने लगे तो बस आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको भूनते रहना है। इसमें दो चीज़ें और डालेंगी, ठीक है, ताकि आपके कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं होती, तो उनके निज़ाम हजम को सही करने के लिए आधी टिप सौंफ। खुशबू आ रही है जी, इसमें तकरीबन सौंफ जो है एक से डेढ़ बड़ा चम्मच डलेगा। इसको हमने क्या करना है, हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने भुने चने जो है वो भुने हुए हैं, इसलिए उसको अलग से इसमें नहीं रोस्ट किया। अब मैं इसको ग्राइंड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा ये मैं बताता चलूँ जवेरिया, ये जो उन्होंने चीज़ें शामिल की ये इतनी ज़बरदस्त बेनिफिशियल हैं। ये जो इसमें जो नेचुरल फैट्स भी होते हैं ना, ओमेगा, जब ब्रेन के लिए बहुत ज़बरदस्त फैट्स, और फिर अखरोट ब्रेन के लिए, बादाम बहुत जबरदस्त, सिंघाड़े पाउडर कैल्शियम का, सिंघाड़े पाउडर तो आपकी बॉडी हड्डियों के लिए ब्रिलियंट। अच्छा 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 अच्छा, मिलते बहुत कम है, लोग बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, इनका फायदा नहीं उठाते। हां, कम असल में वो उनको पहले बॉईल करना पड़ता है, फिर उनको अब तो बने बना भी मतलब मिल जाते हैं आपको, पाउडर मिल जाता है आराम से, बस आप हल्का सा रोस्ट करें। पाउडर इजीली कहां से मिलता है, हर पंसार के पास मिल जाता है, बस आपने हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि जितनी भी ताकत की चीजें होती हैं जब आप उसको रखते हैं तो उसमें फिर ना और थोड़े से कीड़े वगैरह भी डालेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल so इसमें बादाम, अखरोट, चना पाउडर, सिंघाड़े और सौंफ बनाया है, सौंफ और जी भून के, ये तो भुने में मिल जाते हैं ना। हल्दी मैं इसमें बिल्कुल डालूंगी, जबरदस्त है, हल्दी मैं इसमें 1/4 टीस्पून से ज्यादा डालूंगी। अच्छा मुझे बताइए, इसका जायका सही हो रहेगा, हल्दी से कोई जायका स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा? टेस्ट तो मजे का होता है, मजे का। ठीक है, इसमें मिक्स हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है, देखिए अच्छा, जैसे हम हल्दी वाला दूध पीते जी, हैं जी, जी, तो जी, ये एनर्जी ड्रिंक आपने बनाया, आप इसको मिल्क में डाल के आप एक कॉल शामिल करते हैं, जितनी देर वो ग्राइंड होगा हम एक कॉल शामिल करते हैं जी, ब्लेंड कर रहे हैं उसको। कॉल में कौन है हमारे साथ? सलाम अलैकुम, मारिया साहिबा, अस्सलाम अलैकुम, नौशहरा से बात कर रही हैं जी। वालेकुम सलाम। जी जी, कैसी खैरियत से आप? खैरियत है, आप कैसे भाई? अल्लाह का बड़ा करम, आपकी दुआ चाहिए बहन, आप खैरियत से हैं? रोज़े खैरियत से हैं। हम पूछ रहे हैं कि मेरी नानी की शुगर है। ठीक है, बहुत हाई हो जाती है शुगर या लो होती है शुगर? हाई हो जाती है, और ब्लड प्रेशर का मसला भी है, वो भी हाई हो जाती है। किस चीज का? ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी, इसी वजह से दोनों हाई हो जाते हैं और बेहोश पड़ जाती है। कोई दवा ले रही है वो रेगुलर क्या? जी वो डॉक्टर से इलाज करवाती है लेकिन शुगर की दवा ले ले रही। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको शुगर का बहुत अच्छा एक इलाज बताते हैं डायबिटीज का, लेकिन सबसे पहला इलाज उसका ये है कि अपनी खुराक में एहतियात और उसके साथ साथ वॉक या कोई वर्जिश हल्की फुल्की सी, अपने आप को एक्टिव करना। लोग अक्सर बड़ी उम्र में बिल्कुल बैठ जाते हैं और हिलते चुलते नहीं, थोड़ी सी एक्टिवेशन, एक्टिव रहने से आप सेहतमंद रहते हैं, ये उनको जरूर बताइएगा। बिल्कीस साहिबा बहुत शुक्रिया मेरी बहन। बिल्कीस साहिबा, शुगर का क्या आप? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, शुगर के लिए वॉक करना, खुराक जो है उसकी भी, कि आपने शुगरी चीज़ें नहीं लेनी। एक हम थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं कि हम गंदम की रोटी खाते हैं, अगर आप एक चपाती भी खा रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच आपको चीनी मिलता है। तो शुगर पेशेंट के लिए कि गंदम की रोटी ना खाएं, जौ की रोटी खाएं। ठीक है, वॉक आपने करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, जैतून का तेल, और आपने कहा कि उनको ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, तो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ। आपने लेना है जैतून का तेल 1 चम्मच, 1 चम्मच आपने लेना है इसबगोल की भूसी, उसमें डालना है आधा कप पानी, गर्म पानी, ये रोज़ाना रात सोने से पहले पीजिएगा। एक बूटी आती है जिसका नाम है गुड़ मार बूटी, जब आप ग़िज़ा खाएं तो उसके ऊपर कहवे के तौर पर इसके 2 पत्ते लेके इसको क्रश करके पहले कप में रखें, उस पर खौलता गर्म पानी डालें,
उसके बाद खानों के साथ पीजिए या खानों के फौरन बाद पीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आप वही हैं जो आप खाते हो। आपकी सेहत का दारोमदार आपके खाने पर, आपकी सोच, क्योंकि स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो ये, और नमकियात कम कर दें। नमक आपने लेना है तो आप पिंक सॉल्ट जो है उसका इस्तेमाल करें, और चीनी का इस्तेमाल भी कम करें, क्योंकि चीनी वाली जितनी भी चीज़ें, शुगरी चीज़ें आप लोगे, आपका इंसुलिन रेस्ट करेगा, तो आपके लिए सही नहीं है। और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन की जो बिल्कीस साहब ने बात की ना, वो बड़ी पते की बात की है। गौर से सुनने वाली बात है कि रोटी जो है, जो गंदम की रोटी या और भी जो आप फूड इनटेक करते हैं, वो एंड ऑफ द डे वो बनते हैं शुगर्स बॉडी में। कार्ब्स जो होते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, आपकी शुगर लेवल रेज हो जाती है। तो आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत एहतियात इसमें अकलमंदी के साथ इस्तेमाल करेंगे चीज़ें, तो शुगर लेवल थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, एक आप एक दाना कोई आप भिगो के, आप बोलती थी बिल्की साहिबा कि सुबह पानी में आप भिगो दें कुछ मेथी दाना। हाँ। अच्छा, मेथी दाने के साथ क्या करते हैं कि मेथी दाना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन क्या करते हैं हम, मैं मिसाल आपको दे रही हूँ, ये समझे, मेथी दाना ऐसे उठाया और ये डाल दिया, इतना सारा नहीं कर आपने इस्तेमाल करना। आपने सिर्फ 2 से 3 मेथी दाने या 4 या 5 मेथी दाने को भिगो कर इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा मेथी दाना जो है वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, वो शुगर को एकदम से गिरा देगा। अच्छा, और फिर एक और काम करते हैं, वैसे तो वो मछली का नेमुल बदल है, लेकिन जो मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस तरह भर भर के खाते हैं, उनकी बॉडी जो है ना मांस को छोड़ देती है, फिर उनकी बॉडी बहुत लूज हो जाती है, फैट्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो ये भी ना कीजिए। ठीक है। अच्छा, एक फैट से याद आया, मुझे कल एक सवाल आया कि कुछ लोग जीरे का बोलते हैं कि उसका पानी जीरे में भिगो के अगर सुबह पीते हैं एम्प्टी स्टमक, तो वो आपकी फैट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी आपको थोड़ा दुबला करने में फायदेमंद है। तो वो क्या काला जीरा होता है, क्या होता है? सफेद जीरा बहुत अच्छा होता है, उसको ये बताइए। सफेद जीरे को पहले आप भी सकते हैं रोस्ट कर लें हल्का सा। ठीक है। रोस्ट करने के बाद 1 चम्मच लिया आपने, 1 कप पानी में भिगो दिया, तो ये जीरे वाला पानी कहलाता है। चाहे तो इसमें लेमन और पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं। आप ये सुबह पीना शुरू कर दें तो ये यूटीआई के मसाइल होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जितने होते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, और अगर पेट की गर्मी है उसको भी कम करने में आपकी मदद करेगी। और दूसरी बात, इसमें आयरन बहुत होता है, तो आपकी डेली डोज की आयरन जो 20% है वो आपको इस जीरे वाले पानी से मिल जाएगा, अगर आपने इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाला है तो। ठीक है, बल्कि सब ओल्ड एज में जरा ज्यादा यूटीआई के इश्यूज होते हैं, मर्दों में भी खवातीन में बहुत ज्यादा, उसमें भी ये यूज कर सकते हैं? जी, उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोस्टेट की तरफ जा रहे हैं और मेल की बात हम कर रहे हैं, तो फिर इसके साथ जो है अनार का छिलका भी आप जरूर डालें। प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए क्या बेहतरीन चीज है जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? अनार का छिलका। अनार का छिलका किस तरह? अनार का छिलका आपने लेना है, 1.5 इंच का टुकड़ा, उसको 1.5 कप पानी में इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए, तो ये आपके 1 वक्त का कहवा बन गया। आपने ऐसे 2 कहवे आपने लेना है। और सबल, अब सबल सरोटा एक फल है जिसकी होम्योपैथिक में दवा बनती है, और ये फल इसका जो मतलब कि अब ये इसके पाउडर के तौर पे भी मिल जाता है, और आप ये जो है 1 चम्मच 1 कप पानी में डालकर इसका कहवा बनाएं या फांक कर खा लें, तो इससे प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, बताइए बल्कि जी। देखिए ये बन गया है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ चम्मच। अच्छा, आप भी आ जाइए, मैं आपको इशारा इसलिए कर रहा था, आप भी हमारे पास आ जाइए। ये देखिए ये बन गया, आपने इसको किसी एयर टाइट जार में भरकर इसको रखना है। इसमें से 1 बड़ा चम्मच लेना है, और आप बच्चों को भी दूध में डाल के दीजिए। तो हम बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्ड चीज़ें जो है ना मार्केट से ख़रीद के देते हैं, तो ये आपको पता है आपके सामने बना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। एयर टाइट जार में फ्रिज में रखना है, और ये रोज़ाना दूध में डाल के दीजिए, तो इंशाल्लाह रमजान सहल होगा। आगे जो है ना हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये एनर्जी पाउडर आप लोग घर में बना के। मैं समझता हूँ ये इतना जबरदस्त है, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, अगर मतलब कि हल्का सा दूर से भी, मतलब बच्चों को है ना, बिल्कुल बच्चों को जो है जी। अरे वाह,
से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। पंजीरी कहते हैं क्या? हल्का सा उसका, हल्का सा आ जाता है। वेरी नाइस बल्कि साहब, थैंक यू सो मच, आपने जबरदस्त आज हमें बताए। ये तो बड़ा एक अच्छा, ये बड़े लोग भी पी सकते हैं जी? बिल्कुल पी सकते हैं, मतलब मेरे जैसे बच्चे तो पी लेंगे लेकिन बड़े लोग भी जी बिल्कुल, आप जैसे बच्चे और हम जैसे बड़े भी पी सकते हैं। ठीक है जी, आयशा के कुछ पॉइंटर्स हैं सेवन अप के, आयशा आप भी जी, जी। जनाब सेवन अप पे भी हम आएंगे, और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जब इतनी सारी चीजें, आप जाहिर सी बात है इतनी अच्छी चीज बनाई है आपने, पर थोड़ा सा ये होता है कि इधर उधर जब चीजें बिखर जाती हैं और फिर जल्दी जल्दी से बर्तन समेटने होते हैं, बर्तनों को धोना होता है, तो जनाब क्या आपके काम आता है? आता है आपके काम लेमन मैक्स, और खवातीन का या फिर उन तमाम लोगों का जो घर पे बर्तन होते हैं उनका बहुत ही बेहतरीन एक दोस्त है। इसमें तीन गुना ज़्यादा ताकत है किसी भी जली जमी चिकनाई को हटाने की, खुरचन को हटाने की, ग्रीस कटिंग पावर बहुत ज़्यादा है इसमें, तो यानी कम मेहनत में बहुत जल्दी से काम हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आप वो इंसान हैं जिनको जेल वाला रखना पसंद है अपने घर में बर्तन धोने के लिए, मैं पर्सनली मुझे जेल बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ एक ड्रॉप से बहुत सारे बर्तन धुल जाते हैं। इसके अलावा जो है वो बार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, साथ साथ ये जो पेस्ट वाला टब है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मज़े की बात यह है कि जब ये टब ख़त्म हो जाए तो या तो आप इसी में कोई आपने ये बार रख दी, या फिर आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ इस पंच की मदद से, स्क्रब की मदद से आप अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से बर्तन धो सकते हैं, और रमज़ान आपका हो जाएगा बहुत ही आसान। तो इस आसान आसान रमज़ान में पहले तो जनाब धुल गए अच्छे से बर्तन और किचन जो है वो बिल्कुल जगमगाने लग गया, और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद होगा जनाब जब खाने की टेबल लग जाती है, तो मेरे घर में पर्सनली एक हमेशा एक आवाज़ आती है कि अच्छा सेवन अप कहाँ है, क्योंकि जब आप बिल्कुल खाने शुरू कर देती हैं और सारी कटलरी भी रखी होती है, बट कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जनाब वो खाना और ज़्यादा मज़े का कैसे लगेगा। तो सेवन अप के साथ अगर आप दिल की बातें करें फैमिली के साथ, अफ्तार में एक दूसरे के साथ दिन डिस्कस करें कैसा गुजरा, क्या किया, और साथ साथ सेवन अप का इस्तेमाल करें, तो चार चांद लग जाएंगे आपके अफ्तार में। और सेवन अप में अगर बहुत सारा लेमन आप मिलाएं तो एकदम से जो आपको एक विटामिन सी का बूस्ट मिलता है उससे भी बड़ा मज़ा आएगा, बहुत सारी परव, बहुत सारा सेवन अप। तो ये है जनाब, हम ऐसे करते हैं अपना इफ्तार इंजॉय, एंड आई होप कि आप भी ऐसे ही करें। वेरी नाइस, थैंक यू आयशा। एक कॉल शामिल करेंगे जनाब कॉल पे, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन भाई, क्या हाल हैं? जी हसनैन भाई, आप कैसे हैं? मुल्तान से बात कर रहे हैं आप हसनैन साहब? जी जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम, आपकी दुआएं। रमजान कैसे गुजर रहे हैं आपके भाई? माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, आप सुनाए। और बल्कि साहब से सवाल करना, सवाल करें, बिल्कुल कीजिए, सवाल कीजिए जी, बल्कि फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो ना सिस्टर की एक मतलब था, वो पूछना था आपसे, वो ना उनकी जुबान पे ना ब्लैक कलर से ना दाने लग गए हैं। क्या लग गए जी? वो सिस्टर की जुबान पे ना ब्लैक कलर के ना वो दाने होते हैं ना, जो छाले, छाले नुमा दाने के। अच्छा एक छाले नुमा, अच्छा वो छाले क्या जलन भी करते हैं, दर्द करते हैं, या किस तरह के? जी सालन नहीं खा सकती, वो मिर्चें लगती हैं। अच्छा देखिए सबसे पहले तो जो पाँव की वो उंगलियां है ना, वो उनके दरमियान वाली जो जगह आती है वो भी रेड हो जाती है, वो भी खराब हुई थी। अच्छा देखिए आपने कहा है कि जबान पे काले दाने हो रहे हैं, तो ये आंतों की सोजिश के लिए इशारा करते हैं, जबान काली होने लगती है और जो है उसमें दाने आने लगते हैं। अगर ब्लिस्टर्स बन रहे हैं जैसे छाले बन रहे हैं, तो उसके लिए फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है कि आप फॉलिक एसिड डॉक्टर से कहें ताकि फॉलिक एसिड आपको दें। फॉलिक एसिड को हज़म करने के लिए वाइटामिन डी बहुत ज़रूरी है, तो वाइटामिन डी भी चेक कराएं कि वाइटामिन डी कम तो नहीं है। घर का नुस्खा ये है कि आप नारियल का पानी ज़रूर उसे दीजिए, और नारियल का पानी जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और कल मैंने खुबानी वाली रेसिपी बताई है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, कुछ नहीं कर सकते। 3 से 4 खुबानी रात को भिगोइए और सुबह लीजिए, ये नेचुरल सोर्स ऑफ फोलेट है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अगर कब्ज़ वगैरह है तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ हो तो भी जो है मुँह में जो जिस तरह आप बता रहे हैं छाले या दानों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और नाफ में रोज़ाना सोने से पहले कैस्टर ऑयल ज़रूर डालें। और अगर ज़बान पे इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है, लाइकन प्लेनस भी हो सकता है जो काले दाने बन जाते हैं या गाल के अंदर भी हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर विज़िट कीजिए। ये सेफ़ रेमेडीज़ हैं, आप कीजिएगा लेकिन डॉक्टर को विज़िट ज़रूर कीजिएगा।
बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताइए, जब बच्चे हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उसका क्या इलाज है? कई बच्चे, जैसे सामने दो बच्चे बैठे हमारे प्यारे प्यारे मैं अगर ये ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो उनको जरा कम वापस कैसे लाया जाता है? उसका तो कोई इलाज नहीं है? नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है जी, आए इधर आए जी, दोनों बच्चे इधर आए हमारे साथ, ब्रेक लेते ना, सामने आ जाए, आए जी आए जी। ये बच्चे हमारे हमारे ना सेट पे शामिल होते रहते हैं, रौनक है, कोई ना कोई आता है जाता है। हाँ जी, क्या हाल है? रोजे बताएं कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के? अच्छे जा रहे हैं? रोजा रखा है? और क्या चीज, भूख लगती है, प्यास ज्यादा लगती है? माइक चल रहा है जी? प्यास ज्यादा लगती है, भूख कुछ भी नहीं? सही है, रोजा लगता ही नहीं, पता नहीं चलता। चलो माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप बताएं जी, रोजे कैसे गुजरते हैं? अच्छे अच्छे। शौक होता है रोजे रखने का ज्यादा? ज्यादा मजा आता है रोजों में? क्या सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है रमजान में? अफतारी, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अच्छी अफतारी लगती मुझे है। मुझे भी सबसे ज्यादा अच्छी अफतारी लगती है। जवेरिया तो जब यहाँ पे बजते हैं ना चार या साढ़े चार, तो जवेरिया फौरन अफतारी का सोचने लगती हैं और वहाँ पहुंच जाती हैं कि मैं कब घर जाऊंगी। साउथ जो है वो इनके आगे ट्रे सजा रहे होते हैं, ये मैं बता दूं। सजवा रहे होते हैं कि हमारे सर्वेंट्स हैं काम करने के लिए। साउथ भी सजा लेंगे तो क्या हो गया? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते। अब आप भी नहीं करती, वो भी नहीं करते, तो पानी भी नहीं पीते। उठ के वो कहते पानी है, जब वो फ्रिज खोलते हैं ना पानी के लिए, तो वो इतनी जोर से फ्रिज खोलते हैं कि जितनी जालियां सब नीचे गिर चुकी होती हैं। तो आपने कहा कि काम ना ही करो भाई, रुक जाओ, आप रहने दे। वो ऐसे यूं करके फ्रिज खोलते हैं, ऊपर का गुलदार भी नीचे आ जाता है। अल्लाह हू अकबर। तो मैं कहती हूं आप बैठे रहे, हम आपको पानी दे देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, सिलसिला जारी है। खालिद अनम साहब और शीश भी हमारे साथ शामिल होंगे, बड़ी जबरदस्त बच्चों के लिए। इमरान अलहक कल्याणवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि बहुत से वज़ाइफ हैं मेरे पास, ऑलरेडी उनके लिए बहुत सवाल आ चुके हैं हमारे भाइयों के। आप ट्यून रहिएगा, हम आपके सवाल आत लेंगे ताकि इमरान भाई हमें ज़बरदस्त वजीफा बता सके। जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। इमरान उल हक कल्याणवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और बहुत से लोग जो हैं वो कल जब उन्होंने हमारा ये सेगमेंट देखा तो मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स मेरे इंस्टाग्राम पे, खान एहसन ऑफिशियल जो इंस्टाग्राम है, उस पर मुझे लोगों ने रब्ता किया और बहुत से मैसेजेस किए, कुछ सवालात हैं जो आपसे करना चाहते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, असर की अजान का वक्त है और कुछ वक्त है, बीच में हम ब्रेक लेंगे अजान असर के लिए, लेकिन इमरान भाई सबसे पहले मैं ये आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो कि लोग बार बार पूछते हैं। कई मरतबा लोग वहम करते हैं, कई मरतबा सच होता है, कई मरतबा आँखों से देख के आप हैरान होते हैं कि क्या ये ज़िंदगी में वाकई हो जाता है। ये जो एक दूसरे पे जादू कर देना, कुछ अमल कर देना, किसी पर सहर हो जाना, इसकी हकीकत क्या है, मुझे ज़रा आप आज ये समझाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जादू करना ये एक पुराना अमल चला आ रहा है, आज का नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना, किसी को इतना टाइम कहाँ से मिल जाता है कि वो हम पे जादू करवाए, फुर्सत किसके पास है इतनी। लेकिन लोग बड़े फारिग हैं इन कामों के लिए, करने वाले भी मौजूद हैं, करवाने वाले भी मौजूद हैं। और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो ज़माना कुरान करीम में मज़कूर है, उसमें तो बहुत वाज़े तौर पे वो चीज़ें जिक्र की गई हैं कि उस ज़माने में तो इंतहाई पीक पर ये अमल था कि लोग हद से ज़्यादा बड़े बड़े अमलियात और जादू करवाते थे। फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन से मुकाबला हुआ, तो ज़ाहिर सारे जादूगर इकट्ठे फ़िरौन ने किए थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करवाया था, और वो रस्सियाँ जो थी उसने दिखाया था कि जो सांप के अंदर तब्दील हो गई। अल्लाह रब्बे करीम ने फिर उनके मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गलबा अता फरमाया, उनका आस्था जो अजदा बन गया। तो ये तो एक बरहक चीज़ है कि कुछ पावर्स रूहानी, कुछ शैतानी, दोनों अल्लाह पाक ने दिए हैं, दोनों का मुकाबला रहेगा। तो जादू होता रहा पास्ट में भी और अभी भी होता है, लोग करवाने वाले करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम किस तरह इसके असर को ख़त्म किया जाए, क्या अमल होना चाहिए, क्या निशानियाँ हैं कि ये हुआ है या नहीं है या वहम है, इस पे बात तो करेंगे, लेकिन अजान असर का वक्त है और मैं चाहूँगा तमाम जितने लोग सुन रहे हैं बहुत ही एहतराम अकीदत से अजान सुने और नमाज भी अदा करें। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين جزاك الله ما شاء الله اچھا جناب جی بالکل जैसे जादू का तो जादू तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किया गया था और उस वक्त वो सूरत नाजिल हुई थी सूरह फलक और सूरह नास सही तो मेरे आपको क्या लगता है कि सूरह फलक और नास के अलावा भी हमें कुछ पढ़ना चाहिए इसके लिए जी वैसे तो सूरह फलक और नास ना सबसे बेस्ट हैं और ये अल्लाह ताला के हर काम में एक हिकमत होती है ना तो अल्लाह रब्बुल करीम ने मुअव्वज़तैन की सूरत में हमें तोहफ़ा अता फरमा दिया उसके अंदर बड़े प्यारे जुमले भी शात फरमा दिए कि हर किस्म की विलाई शैतानी लोग हसद करने वाले इन सब से पनाह मांग ली जाए और उसको कसरत से पढ़ा जाए अच्छा इसका कुछ ख़ास तरीके भी होते हैं पढ़ने के जिसकी वजह से मालूम हो जाता है कि जादू निकल रहा है ख़ासतौर पर कोई किसी किस्म के फिज़िकली कोई खिलाने पिलाने में जादू कर दिया गया हो ना तो वो सूरह फातिहा सूरह बकरा का पहला रुकू और आयतुल कुर्सी और फिर आखिरी रुकू ये पढ़ लिया जाए फिर सूरह फलक और नास दस दस मरतबा पढ़ के पानी भी दम करके जिस पर शुबा उसका जादू का उसको पिला दिया जाए तो उसको घंटे दो घंटे के अंदर या तो वॉमिटिंग होती है या मोशन या पसीने आते हैं अच्छा। और उससे उसके अंदर का जादू का असरात निकलने लग जाते हैं निशानी है बाकी जी ठीक है जनाब हमें पीटीवी न्यूज़ की हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने भी ज्वाइन किया है मैं उनको भी वेलकम कहना चाहूँगा रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं और ये बड़ा ही हमारा स्पेशल रूहानी सेगमेंट जिसको हम कहते हैं कि आप लोग जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं देख रहे हैं अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन लाइन्स भी है अगर कोई मुस्तनद सवाल है तो हम फ़ोन आपका यहाँ लाइव ले सकते हैं इमरान भाई हमें बता रहे हैं फिर बताएं जी जादू के बारे में कुछ बयान फरमा रहे हैं जी तो जादू सबसे ज्यादा हलाक करने वाली चीज होती है शुरू में आपने जिक्र किया था जादू होता भी नहीं होता तो जादू एग्जिस्ट करता है बरहक होने का मतलब ये नहीं वो राइट है हक है बरहक का मतलब है कि हाँ जादू की एक हकीकत मौजूद है इमरान भाई ऐसा भी होता है कि आप हम लोग बहुत कुछ लोग वहम ज्यादा कर लेते हैं और ये चीज हो जाती है देखिए वहम एक अपनी जगह चीज़ है वो तो हर चीज़ में हो सकता है बीमारी का वहम भी हो सकता है कि बैठा बैठा इंसान कहता है कि जी मेरी ब्लड प्रेशर हो रहा है और होना शुरू हो जाता है तो वो तो उसका कोई इलाज नहीं है वो तो वहमी मरीज को हर चीज़ का होता है लेकिन एक एक्चुअल में भी जादू होता है कि बंदा नज़र आ रहा है कि भाई अच्छा खासा हट्टा घट्टा उसको कैंसर हो गया और कोई बिल्कुल ठीक ठाक बंदा चलता जा रहा अपनी जॉब पर जा रहा हार्ट अटैक हो गया उसको या कोई भी ऐसी चीज़ पेश आ जाती है इवन ये फिजिकली के अलावा फाइनेंशियली भी फाइनेंशियली तो बहुत सबसे ज्यादा होता है भी फाइनेंशियली तो ठीक ठाक अच्छा खासे रोज रोजी बंद की जाती है लोग कहते हैं ना बंदिश कैसे करवा सकते हैं मुझे एक बात ये समझाएं कि तो लोगों के पास इतना वक्त कहां से मिलता है और फिर इस तरह के आमिल
ये जो हरकतें करते हैं ये कहाँ, मतलब एक बड़ी पॉसिबल सी बात। ये इल्म तो है ना, लोगों ने सीखे हुए, कुछ अच्छी तरीके के लिए यूज करते हैं, कुछ उसको बुरे तरीके के लिए। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हम इसका इलाज करें कि हर रोज ऐसे लोग सुन रहे हैं? बता तो रहे हैं, वही मैंने कहा दोबारा बता दें, छोटी टिप्स बहुत सारी हैं, पहले वाली जरा दोबारा बता दें, मुझे वो जरा अच्छी लग रही थी। तो मुख्तलिफ पैकेजेस के भी जो ना, ना अच्छा लग रहा है। आप पैकेजेस फॉर फ्री है ना आपके? अच्छा, कॉल शामिल करते हैं एक मिनट, फिर इसकी बात कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात? यूनुस साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, लोधरा से बात कर रहे हैं। जी जनाब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? हमारी अम्मी को सर दिल का मसला है। किसका? दिल की तकलीफ है सर। दिल की ठीक है जी सर। ठीक है जी, तो आप उसके लिए दुआ चाह रहे हैं कि इमरान भाई से कोई वजीफा लेना चाह रहे हैं आप? जी सर। ठीक है जी इमरान भाई। अच्छा, दिल के लिए भी बता दूं, हर नमाज के बाद 7 मरतबा या कवियू या कवियू या कवियू पढ़ के हाथ पे दम करें और वो हाथ अपने सीने पे दिल पे रख लें। हाँ, तो दिल के जितने भी अमराज हैं इंशाल्लाह जिस्मानी अमराज और रूहानी अमराज वो दूर हो जाएंगे। और दूसरा पूछ रही थी उसके जादू खत्म करने का तरीका ना, एक तो वो बताया मैंने, वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सूरह फातिहा एक बार तो कम से कम पढ़ लें, एक बार सूरह फातिहा, सूरह बकरा का पहला रुकू, आयतुल कुर्सी, फिर सूरह बकरा का आखिरी रुकू, फिर सूरह फलक और नास 10-10 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके पी लिया जाए। हाँ। तो उससे वोमिटिंग वगैरह होकर वो जादू का असर निकल जाता है। और दूसरा जो मैंने कहा ना कि इसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं, अगर किसी को ज़्यादा सीवियरिटी महसूस हो रही है, जो वो फील कर रहा है कि बहुत ज़्यादा डल हो गया, बिल्कुल बीमार चल रहा है, या उस पर जिन्नात के शैतानी असरात महसूस हो रहे हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार सूरह मुज़म्मिल और 7 बार आयतुल कुर्सी और 7 बार सूरह फलक और नास ही पढ़ के एक पानी में दम कर लिया जाए, उसको अच्छी तरह गर्म किया जाए और फिर उसको सामने रख के उसकी स्टीम ली जाए, पूरी चादर ओढ़ लें। अच्छा। हाँ, और उसकी स्टीम ली जाए, भाप ली जाए, तो उससे एकदम जब भाप जाती है बॉडी पे लगती है तो वो शैतानी असरात एकदम पिघल के निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बंदा रिलैक्स हो जाता है। जी एक कॉल ले लें, जब कॉल शामिल कर दें। कॉल में कौन है जी हमारे साथ? सना साहिबा है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जी जी भैया, आप क्या पूछ रहे? मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जिनसे उनको डर होता है कि ये हम पर जादू करते हैं या हमारे दुश्मन हैं, उनसे मिलना छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग उन पर जादू कर सकते हैं, तो वो किस तरीके से होता है? अच्छा, एक तो ये बात है कि जहन में रखें, अक्सर मेरे पास भी इलाज के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि अभी बता देंगे जादू किसने किया ताकि हम उससे बचें। अब उसके अंदर सगे सगे रिश्तेदारों पर शक कर रहे होते हैं, शुभ कर रहे होते हैं, तो मेरी अक्सर एडवाइस उनकी होती है कि देखें इस्लाम तो मिलाना चाहता है। हाँ। मिलकर रहें, सिर्फ गुमान की वजह से अपना ख्याल कर लेना कि ये जादू करवा रहा होगा ये तो सही नहीं है, जब तक कि बिल्कुल यकीन से ना पता, और यकीन का इल्म किसी के पास होता नहीं है, सिर्फ शुभ शुभ में रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है रिश्ते ख़त्म करना। बाकी ये कि अगर कोई जादू करवा रहा है वाकईतन उससे वहम है, उस वहम को यकीनी सूरत में कोई तब्दील नहीं कर सकता, तो वाइड मैं कहता हूँ फिर भी नहीं करना चाहिए, आदमी अपने सिक्योरिटी रखे, पढ़ा के रखे। दूसरी एक छोटा सा जो इसका तरीका है बचने बचाने का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और खुद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये दो चीज़ें जो हैं ये खुद भी बड़ी पावरफुल चीज़ें हैं। अच्छा। इससे चलते फिरते फिरते किया जाए, इससे भी शैतानी असरात। ठीक है, माजद मैं इसलिए अपने मोबाइल में देख रहा था क्योंकि मुझे कल भी रात मैसेजेस आए और मैंने उनको जवाब तो नहीं दिया लेकिन मैसेजेस पढ़ लिया और मुझे याद रहा कि मैं आपसे वो सवाल कर लूँ। आई होप कि वो इस वक्त शो देख रही हैं, एक खातून हैं जिनका सवाल था और एक साहब हैं जिनका सवाल था। खातून का ये है कि सुस्ती जो है वो चाहती हैं बहुत कुछ करना, वो चाहती हैं कि मैं उनको आता भी सब कुछ करना, लेकिन वो रोज़ प्लान करती है तो साइकोलॉजिकल या तो ये इशू या फिज़िकल इशू है कि वो बहुत लेज़ी, बहुत सुस्त और बिल्कुल उनका जी नहीं करता और हर रोज़ काम शुरू करने से पहले ही वो छोड़ देती हैं और ये उनके एक मामूल बन चुका है। वो कह रही है इसके लिए मुझे कोई वजीफ़ा दीजिए ताकि मेरे अंदर कोई चुस्ती आए, कोई मैं काम भाग भाग के करूं। जी ठीक है, हफ्ते में एक दफ़ा ये दौरा तो खैर हम में सबको हर एक को पड़ता है सुस्त होने का, ये तो बात सही है, सबका ही दिल करता है कि लेजी हो जाएं सारे। जिस तरह खाने पीने में चीट डे होता है ना, सर सुस्ती का भी चीट डे होता है, इंसान कहता है कुछ भी ना करो बस वेले पड़े रहो, तो बहरहाल लेकिन रेगुलर ऐसा होना ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये एक तो होता है सिर्फ तारी कर लेने पर कि मैं सुस्त हूँ, ये एक वो चीज़ ना हो, वाकईतन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे कोई ऐसे भी असरात होते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाते। अच्छा। उनके हाथों से चीज़ें गिर रही होती हैं, चीज़ें उठाना चाह रहे गिर रही हैं, खुद नहीं खड़े हो पा रहे, चक्कर आ रहे हैं उनको, अगर इस तरह की कंडीशन है कैफियत है तो ऐसी सूरत के अंदर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये जो रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ के सुबह शाम अपने ऊपर दम करें, पानी भी दम करके पिएँ, तो इंशाल्लाह इसके जरिए से भी इनके पसीने और यूरिन के जरिए से ऐसी चीज़ें निकलेंगी तो इनको चुस्ती आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक और साहब है उन्होंने मैसेज किया कि उनकी औलाद नहीं हो रही, तकरीबन 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं और उन्होंने जब इलाज अपना और अपनी बेगम का जब कराने की कोशिश की तो उनमें प्रॉब्लम है,
वैसे वो फिजिकली बिल्कुल फिट है लेकिन औलाद नहीं हो रही, तो उसके लिए कोई दुआ? वो कहते हैं अक्सर खवातीन को दुआएं मिलती हैं, हमारे लिए क्या है ये बताइए। हाँ ठीक है, माशाल्लाह इसमें भी अल्लाह पाक ने बड़ी तासीर रखी और अल्लाह के फजल व करम से 4-5 साल से बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रूहानी इलाज करवाया, मुझसे पढ़ने का पूछा, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने कम अज़ कम मेरे ऐसे पेशेंट समझे 35 से 40 तक होंगे जिनको अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाया, एतकाद की बात भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो उसके अंदर बहुत सारे वैसे वजीफे हैं लेकिन मुख्तसर से बताता हूँ फिलहाल कि एक तो ये है कि सूरह अलक की जो आयतें 5 जो तालीम के लिए भी मैंने कल बताया थी, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इसमें तख्लीक के इंसानियत का पूरा जिक्र 5 आयतों में, खलक अल इंसान मिन अलक, इक़्रा रब्बुका अकरम अल्लज़ी अल्लमा अल क़लम अल्लमा अल इंसान मा लम यअलम, ये आयतें 5 ये खुद खातून या मर्द दोनों पढ़ सकते हैं। अच्छा। पढ़ के जितनी मरतबे 11-21 खासतौर पर रमज़ान में तो बहुत ताकीद करता हूँ कि रमज़ान की रातों में पढ़ें तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से औलाद होगी। और दूसरी सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसमें चूंकि अल्लाह की विलादत किसी से होने की नफ़ी की गई है, ठीक है, और वो अल्लाह के अंदर खुदा ना खासा ऐब शुमार होता है, इंसान के लिए खूबी है। इस नियत से अगर पढ़ा जाए तो मुझे याद है मेरे बहुत से मुअक्किद उनको मैंने बताया अमल उन्होंने किया तो माशाल्लाह कहाँ तो उनके 5-6 साल तक एक औलाद भी नहीं थी और माशाल्लाह 4-4 बेटे उनके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इस अकीदे से पढ़ें इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक तो औलाद से बेनियाज है, हम मोहताज हैं, अल्लाह जरूर औलाद अता फरमाएगा। ठीक है जी, एक कॉल शामिल करते हैं जनाब, डीजी खान से कॉल है, कौन बात कर रहे हैं? डीजी खान मेरा इलाका। डीजी खान आपका इलाका? मैं सराय की हूं ना, तो मेरा इलाका। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, सराय के च बोले वो। हेलो हेलो मैं को नहीं आंदी, जवेरिया को आंदी है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक है जी, वो नाराज हो गए, वो मेरे मुझे अच्छा नहीं लगा उनको कि मैं वहीं से हूं। अच्छा, जी जी फिर आवाज आ रही है जी, बोलिए जी। जी अमीर उमर बात कर रहा हूं डेरा मिल खान से। जी अमीर उमर भाई बोलिए जनाब, क्या पूछेंगे? हमारी जॉब वगैरह नहीं लग रही, हम बहुत अरसे से ट्राई कर रहे हैं, कोई वजीफा वगैरह बता दे तो। ठीक है, जॉब का क्या मतलब, आप पहले नौकरी कर रहे थे कहीं पे क्या, वो चली गई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मिल नहीं रही। ठीक है जी, जॉब मिल नहीं रही, ये तो बहुत लोगों की मसले मसाइल हैं, अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। इमरान भाई से पूछते हैं। जी इमरान भाई, क्या रिस्क के लिए तो आप हर बंदा ही परेशान है आजकल के नौकरियों के लिए, तो बच्चे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों या कोई भी किसी भी किस्म की, आजकल तो फुकदान है बेरोजगारी की वजह से परेशानी है। उसके मुख्तलिफ वजीफे आज की नशिस्त में बताता हूँ कि एक तो 12वें पारे की पहली आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। तो फिर सुन लें 12वें पारे की पहली लाइन जो है ना, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा से लेके एंड तक, इसको आप रमज़ान की रातों में या सहरी के वक्त में या इफ्तार के वक्त में या तरावी के बाद जब भी मौका हो उस वक्त इन आयतों को कम से कम 11 मरतबा 21 मरतबा 41 मरतबा पाबंदी से पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जॉब भी अता फरमाएंगे और रिस्क भी अता फरमाएंगे, मुख्तलिफ तरीके रिस्क इंशाअल्लाह घर से अता होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी इमरान भाई, एक और मैं जाते जाते सवाल के लिए, मैं ब्रेक पे जाना है तो एक सवाल बहुत ज़रूरी है, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात और बातचीत होगी। सवाल ये था जो कि मैं कहीं खो गया सवाल, उनकी 3 साहबजादियाँ और जिनकी 25, 24 और 21 साल उम्र है, और वो कह रही कि क्योंकि जब हमारे यहाँ पे 23-24 साल की बच्चियाँ होती तो हमारी कोशिश होती कि उनकी शादी कर दी जाए, भले वो पढ़ रही हैं कहती, लेकिन एक दो मर्तबा रिश्ते की बात भी हुई, किसी से बात चली भी, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे कोई रुकावट है, यानी कोई बात ही नहीं, कोई पैगाम ही नहीं, कोई सिलसिला ही आगे नहीं बढ़ता, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों को? बिल्कुल होती है, ठीक ठाक प्रॉब्लम होती है, रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छा ये क्या है? बंदिश करते हैं ना, बंदिश करते हैं। तो इसके अंदर ही बहरहाल एक अमल बता देता हूँ, जितनी भी हमारी फैमिलीज देख रही हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो उसके लिहाज से एक तो मैं अमल बताता हूँ कि कुछ हस्तियों की नस्बत से वसीरे से अल्लाह ताला बड़ा नवाजते हैं। तो एक अमल ये है कि एक पर्ची पे जिसका रिश्ता मतलूब है, लड़की या लड़का जो भी हो, क्योंकि लड़कों के रिश्ते की प्रॉब्लम भी है, नहीं सिर्फ लड़कियों की होती है, आजकल तो लड़कों के रिश्ते भी आसानी से नहीं मिलते, तो नाम लिखें पहले, जैसे हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राइट साइड पे, ठीक है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें, सईद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी, फिर आगे हजरत सईदा बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम उनके, ठीक है, ये एक प्यारा सा कपल दुनिया को हो गया, उनके नीचे हजरत मौलाए कायनात हजरत सईद जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है, उनके इस्मे ग्रामी, और उनके नाम के साथ हजरत बीबी सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का नाम, ठीक है। अच्छा ये जब नाम आ गया तो उस अगर लड़की का रिश्ता मतलूब है तो उन हजरत फातिमा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के नीचे अपना नाम लड़की लिख दे। अच्छा, और जो मेल वाला खाना उसको डॉट डॉट करके छोड़ दे खाली, और इसमें खुशबू लगा के सूरह निसा की या सूरह यासीन की पहली जो आयतें हैं शुरू की
उनमें फोल्ड करके इस नियत से रख दे कि अल्लाह मेरा बेहतरीन रिश्ता इनके वास्ते वसीले से मुकद्दर फरमा दिए। जो रिश्ता ये नया आपने बताया, ये से पहले मैंने कभी हाँ ये बस मेरा अपना बताया तजर्बा है, क्योंकि वसीले से अल्लाह पाक बड़ी चीज़ें कर देते हैं। ये हस्तियाँ तो ऐसी नस्बत से ज़रूर अल्लाह पाक खैर अता फरमाएंगे। एक तो ये अमल हो गया, ठीक है। पढ़ाई के लिहाज से सूरह निसा की पहली आयत को ओशा की नमाज के बाद 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिश्ता अता फरमाएंगे। बहुत अच्छा, एक कॉल शामिल करेंगे फिर ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हिना साहिबा हैं जी, इस्लामाबाद से गालिबन कॉल किए, फैसलाबाद से। जी हिना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही हमें अभी तक। हेलो जी, जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? कुछ आवाज आप मफल्ड सी है। हेलो जी, आप आ रही है सही आवाज? जी जी, जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? आप जल्दी से पूछिए, मैं ब्रेक पे जाना है, कट गई कॉल। अच्छा जी, अगर आप लोगों को, क्योंकि हमारी गुफ्तगू जारी होती बहुत सी कॉल्स होती, प्लीज अपना सवाल जो है वो लिखवा दे कर। इनका इशू ये था कि औलाद नहीं हो रही, जो पहले हमने बताया औलाद का मसला है, जाते जाते एक बता दीजिए। हाँ, फिर इसके लिए दूसरा वजीफा बता दो, सूरह रहमान की पहली लाइन अर रहमान अल्लमा अल कुरान खलक अल इंसान, इसमें भी तख्लीक इंसानियत का जिक्र है, ठीक है। इस आयत को भी खुद लड़की लड़का जो भी हो तो वो वृद्ध रखे, मियाँ बीवी दोनों, और पानी पे दम करके पी लिया करें या शहद पे दम करके रखें, शायद इसका सहरी इफ्तारी में खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसकी बरकत से औलाद अता फरमाएंगे। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। इमरान भाई, अल्लाह आपको जजा दे, आप खुश रहिए। इसी तरह पीटीवी के आप प्रोग्राम में हर रोज शामिल होते हैं और हर रोज बहुत से लोगों के मसाइल हल करते हैं, इलाज करते हैं, अल्लाह बहुत बरकत डाले आपके इस काम में। जनाब आगे बढ़ेंगे, सेलिब्रिटी गेस्ट की जाने, हमारी बहुत फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहता हूँ। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं और ये खूबसूरत जो महफिल है आप लोगों के लिए सजाई हुई है। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप मौजूद हैं आपके रोज़े बेहतरीन अंदाज में गुजर रहे हैं। हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट का क्योंकि टाइम है और आज हमें ज्वाइन किया हमारी बहुत प्यारी दोस्त, हमारी साथी, हमारी आर्टिस्ट, होस्ट, सैलून चलाती हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं, नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम और सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक नादिया। सबसे पहले तो ये बताइए नादिया, रमजान का आगाज ये भी हुआ है तो अभी ये तो एक कुछ हम यही पूछना चाहेंगे कि रमजान में रिचुअल क्या हो रहता है, क्या पूरा दिन काम भी आप, यू रन योर सैलून आल्सो, और मुझे मालूम है कि दो जगह तो माशाल्लाह प्रोडक्ट भी अपनी इन्होंने लॉन्च करी है, अपनी अच्छा, प्रोडक्ट भी लॉन्च करी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो किस तरह मैनेज होता है रमजान में सारा? एक्चुअली रमजान के शुरू में तो काफी आराम होता है क्योंकि इतना ज्यादा सैलॉन्स पे रश नहीं होता है। मेरी 3 ब्रांचेस हैं कराची में, तो सैलॉन्स पे तो शुरू के दिनों में बिल्कुल रश नहीं होता है, तो सैलॉन्स पे सफाइयां इस वक्त चल रही हैं, जो गहरी सफाइयां होती है ना वो चल रही हैं, और वैसे अगर कोई एक दो अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं तो उसको मैं अटेंड कर लेती हूँ। अदरवाइज रमज़ान घर में भी जो है वो शुरू के तो रमज़ान बड़े अच्छे गुजरते हैं, पता ही नहीं चलता कि यू नो हम लोग रोज़े रख रहे हैं, क्योंकि शुरू के दिनों में जो है ना रमज़ान में आपको बड़ी एक्साइटमेंट भी होती है और यू नो वो एक जज्बा बड़ा आपका वो, फिर अगर आप काम कम करें तो फोकस ज़्यादा होता है रोज़ों पर। तो फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता और फिर मतलब कि रमज़ान के शुरू में जो है ना एक एक्साइटमेंट बड़ी होती है यू नो रोज़ों की और वो सारी चीज़, तो वो इफ्तार का कोई एहतमाम वगैरह करते हैं, कोई ख़ास चीज़ बनती है इफ्तार में घर में? इफ्तार में घर में जो है ना एक स्टैंडर्ड है क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक्चुअली पकौड़े बहुत ज्यादा पसंद है और पकौड़े कैसे बनाते हो नादिया? और जो लाल जो शरबत होता है ना उसका जो मिक्सचर होता है। डू यू एवर मेक पकौड़ास फॉर योर हस्बैंड? हाँ हाँ, मतलब कि जब कभी जो है वो इस तरह का टाइम होता है तो फिर मैं साल में एक आध मरतबा बना लेती हूँ। हाँ, वो रमजान में ही बनते हैं। अदरवाइज नहीं नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअली पकौड़े जो होते हैं ना, मुझे बड़े तीखे जो होते हैं ना मिर्च वाले, वो मुझे बहुत पसंद है,
तो मैं अपने जब मैं पकौड़े का मिक्सर बनाती हूँ तो मुझे उसके अंदर लाल मिर्च, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, वो मुझे डालने का बहुत शौक है। जिससे खाने में वो भी नहीं खाएगा? नहीं 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 नहीं, ये खाए जाते हैं ना मिर्चे, इतनी मिर्चे नहीं उसमें, एंजॉय कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, फील नहीं होती है वो मिर्चे, लेकिन मुझे जो एक्चुअली जो मिर्चों में जो मसाला भर के अंदर जो वो भी बनाते हैं ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा नादिया, एक चीज मैं जरूर नादिया से हमेशा पूछता हूँ कि माशाल्लाह हाउ मेनी किड्स यू हैव? फोर माशाल्लाह। और प्रोफेशनल काम भी बाहर जाके, मतलब अपना पूरा बिजनेस भी चला रही हो, एक्टिंग भी कर रही हो, अपने शोहर को भी देखती हो, अपने चारों बच्चों को भी, उनका भी ख्याल कर रही हो, तो ये घर भी सब नादी ने जबरदस्त अपना सेटअप किया है और हर चीज जबरदस्त होती है और हर चीज में इन्वॉल्वड है, किसी की खुशी में भी शरीक होती है। अच्छा, अब इस इतनी एनर्जी और इतना काम, ये कहाँ से इंस्पिरेशन आती है सारी? मुझे लगता है कि जब आप एक चीज़ अपने, मतलब आपने गोल अगर बनाया हुआ होता है कि भाई ये आपको दिन में अचीव करना है, तो आप, मतलब मुझे तो लगता है कि मैं उस गोल को अचीव करने के लिए, मेरे लिए वो एक खुशी है, और मैं जब मुझे वो खुशी पाने के लिए मुझे वो एक एफर्ट करनी पड़ती है कि ये खुशी है मेरी, और ये तो मैं उसको बोझ नहीं समझती हूँ, ये मैं बोझ टारगेट बना के उसको पैशन के साथ करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी, मेरे जो काम करना है वो मेरे लिए खुशी है, सो इस वजह से जो है मैं उसके ऊपर हमेशा एक, मुझे लगता है कि इसमें बरकत होती है और उसी तरीके वही एनर्जी देती है मुझे। ठीक है, अच्छा रमजान, क्योंकि सारा साल तुम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, रमजान में कोई स्पेशल ऐसी चीज जो लोगों के साथ शेयर करना चाहोगी कि ये जो है रमजान में मैं ज्यादा करती हूँ, या ये काम जैसे इबादत हम करते हैं, यकीनन हाँ। नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, इसके साथ साथ और क्या सिलसिला रहता है रमजान में? रमज़ान में फिर मेरे जो जितनी भी जो ब्रांचेस हैं सलोन की, वहाँ पे हम, मैं इफ्तारी का एहतमाम करती हूँ। अच्छा, तो वो मुझे बहुत एक उस चीज़ की खुशी होती है कि जब लोग और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश होता है, सो उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट एवरी ईयर कि मैं लोगों के लिए इफ्तारी का एहतमाम जब होता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा उसमें एक सुकून, एक दिली सुकून मिलता है उस बिल्कुल इस काम में, तो वैसे ही बहुत और बड़ा सवाब है ये इफ्तार कराना। वो कहते हैं चाहे खजूर से भी आप या पानी से भी आप इफ्तार कराएं तो बहुत ज़्यादा सवाब। और हमारे यहाँ ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है माशाल्लाह कि लोग कराते हैं, कि लोग कराते हैं, और मैंने देखा है कि सड़कों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं और मुझे पता भी नहीं होता कि ये कौन लोग हैं। घरों के आगे भी अक्सर ऐसा होता है, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो कराती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ घरों के आगे भी, तकरीबन कल भी मैं जब जा रही थी तो मैं देखती भी जा रही थी कि लाइनें लगी हुई हैं आम घरों के आगे, यानी कि लोग ये करते हैं। और कहते हैं कि क्योंकि रमजान में हर चीज का गुनाह और सवाब जो है ना, वो गुनाह झड़ते हैं और सवाब एक एक 70 गुना हो जाता है, तो लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि रमजान में ज्यादा करें। और आजकल के दौर में जो पिछले हमारे जो चंद साल गुजरे हैं उसमें, जैसे कि मैं फ़ोन पे भी सुन रही थी कि लोग बेरोज़गार भी हो चुके हैं इतनी, मतलब इतनी लोगों की जहनी परेशानी है सिर्फ खाने से लेकर भी, तो मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट आप उनके लिए इतना कुछ जो है वो अगर आप कर सकते हैं रमज़ान के महीने में ही, तो लोग तो घर भी लेके जाते हैं। और मैं कभी भी मना नहीं करती हूँ कि आपको जो लेके जाना है आप घर लेके चले जाओ, आपको तीन तीन चार चार पैकेट लेके जाने हैं तो आप लेके चले जाओ, मैं कभी भी मना नहीं करती। नादिया, मुझे बच्चों की जो दीनी तालीम, हम दुनियावी तालीम तो चलती है, दीनी तालीम के बारे में बताओ कि उसको किस तरह से मैनेज करती हो, उसके बारे में बताओ। देखिए, दीनी तालीम के लिए तो ऑफ कोर्स जो कुरान का एक जो सीखना और सीखना जो है वो तो एक प्रोसेस चल रहा होता है, वो तो लाजमी चल रहा होता है कि वो आते हैं, मौलवी साहब आते हैं, उनको कुरान की जो एक पढ़ने का जो एक और जो तलफ़ सही तलफ़ और पढ़ने का जो सिलसिला है वो तो चलता रहता है माशाल्लाह। कि मेरे जो बड़े बच्चे हैं उन दोनों ने जो है वो कुरान ख़त्म कर चुके हैं वो उसको, और अब वो रेपिटिशन में जो है वो चल रहा है। उसके साथ साथ जो है वो एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम अपने एज पेरेंट्स यू नो लाइक उस चीज़ को अपने बच्चों को एक तालीम देते हैं अपने ही एग्जाम्पल बन के, वो एक बड़ा अच्छा एक एक बच्चों में एक उस चीज़ का असर पड़ता है। अगर आप खुद कुरान और नमाज पढ़ रहे हो तो वो बच्चे सिर्फ उनको कहिए नहीं, उनको दिखाइए। आप ये कह रही कि व्हेन दे सी यू डूइंग इट दे फॉलो यू मोर, बच्चे आपके खुद कहेंगे कि आप तो करते नहीं। हाँ, बच्चे बोल दें कि आप तो करते हैं, तो इसलिए घर में
प्रीच, जब आप प्रीच कर रहे हैं तो आपको वो प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है, जो भी आप बच्चों को बता रहे हैं अच्छे बुरे की तमीज़, यू नो, मतलब जो भी आप एक दीनी तरीके से जो आप चाहे कहानियाँ हो गई, कहानियाँ तो खैर ऐसी हैं कि जो आप कॉन्स्टेंटली बच्चों को जो है वो कुछ ना कुछ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे पास होते हैं जो वाकया कल बच्चों। कल जब मैं घर गई हूँ तो अफ्तार का वक्त हो रहा था, तो इब्राहिम जन्नत पे कुछ किसी बात पे तेज आवाज में चीख रहा था कि नहीं आप गलत कह रही हैं, कुछ इस तरह से करके ना, तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा बस तुम्हारा तो रोजा टूट गया, कोई फायदा ही नहीं रोजा रखने का, तुम रोजे में भी बहन से लड़ रहे हो। हाँ। अच्छा बात खत्म हो गई, अब रोजे का टाइम था, हम इफ्तार कर रहे हैं। अब ना मुझे सऊद ने इशारा किया, मैंने बराबर में देखा तो रो रहा है बैठा हुआ, कहा जा रहा है रो जा रहा है। मैंने कहा भाई रो क्यों रहे, क्या फायदा रोजा तो टूट गया। मैंने कहा नहीं रोजा टूटा नहीं है। हाँ। लेकिन रोजा मकरूह हो जाता है, कहने का तरीका ये था आपका कि रोजा मकरूह हो जाता है, हाँ गुस्सा नहीं करो, तो फिर सुकून उसको मिला है, फिर उसने दोबारा से खाना शुरू किया। तो ये चीजें बच्चों के लिए कितनी जरूरी ना दिया, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, लोग सुनते हैं, बच्चे का खाली दिमाग होता है ना, आप जो उसमें डालते हैं वही भरेगा उसके अंदर। क्या कहेंगे आप? नहीं जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ख़ास तौर पे जब हम एक इस किस्म के माहौल में होते हैं जहाँ पे रमज़ान में इतनी ज़्यादा इबादतें हम करते हैं, इतना ज़्यादा हम लोगों की मदद करते हैं, एक्स्ट्रा एक एफर्ट करते हैं, तो लोग जो हैं और ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो हैं वो उसी चीज़ को अब्ज़ॉर्ब करते हैं, और जब वो देखते हैं अब्ज़ॉर्ब करते हैं उस चीज़ को आगे एक अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिस बना लेते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। और एक और चीज़ कि मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि जी आप जो हैं वो कुरान की जो ट्रांसलेशन है वो आप ज़रूर पढ़ें और आप सुने भी, कि भले आप उर्दू में अगर आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप अंग्रेजी में ही समझते हैं जो आप समझते हैं, आप सिर्फ ये नहीं है कि जी अरबी में आप पढ़ रहे हैं, अरबी के साथ साथ जो आपको ट्रांसलेशन समझ आती है ख़ासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि अब जिस तरह कि मैं अपने बच्चों की बात करूंगी, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको एक अंग्रेजी ज़्यादा कंफर्टेबल कंफर्टेबल है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि जी सिर्फ उर्दू में ज़रूरी है या सिर्फ फारसी में ज़रूरी है, सिर्फ अरबी में ज़रूरी है, सिर्फ जो है वो फ्रेंच में ज़रूरी है, या किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में जो आप समझते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का मुसलमान हो, वो उसको अपनी लैंग्वेज में सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चीज़ अपने बच्चों को ज़रूर इनकरेज करती हूँ कि आप ट्रांसलेशन को पढ़ें। और अब जो है वो YouTube ने बहुत आसानी कर दी है कि बहुत से ऐसे ऐप्स आ गई हैं, ऐसी ऐप्स भी बहुत हैं जहाँ पे आप ट्रांसलेशन सुन सकते हैं, तो मैं उनको ज़रूर कहती हूँ कि जी आप ट्रांसलेशन सुने, ताकि ये कि आप रोज का एक सिपारा जो है वो आप ट्रांसलेशन में आप सुने। बहुत जरूर, बहुत अच्छी बात ना दी कि हमें ब्रेक की जाने पड़े ना दी, ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सी खवातीन, बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि नादिया हुसैन को बहुत अरसे से देख रहे हैं और बड़ा फिट देख रहे हैं, हमेशा से बहुत ख्याल रखती हैं अपना, और स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत होती है कि एक अपनी कोई ख़ास रिचुअल, कोई प्रैक्टिस अपनी जो आप करती हैं अपनी स्किन पे या अपने आपको फिट रखने के लिए, क्या करती हैं ये बताइए। वेल स्किन के लिए तो मुझे लगता है कि ये एक क्लेंजिंग सी हो ही जाती है रमज़ान में, कि एक ऑटोमेटिक सी रूहानियत भी होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आई टोटली एग्री विद दिस, कि आप जब सोचते हैं ना बिल्कुल कि हर चीज़ हमने अल्लाह के लिए करना है, नेकी से करना है, एक नीयत बनाते हैं, तो वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और उसके अलावा जो है, अगर मैं कुछ डाइट के लिहाज से बात करूँ, तो मुझे तो लगता है कि कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ कि यू नो लाइक कुछ अपना कंट्रोल करके रखें, कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ्राइड चीज़ें ना हो, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा हो नहीं पाता रमज़ान में, तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन फिर वो उसमें पता होता क्या है कि फिर मैं ज़्यादा जो है वो एक्चुअली दही का फिर मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, कि जिसमें आपका वैसे ही दही से मुझे लगता है पेट काफ़ी हद तक भर जाता है, ठीक है भर भी जाता है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है और उसमें बहुत कैल्शियम, और सही है नादिया। नादिया थैंक यू सो मच, यू आर पार्ट ऑफ दिस शो, लेकिन हमारे साथ ही रहेंगी, हमारे यहाँ पे ज्वाइन हमें बहुत ही एक प्यारा सा बच्चा है शीस, आप जानती होंगी, जिसने मेरे पास तुम हो एक हमारा प्ले था, बहुत बड़ा प्ले था, उसमें वो बच्चा शामिल था। फिर उसके बाद खालिद अनम साहब, जो बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ लेके आते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे भी हमारे साथ हों, खालिद साहब भी हों, और एक स्पेशल उनके साथ मेहमान होता है जो कि फ्रॉगी है, जिसका नाम है मिस्टर डीडी, डीडी नाम है, अच्छा वो भी होगा,
कहते हैं उसका डीडी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। कहते हैं वैसे डड्डू है लेकिन अब वो डीडी रख लिया। एक ब्रेक छोटा सा लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उनको भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रमजान पाकिस्तान। और प्यारे से बच्चे का नाम क्या? अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है? वारिस। वारिस, वेरी नाइस। शीज़, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मिस्टर डीडी। अरे मैं आपके पास डीडी आ ही रहा था, हाथ मिलाइए मुझसे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, हाउ आर यू मिस्टर अहसन, आप कैसे हैं? आई एम गुड, आप कैसे हैं आज? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताएं, आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं, प्लीज मुझसे ऑटोग्राफ लीजिए आप। अब मेरा हाथ तो छोड़ो यार, हाथ, सॉरी 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 यार, हाथ छोड़ो, ऐसा पकड़ा जोर की यार, ये कैसा, ये क्या है तुम्हारा दोस्त यार? शीश, जज्बाती हो गया ना, इतना बड़ा एक्टर मेरे पास आया तो मैं जज्बाती हो गया। जज्बाती हो गया, अब जज्बाती रहना, आराम से यहाँ पे आराम करो। मुझे ये बताओ कि आज क्या हो रहा है और रोजे कैसे गुजर रहे हैं, ये बताओ। रोजे बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपको पता है हमारे डड्डू लैंड में जो है ना, हम एक दिन में चार रोजे रखते हैं। एक दिन में चार रोजे, वो कैसे? हाँ, तो जितने डड्डू होते हैं वो ऐसे करते हैं ना। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ कि लोगों को क्या कहना चाहोगे मिस्टर डीडी, क्या पैगाम दोगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, आप रोजे रखें तो आप रोजे रखने के साथ साथ हमारे जैसे लोगों का भी ख्याल करें, जो ज्यादा छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, चिड़िया, कबूतर, डड्डू, तो उनके लिए भी बाहर जो है ना गर्मी बहुत है, पानी वानी रख दिया करें आप। मुझे ये बताओ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे सड़कों में बहुत डड्डू नजर आते थे, लेकिन डे बाय डे जो डड्डुओं की तादाद है फ्रॉग्स की, वो कम होती जा रही है। कोई खास वजह इसकी? तुम लोग कहीं भाग तो नहीं रहे यहाँ से? नहीं, हम क्या भागेंगे, वो आपने सारा सब्जा खत्म कर दिया, आपने सड़कें बना दी हैं, जंगल काट दिए हैं, तालाब खत्म हो गए, तो हम कहाँ जाएंगे आप बताइए फिर। ये बात तो है, ये तो बड़े जुल्म की बात है। नहीं, हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आते हैं। आपको पता है आपके साथ शो में और कौन आता है यहाँ पे? कौन कौन कौन? एक बहुत जबरदस्त हमारी शख्सियत है यहाँ पे, पीटीवी का फेस है, कल भी आए थे, बहुत जबरदस्त कहानी सुनाई थी, आज भी आएंगे। बुलाऊं क्या उनको मैं? भाई उनको ना बुलाए करें, वो सारा मेरा टाइम ले जाते हैं, फिर मुझे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, उनके बगैर तो शो आगे बढ़ नहीं सकता, तो क्या करूं? तो हम पीछे बढ़ा देते हैं, आगे ना बढ़ाएं आप। तो फिर आप पीछे जाइए और हम उनको बुलाते हैं, तो प्लीज वेलकम आवर वेरी फेवरेट खालिद अनम साहब। वो अभी अभी वो आ रहे हैं, मुझे पहले शीश शीश बात सुनो। अरे शी, ओके ठीक है जी, बाद में बुलाएंगे शीश साहब से। तुमने ये यार सलवार कमीज बड़ा अच्छा पहना है, कहाँ से आया ये? ये मुझे स्मॉल ब्रैकेट वालों ने दिया है। तो उनसे कहो ना स्मॉल ब्रैकेट से, जब मुझे भी स्मॉल ब्रैकेट का देना। ओहो मिस्टर डीडी, ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं, मेरे सवाल का जवाब देना होता है, फिर एज अ रिवॉर्ड गिफ्ट हैम्पर मिलता है। तो जवाब है मेरे पास, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जवाब दे दिया ना मैंने। नहीं। तो चलो फिर वो ऐसा करो तुम, ओ, 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 ये तुम्हारे हाथ में क्या है? स्पाइडर। स्पाइडर क्यों लाया मिस्टर डीडी? फेक है। अच्छा फेक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं खालिद भाई को बुलाता हूँ। जी मिस्टर डीडी, आया मैं। ये कहाँ चला गया खालिद भाई? अस्सलाम वालेकुम। ये आपको देखते ही भाग जाता है। वो उसको अस्सलाम वालेकुम, उसको लगा कि कहीं स्पाइडर वगैरह उसको ना काटते, वो डरता बहुत, तो इसलिए वो भाग गया। आपसे ज्यादा डरते हैं। मुझसे? हाँ। असल में गॉड इन हेवन, पता नहीं आपने क्या, उसे डरता हूं। पता नहीं क्या बोला है आपने उसको। नहीं, वो बीच में उसको बहुत बीच में बात करने की आदत है, किसी को बात नहीं करने देता। ठीक है, ओके। तो ठीक है, थैंक यू, बैठिए, ओके रखिए। अस्सलाम वालेकुम। चीज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। आज तो आप हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, आप कैसे हैं जनाब? क्या नाम है आपका? वारिस। वारिस, और आपका? हाशिम। हाशिम और वारिस हमारे साथ हैं, और तुम ये स्पाइडर लाए हो? फेक। Fake है ना? हाँ, तो spider, but anyways, before we move on with our किस्सा of today, हम आपको बताएं, कल जो हमने आपको एक किस्सा कुरान का सुनाया था, वो सवाल उस पर ये था कि हाथी की कहानी का जिक्र कुरान के किस पारे में आया है, और उसका जवाब है 30वां पारा। और इसका सही जवाब जो हमें भेजा गया, और एक और सवाल था कि उस बादशाह का नाम बताएं जिसने खाना काबा पे अटैक किया था, और जवाब है अब्राहा। और हमें साहिवाल से अथर खान ने इसका जवाब दिया,
और वो ये इनाम जीत गए हैं। आप क्या देंगे उनको? स्मॉल ब्रैकेट का तोहफा, स्मॉल ब्रैकेट का तोहफा, स्मॉल ब्रैकेट का तोहफा जो है वो आपके यहाँ फोन करके पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है आज के किस्से की। आज मुझे हमारे एक दोस्त हैं, जब मैं यहाँ आ रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई। बच्चों, सीखने के लिए कोई एज की लिमिट नहीं होती। हम जब तक हम चाहे 90 साल के हो जाएं, हर लम्हा हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त से मुझे कॉरिडोर में रोका और कहा, आपने बात यह की थी कि कुरान की कहानियां असल में वो कुरान के किस्से हैं, कहानी तो कोई भी बना सकता है। तो मैंने खुद को दुरुस्त किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो आप जब कभी कोई आपकी इस्लाह करता है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, है ना। सो आप चूंकि आज स्पाइडर लाए हैं, तो आपको पता है कि हमारे तारीख इस्लाम में स्पाइडर का बहुत बड़ा एक रोल रहा है और उसको बहुत अल्लाह ने एक तरह से अपनी एक फौज का हिस्सा बना के उसको इस्तेमाल किया है। ये वाकया तब का है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग रिसालत का काम शुरू किया और मक्का में लोग उनके दुश्मन हो गए, तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का फैसला किया। जिस रात उनको हिजरत करनी थी, मक्का के कुरैश के सारे कबीले उनकी जान के दर पे थे, सब ने चारों तरफ से उनके घर को घेर लिया, तलवारें नेजे लेके उनके बिस्तर के चारों तरफ जमा हो गए। रसूल अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत अली करमुल्ला वजह को अपने बिस्तर पर लेटाया, अपनी चादर उड़ाई और कहा कि अली आज तुम मेरे बिस्तर पर सोगे और मुझे आज अल्लाह के हुक्म से हिजरत करनी है। वो क्यों? वो इसलिए बेटा कि अल्लाह ने कहा कि यहाँ अब क्योंकि मुश्किल हो रही है, तो अल्लाह ये कहता है कि जब कभी मुश्किल हो तो आप चेंज कर सकते हैं हालात। ये तो नहीं अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे यहाँ कील चुभनी शुरू हो जाए और मैं बैठा रहूँ कि नहीं मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। नहीं, अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, पाँव दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, आप उठ जाएं, तब्दील कर लें अपनी सेटिंग। तो अल्लाह ने हुक्म दिया अपने हबीब को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि तुम यहाँ से हिजरत कर जाओ। तो ये बंदोबस्त अपने घर में करके काफिरों के साए में अपने दामाद को, अपने भाई को, हज़रत अली करमुल्ला वजह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलाया और वो निकले हिजरत के लिए। उधर काफिरों को खबर पहुंच गई कि ये हिजरत करने जा रहे हैं। जब खबर पहुंच गई तो उन्होंने उनकी तलाश में अपने कुछ सिपाही भेजे, कुछ कुफार साथ हुए और एक कहते हैं खुरा तलाश करने वाला, जिसको आप कह लें कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है, खुरा कहते हैं जानवरों के पैर के निशान, कि उसको लगाया कि देखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ गए हैं। रसूल अल्लाह अपने प्यारे दोस्त, हमारे पहले खलीफा मुसलमानों के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मक्का से निकले और जो मदीने का रास्ता था उससे हट के इस तरफ चले और वो पहुँचे एक पहाड़ के दामन में और उस पहाड़ के ऊपर एक गार था, उसका नाम था गारे सौर। अब जनाब हुआ ये कि वो जो खुरा तलाश करने वाला था वो बड़ा माहिर आदमी था, उसने कहा ये मदीने के रास्ते से हट के है और वो वहाँ लेता गया और वो कुफार ने कहा तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहाँ आए हैं? उन्होंने कहा भाई खुरे तो यही बताते हैं, निशानात तो यही हैं। तो आप जनाब चूँकि जब वहाँ पहुँचे अल्लाह के हुक्म से उस गार में चले गए, गार में मौजूद हुए, गार में जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो दाखिल हुए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ठीक है आप आ जाइए, रसूलल्लाह ने उनको उनके पीछे वहाँ गए और वो दोनों गार में आ गए। और कुरान में इसका बड़ा अच्छा जिक्र भी है कि जनाब अबू बकर को बहुत तकलीफ़ थी और बहुत गम था कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, तो वहाँ वो रोते भी थे। तो अल्लाह ने आयत में कहा कि तुम फिक्र ना करो, रसूलल्लाह से कहा कि इससे कहो तुम परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। तो अब वहाँ ये हुआ कि जब कुफार दामन तक पहुँच गए, उन्होंने गार को देखा और आवाज़ें मारी पुकार के कहा रसूलल्लाह का नाम लेके तुम जवाब दो।
खैर वो गार पे चढ़े, जवाब कोई ना आए, जब ऊपर गए तो अल्लाह की शान ये देखिए बच्चों, ये जो मकड़ी अभी हमें शीश ने दिखाई है छोटी सी, अल्लाह ने उस मकड़ी को हुक्म दिया कि तू इस गार के मुंह पे एक अपना जाला बुन दे। उस मकड़ी ने परवरदिगार आलम के हुक्म से अपना जाला उस पूरे गार के मुंह पे बुन दिया। वो देखिए अल्लाह के हुक्म की कितनी पाबंद थी, अल्लाह के हुक्म से उसके रसूल की हिफाजत पे मामूर थी। और अल्लाह ने एक कबूतर को हुक्म दिया कि तुम जाओ और उस गार के दहाने पे घोंसला बनाओ और उसमें अंडे दो। ये तो ये काम होता है कई महीनों का। अगर आप जानवरों, आपने कभी पेट पाला हो तो आपको लगता है कि टाइम लगता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो परवरदिगार आलम है और उसका हबीब वहाँ पे है, उसके हबीब का हबीब वहाँ पे है। तो आप सोचें कि ये हिफाजत का बंदोबस्त कैसे ना होता। तो अल्लाह ताला के हुक्म से मकड़ी ने जाला बनाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पनाह में पीछे थे और एक कबूतर ने वहाँ घोंसला बना के वहाँ पे अंडे दिए। जब वो कुफ्फार वहाँ चढ़ के आए तो वो बहुत हैरान हुए, उन्होंने कहा ये पहाड़ी तो आगे तो कुछ नहीं, ये गार ही है, गए होंगे तो यहाँ गए होंगे लेकिन यहाँ जा कैसे सकते हैं, ये कल तो यहाँ आए हैं और यहाँ मकड़ी ने जाला भी बनाया हुआ है, वो बैठी हुई है मकड़ी, और ये कबूतर ने यहाँ अंडे भी दिए हुए, वो भी, ये तो एक दिन का काम ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ तुम्हें खुरा जो तलाश करके आया था, उन्होंने कहा तुमसे गलती लगी है, ये यहाँ नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी जल्दी बना कैसे लिया मकड़ी, ये अल्लाह की शान है। देखो कहते हैं मिरेकल, ये मोजज़ा जो होता है ना वो होता है, अंग्रेजी में उसकी तशरीह में उर्दू में करूँ कि जो चीज़ नामुमकिन लगे मगर फिर भी हो जाए। सुभानअल्लाह, तो दैट इज़ अ मिरेकल। ये एक मिरेकल था, एक मोजज़ा था कि एक ना होने वाली अनहोनी चीज़ हो गई। तो इस तरह रसूल अल्लाह की हिफाजत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और उनके अपने खलीफा की हिफाजत अल्लाह ताला ने एक मकड़ी और एक कबूतर के ज़रिए की। अल्लाह, मैंने जैसे कल की कहानी में भी बच्चों आपको बताया था कि अल्लाह के सामने जब अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन आते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें लेके आते हैं ना, उस जमाने का सबसे बड़ा सवारी हाथी था, अल्लाह ने उसके मुकाबले में इतनी कंकरी मुंह में लेके एक चिड़िया भेजी। अब दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दुश्मन कुफार, वो किस कदर जंगजू थे, उनके मुकाबले पे अल्लाह को कोई फरिश्तों की फौज नहीं उतारनी पड़ी, एक छोटी सी मकड़ी भेज दी, एक छोटा सा कबूतर भेज दिया। अल्लाह की शान है ये, अल्लाह ने उनको इस तरह जेर किया और अपने पैगंबर की हिफाजत की। और हिजरत जो है ना वो इस्लाम में वो दर्जा रखती है कि मुसलमानों का साल वहां से शुरू होता है, एक नई जिंदगी होती है, हमें ये साल हिजरी में है ना, तो हिजरत की इतनी इंपॉर्टेंस है दीन में। अल्लाह ने एक हयात नौ, एक नई जिंदगी इस्लाम में भर दी कि जब रसूल अल्लाह यसरब पहुंचे, जिसका नाम बदल के बाद में मदीनतुन नबी रखा गया, तो वहाँ वो पहुँचे तो वहाँ पे लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और दीन इस्लाम को एक नई जिला, एक नई ज़िंदगी वहाँ से मिल गई। तो दोस्तों आज का किस्सा ये था, और इस किस्से में जो जिन्होंने हमें सुना, अच्छा आपने कल बड़ा अच्छा हमें आइडिया दिया था, हमने एक सवाल यहाँ बैठे बच्चों के लिए भी रखा हुआ है। हाँ जी, और अगर वो जवाब दे देंगे तो उनको हम वो गिफ्ट पैक मिलेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट का। बताइए सवाल, आप ऐसा करें, ऐसे हम बिल्कुल हम ऐसा करते हैं, हम सवाल नादिया, आज नादिया हुसैन बैठी, हम इनसे कर लेते हैं सवाल, ठीक है। नादिया भी बड़े हमारे साथ गाने गाती रही है, नादिया ने हमेशा ये बोला है, खालिद साहब आपको ये बताऊं, शीश भी मुझे, नादिया हमेशा मेरे शो में भी आई, वहाँ हमेशा बोलती है कि बच्चों के लिए कोई कंटेंट नहीं है कि बच्चे कुछ फॉलो कर सकें। अब ये इतना प्यारा प्रोग्राम पीटीवी ने बनाया है, जो खालिद साहब के जरिए और शीश सब मिलके यहाँ पे बच्चों की कहानियाँ सुनाते हैं, तो नादिया आई वांट कि जब आप जवेरिया और ऑब्वियसली मैं अपने बच्चों को ये बताऊं कि जब हम घर में हों तो इस मौके पे पीटीवी खास तौर पे बच्चे ज़रूर देखें, ताकि ये जो किस्सा है, ये वाकया जो कुरानी कुरान से या अहदीस से अखज किया हुआ वाकया है, वो बच्चे सुने भी, उनको समझ भी आए। तो आप सवाल कीजिए, नादिया से सवाल कीजिए आप। अच्छा ये बताएंगी, आगे ये बच्चों से पूछेंगे, चलो सवाल ये, गरे सौर में पहले कौन एंटर हुआ था, गरे सौर में सबसे पहले कौन दाखिल हुए, ये मैं जवाब दूंगा, पहले आप पूछ लेना। किसी बच्चे को आता है? नहीं नहीं, अच्छा ये इनसे ही पूछे, दोनों से हम पूछ, चले भाई बताया, अभी हमने बताया भी है वाकये में, किसी ने बताया हमने। अच्छा मैं जवाब दे सकती है,
मैं सुन रही थी हजरत अबू बकर पहले एंटर हुए थे। बेशक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले दाखिल हुए थे। तो ये इनाम तो इनको मिलेगा ना? नहीं तो ये तो स्मॉल ब्रैकेट है ना। अच्छा, दूसरा इनाम मिलेगा। हाँ, वो दूसरा इनाम मिलेगा। आपको दे देंगे। अब एक और सवाल आप पूछो, जो हम यहाँ कोई बच्चा है जिससे आप पूछना चाहेंगे? इस वक्त कोई बच्चा मौजूद नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हम अब जवेरिया से पूछते हैं भाई सवाल। तो बच्चे हैं, भी बच्चे हैं। वो केव जिसमें आप सौ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सिटी के पास किस सिटी में मौजूद है के पास ये गार जो है जो गार जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारिसोर गारिसोर ना हाँ तो आप तो जा चुकी हैं। मैं तो जा चुकी हूँ दो तीन दफा। तो किस किस शहर के पास है? मक्का से निकले तो जाहिर है। अच्छा, निकले थे तो मदीने के आपने बोला कि मक्का से निकलकर मदीने के रास्ते जा रहे थे तो वहां पे उन्होंने पनाह ली। देखो बच्चों, ये तरीका होता है एक चीज को सवाल को गेस भी करने का कि इन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल की। उन्होंने कहा हिजरत तो मक्के से मदीने की तरफ हुई थी तो मक्के से निकले थे, गार आ गया तो मक्के ही के पास होगा। अगर जवाब नहीं भी आता तो आप कैलकुलेट करते। अच्छा, जो हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए सवाल हम फटाफट कर दें। उनके लिए एक क्वेश्चन है, इधर है उनके लिए एक क्वेश्चन। उस केव का नाम बताएं जिस पर स्पाइडर ने अपना जाल बना दिया था। भाई ये जो हमें बच्चे देख रहे हैं उनके लिए सवाल है, उस गार का नाम बताइए जिसपे मकड़ी ने अपना जाला बुना था। तो हम जिस तरह आज आपने जवाब भेजा उस तरह जवाब भेज देंगे। ठीक है जनाब, जवाब भेजेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देख लिए रमजान पाकिस्तान। Bye. रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी जनाब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। बहुत से इलाकों में तो रोजा इफ्तार भी मुझे लगता है कि हो चुका है या हो रहा है, और कराची में अभी कुछ देर बाकी है, लाहौर में हो चुका है। अभी दुआ का, क्योंकि ये ऐसा सिलसिला है, ऐसा वक्त होता है इफ्तार के वक्त, कहते हैं ख़ास तौर पे आप जो दुआ करते हैं कबूल होती है। रोज़ादार जो दुआ इफ्तार के वक्त करता है वो कबूल होती है। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में याद रखें। जहाँ जहाँ भी आप रमज़ान की ट्रांसमिशन देख रहे हैं अपनी दुआओं में सबको याद रखिए, तमाम मुसलमानों को याद रखिए। और दुआ जो मौलाना बशीर फारूकी साहब करवाते हैं तो उस दुआ में हमारे साथ शामिल होइए। देखते हैं जी, दुआ सुनते भी हैं और दुआ करते भी हैं। आइए जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। या अरहमर रहीमीन, या अरहमर रहीमीन, या अरहमर रहीमीन, इरहमना 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 يا أرحم الراحمين بتفعيل رحمة للعالمين بتفعيل أمة رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنبياء صديقين شهداء صالحين أسماء اسم عظم باری تعالیٰ تیری عطا سے تیرے کرم سے تیرے فضل سے دوسرے روزے کی افطار کا وقت قریب ہے تیرے بندوں نے تیری بندیوں نے تیری مخلوق نے روزے رکھے ہیں یقیناً ہم اس بات کا इतराफ़ करते हैं कि हमसे कोई भी इबादत तेरी शान के लायक हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ तेरा फ़ज़ल होगा, तेरा करम होगा, तेरा एहसान होगा कि तू हमारे इन टूटे फूटे आमाल को कबूल कर ले, ये तेरी रहमत होगी। हमारा कोई तेरी बारगाह में अदल का सवाल नहीं है, सिर्फ तेरे फ़ज़ल का सवाल है। तू अपने फ़ज़ल से रोज़े तरावियाँ नमाज़ें कबूल फरमाने वाला है, कबूल फरमा ले। माना कि हम नाकिस हैं और नाकिस ही रहेंगे, तेरे कामिलीन की नमाजों रोज़ों और तरावियों और नेकियों का वास्ता हमारे रोज़े नमाजें तरावियां इफ्तार सहर अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आज दूसरे रोज़े में हज़रत अब्द रहमान जामी अलैह रहमतुर रहमान के यौम की निस्बत है, तुझे इस अजीम तेरे वली का भी वास्ता पेश करके दुआ करते हैं। बारी तआला हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारी नस्लों की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक
जितने ईमान वाले आ चुके, जितने मौजूद हैं, जितने आएंगे, सबकी बख्शिश व मगफरत कर दे, बख्शिश कर दे। अशराए रहमत है और तेरा फरमान है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। मालिक व मौला, अपनी रहमत कामिला से हमारी बख्शिश हो जाए, हमारे माँ बाप की बख्शिश हो जाए, पूरी उम्मत की बख्शिश हो जाए, इनके हमारे पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर दे और अफ़ दरगुजर फरमा, अफ़ कर और सदा के लिए राज़ी हो जा, तेरा क्या जाएगा, हम शाद रहेंगे या रब। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद वाला आलिही व असहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين جزاك الله ما شاء الله रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं आपको और उम्मीद करता हूँ कि आज का रोज़ा भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जहाँ जहाँ भी आप लोगों का गुजरा है खैर खैरियत से गुजरा है। हमारा आपके साथ पीटीवी की ऑडियंस के साथ बहुत ही एक खूबसूरत अंदाज में रोज़ा गुजरता है हर रोज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज दो रोज़े यानी कि दूसरा रोज़ा भी गुजर गया
और बहुत बखूबी गुजरा, एक खूबसूरत महफिल है पी टी वी की ट्रांसमिशन की, बहुत कुछ सीखने का मौका भी साथ साथ मिलता है। और हमारे यहाँ पे ऑडियंस, हमारे भाई सब यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ हमने आज इफ्तार भी किया है मिलके, और शाह शाकिर साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि हम कुछ नातिया कलाम अगर आप पेश करें। बिस्मिल्लाह सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, दिल में हो याद तेरी गोशाए जब अंजुमन आराई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, दिल में हो या उसकी किस जनाब हज़रत अली करम अल्लाह वजह का एक कॉल
जो बहुत मशहूर कॉल, उसका मफहूम कुछ ऐसा है कि अपनी जवानी या अपनी दौलत के धोखे में मत आना, क्योंकि अनकरीब ये तुमसे छीन ली जाएगी। कोई भी चीज़ रब की ज़ात के अलावा बाकी रहने वाली नहीं है। यही उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह नगेबान। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो। खल्के खुदा को देखो अल्लाह याद करो। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमजान पाकिस्तान।